तो चैंपियंस हेयर आए हैं अरविंद कालिया सर, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे पूरे का पूरा चैप्टर एक ही शॉट में। बिगनिंग में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, बट नाउ एवरीथिंग सॉर्टेड। तो फटाफट चैप्टर पर फोकस करेंगे, आपस में गप्पे भी मारेंगे बट थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी क्रिटिकल है। और कितना अच्छा होगा अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये पता लग जाए कि ये चैप्टर है कैसा, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना होता है, कहाँ कहाँ बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले देख लो भैया नेचर ऑफ चैप्टर क्या है। मुझे पता है यार तुम भी बहुत बताओ, मैं भी बहुत बताओ तुमसे बातें करने के लिए, बट हम सेशन के बीच में करेंगे, अभी सेशन शुरू करेंगे, पहले पढ़ाई फिर दूसरा काम करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, ये चैप्टर आप जब शुरू करोगे ना, बिगिनिंग के 15-20 मिनट तक थोड़ा आसान लगेगा कि यार ये तो आसान है, बच्चे कहते हैं ट्रिग्नो बहुत मुश्किल है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये चैप्टर डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी और वहां पे जाके दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जेई एडवांस की या जेई मेन की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, भाई फिर करना क्यों है चैप्टर, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट यूज बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ही ज्यादा दिखता है। ये नहीं किया तो बहुत जगह पे आप सवाल के मिडल में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नो का एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट लग रहा होगा। तो दिस टेल्स यू कि इस चैप्टर की बहुत हाई लेवल सॉल्विंग करनी ना करनी ये आपके हाथ में है, अगर आप बहुत पर्टिकुलर है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते, बट ये चैप्टर के सारे स्टैंडर्ड कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, वरना बाकी जगह पे आप बहुत दुखी हो जाएंगे। अगली बात, नो डाउट ये 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, उसी का एक्सटेंशन है, बट 10th में आपने इतना सा पढ़ा है और अब इतना सारा आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, भैया इसको जानने से पहले पहले इंडेक्स को देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसमें से फिर बताऊंगा सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक्स कौन से हैं। और हाँ, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल मेक श्योर कि ये चैप्टर को तुम घटिया बना दोगे कि सर ये कोई चैप्टर है, ये तो बहुत ही घटिया चैप्टर है, तो अब ऐसे ऐसे हम सवाल कर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई रियली लाइक व्हेन यू कॉल #मेरा भाई मेरा भाई, दैट इज अ वे आई सी यू ऑल, आई फील फॉर यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो फटाफट यार, अच्छा सबसे पहले वेटेज भी देख लो, बच्चों को ये बड़ा होता है सर ये चैप्टर हम जो पढ़ने लगे हैं उसका वेटेज कितना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ट्रिग्नो और ट्रिग्नो इक्वेशंस को मिला के अगर पिछले 5 साल की एवरेज निकाल लो, 2% ऑफ पेपर वॉज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। एडवांस भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अबाउट 5.8% ऑफ पेपर इन दोनों को मिला के। अगर अकेले ट्रिग्नो की बात करें तो मात्र 3% पेपर वॉज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा, बट अगर ये नहीं आया ना तो बहुत सारे जगह पे सवाल मिडल में ही खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट लगा के पहुंचोगे, वहां पर जाके ट्रिग्नो अटका देगी, क्योंकि ट्रिग्नो का एक बड़ा स्टैंडर्ड कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, और वहां पर फिर मूड ऑफ, शिट स्टैंडर्ड कंसेप्ट कर लेता। तो आज हमने इस चैप्टर को फेल देना, अच्छे से कर देना है। सेशन कितनी देर का जाएगा देखते हैं यार, करीबन 3 से 3.25 घंटे लग सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक हैं, और मुझे ये मेक श्योर करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ये चैप्टर तुमको घटिया लगे। उसके लिए तुमको अदब से सुनना है, और जहां पर जो सोचने को कहूंगा वो सोचना है, और अगर बीच में थोड़ा बहुत मैंने कहा कि यार इसके बारे में बताओ इसका जवाब क्या होगा, तो वो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। वेल, ये रहे इस चैप्टर के सारे टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक कि यार एंगल को मेजर करने के सिस्टम्स क्या क्या हैं, यूनिट्स क्या क्या हैं, देन भैया कॉस थीटा साइन थीटा होता क्या है, क्या ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। वेल, अब नहीं रहेगा, अब ये डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। एलाइड एंगल्स, एलाइड मतलब यारी दोस्ती, ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिनकी आपस में यारी दोस्ती होती है वो समझेंगे। ट्रिग्नो रेशियो, तो भैया वही साइन कॉस टैन सेकेंड कोसेकेंड कॉट, देन कंपाउंड एंगल ट्रिपल एंगल मैक्स मिन वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये वो सारे टॉपिक हैं जो आज के सेशन में हम निपटा देंगे एक ही सेशन में, राइट। अदब से लगाना, ये वो 3 टॉपिक जो उसके मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स हैं। व्हेन आई से मोस्ट क्रिटिकल, मीनिंग समझ लो क्रिटिकल क्यों है। अगर बात करूं इस टॉपिक की, ये क्रिटिकल है क्योंकि ये तुम्हारे हर एक सवाल के बीच में कहीं ना कहीं लग रहा होगा, और बच्चों को इसको ना यूज करने में बड़ी दिक्कत आती है, हालांकि बहुत घटिया कॉन्सेप्ट है, नहीं है तो आज बन जाएगा तुम्हारे लिए, बट बच्चे बीच में अटक जाते हैं एंड सवाल का ना सारा टफ पार्ट कर लेते हैं, ये आसान सा पार्ट आपको सवाल में डुबा देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, सही बताऊं तो दिस चैप्टर अपार्ट फ्रॉम फ्यू फॉर्मूले
ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हर जगह पे, 2θ, 3θ, θ/2, ये जगह जगह आएंगे। इस चैप्टर के बाहर भी बहुत जगह आएंगे। इसके कुछ एक्सप्रेशन तो ऐसे हैं जो तुमको शायद हर एक चैप्टर में दिखेंगे, आज बताऊंगा भी, 3-4 एक्सप्रेशन ऐसे हैं इस टॉपिक के, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में दिखेंगे तुमको 11th-12th में। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नो एक्सप्रेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ट्रिग्नो में भी आता है, फंक्शंस में, रेंज में भी आ जाता है, 12th क्लास के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आ जाता है, तो बहुत जगह आ जाता है, क्वाड्रेटिक में भी आ जाता है, तो बहुत जगह आ जाता है, तो बहुत जगह तंग करने का स्कोप रखता है, हेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक है, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे ज्यादा फोकस बना के रखना है। बाकी ऑफ कोर्स ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई, कीप इन माइंड फ्यू सब टॉपिक्स एंड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी क्रिटिकल। कुछ बीच में सब टॉपिक आएंगे और कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी आएंगी जो कि मैं तुमको बताता रहूंगा, तुमने बस वहां पे ना ऐसे क्लाउड सा बना के लिख लेना कि ये सर ने बोला था, ये भाई ने बताया था कि सबसे क्रिटिकल है, ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे ही करना है। दो बार करोगे, तीसरे खुद समझ आएगा, अच्छा इसलिए ऐसे करते हैं, मेरे बोलने से समझ नहीं आएगा बट मैं बताऊंगा, इसको ऐसे ही करो, करो अभी, दो बार करोगे फिर रियलाइज होगा, अच्छा ये ऐसे ही तो होना था, घटिया ही तो है। तो यहां पे ना ये सवालों में ना कितने बच्चे एग्री करते हैं, ट्रिग्नो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, सर फॉर्मूले तो याद कर लिए, पता ही नहीं लगता कब कौन सा लगाना है, यही नहीं पता लगता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट, टेल मी ऑन द चैट। यस सर, फॉर्मूले सर आगे चिपका लिए दीवार पे अपने, पढ़ पढ़ के याद कर लिए, पर सर लगाई नहीं होते, समझ नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सर कभी ऐसे लिख देते हैं कभी वैसे लिख देते हैं। यस, आज तुम्हारा भाई तुमको बताएगा, सब कुछ बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होता है, मैं तुमको एग्जैक्ट शक्लें बता दूंगा, बेटा जब भी ये दिखे ना यही लगाना है, जब भी ऐसा दिखे यही लगाना है, फोकस इस चीज पे रखना है, अगर ये चीज तुमने देख ली सवाल सारा निपट जाएगा। ये सारी बातें तुमको आज सेशन में बता दूंगा मैं, तुमको वहां पर लिखते रहना है, क्योंकि बार बार कितनी बार वीडियो देख लोगे यार, एक बार अदब से देखो पूरा, पॉइंटर्स लिखते रहो बस, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू। तो चलो भैया अब शुरू करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड एंगल। भाई एंगल्स को मेजर करना सबसे पहले, तो जैसे अब यार पैसे भी तो है, सबसे पहले करेंसी आती है ना यार, कोई डॉलर है, कोई रुपए हैं, पैसे हैं, सेंट्स हैं, पाउंड्स हैं, तो सेम पहले तो एंगल को मेजर करने के सिस्टम क्या है, दो सिस्टम है, सेक्साजेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। एक ना सेंटेसिमल भी था जिसमें ग्रेड्स होते थे, बट वो बहुत ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, उसको छोड़ दिया लोगों ने। आज की जिंदगी में हमारे प्रेजेंट टाइम में ये दो सिस्टम है जो चलते हैं, इनमें से एक के साथ आप काफी फेमिलियर हो, जैसे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये आपने 9th-10th में देखा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बड़े जल्दी जवाब देना, जो पहला थॉट दिमाग में आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं वन राइट एंगल क्या होता है, वन राइट एंगल क्या होता है, सर 90° होता है, दिस इज रॉन्ग, ये डेफिनेशन नहीं है, लेट मी टेल, दिस इज नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल इज एक सर्कल का जो क्वार्टर है उसमें जो एंगल बनता है उसे राइट एंगल कहते हैं। मैंने राइट एंगल पूछा, आप बोल रहे हो 90° पाई बाय टू समथिंग, ये तो डेफिनेशंस नहीं है, ये उनको मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंसेस बनाए गए थे। तो याद रखना, जब कोई पूछे ना वन राइट एंगल क्या होता है, तो आपने कहना है वन क्वार्टर ऑफ सर्कल में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं वन राइट एंगल। ओके, तो सबसे पहले एक आई मैथमेटिशियन, एंगल्स को मेजर करना था, कहता है काम करो, एक राइट एंगल को पकड़ो, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आपके एक पार्ट में जो एंगल बनेगा उसको हम 1° कहेंगे, और जिंदगी पीसफुली चलनी शुरू हो गई। लोग ना 1°, 2°, 3° से काम चलाना शुरू हो गए, उनके लिए 1° का मतलब था एक क्वार्टर ऑफ एंगल को 90th पार्ट में डिवाइड कर दो, उसे 1° कहेंगे। फिर किसी के कीड़े उठे, भैया मैथमेटिशियन से सबके कीड़े उठते हैं, कहता यार मेरे को ना थोड़ा सा रिफाइंड एंगल चाहिए, थोड़ा रिफाइंड एंगल, छोटा एंगल चाहिए, और फाइन कैलकुलेशन करनी है। तो सेम मैथमेटिशियन ने बोला यार एक काम करो, अगर तुम्हें छोटा एंगल चाहिए ना, इस डिग्री को, 1° को ना फर्दर 60 parts में डिवाइड कर दो, 60 parts में डिवाइड कर दो।
एक पार्ट में जो एंगल बनेगा उसको 1 मिनट कहेंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने यार 1 मिनट इसलिए कहा क्योंकि 60 का कंसेप्ट आ रहा है, यू नो मिनट आर्स 60 टाइप्स, या उसके दिल में आया उसने कह दिया, ये मुझे नहीं पता, पूछना भी मत, पता ही नहीं है बताएंगे कैसे। फिर और कीड़े जा गए यार, एक और आ गया, कहता मेरे को तो और छोटा एंगल चाहिए, और फाइन कैलकुलेशन करनी है। तो उसने क्या कहा मैथमेटिशियन ने कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारे कीड़े शांत नहीं हो रहे तो तुम्हें और एक रिफाइंड एंगल दे देता हूँ, ये जो 1 मिनट है इसको फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक हिस्से में जो एंगल बनेगा उसको 1 सेकेंड कह देंगे। देखो मिनट भी कहा 6 सेकेंड भी कहा, हो सकता है उसने वॉच से ही मोटिवेशन ली हो, चलो एनी हाउ, पर लोग कहाँ रुकते हैं। अब इसने कहा मैंने मिनट बनवा लिया, इसने कहा मैंने सेकेंड बनवा लिया, एक तीसरा इंसान आया, सर जी मेरे को तो और रिफाइंड एंगल चाहिए। तो मैथमेटिशियन ने कहा भाड़ में जा, बहुत छोटा हो चुका है, तेरे को पता भी है चीज़ क्या है, ये दिस 1 सेकेंड इज ऑलमोस्ट लाइक इवन थिनर देन योर हेयर, वेरी स्मॉल एंगल, क्वार्टर का 90th पार्ट किया, उस हिस्से को फर्दर 60th पार्ट किया, उस हिस्से को फर्दर 60th पार्ट किया, तो 1 सेकेंड इज लाइक वेरी स्मॉल एंगल, यू कांट इवन सी विद योर नेकेड आई आई सपोज। कीड़े शांत ही नहीं होते, हाँ उसके फिर कीड़े शांत हो गए बेटा, फिर क्या करना था। तो इस तरह से एंगल्स को पहले कुछ मेजर करने का तरीका बनाया गया। तो 1 राइट एंगल को 90 डिग्री कह दिया गया, 1 डिग्री में फर्दर 60 मिनट, 1 मिनट में फर्दर 60 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। बट एक दिन एक मैथमेटिशियन आया, कहता यार ये तो बड़ा ही इनएफिशिएंट मेथड है, सिस्टम है, क्यों, क्योंकि कहता यार इससे मैं कैलकुलस नहीं चला सकता अपना। अब ऐसा उसने क्यों कहा इसकी बात मैं 2 मिनट बाद करता हूं, पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको याद होगा आपने जब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ी थी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, टीचर ने बड़े प्राउड से कहा था बेटा 1 होता है याद कर ले, बहुत आसान है। वहीं पर जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिग्री आया था टीचर ने स्कीम लगा दी थी, याद है कुछ ऐसी स्कीम लगाई थी उसने, उन्होंने कहा था फिजिक्स के टीचर की बात कर रहा हूं मैं, स्कीम ही लगाई थी क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा कैसा क्यों किया। उन्होंने कहा था बेटा पहले ना इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ ऐसा ही किया होगा आई एम प्रीटी श्योर, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में, पर उन्होंने बताया नहीं होगा, या तो उनको आपकी नॉलेज पे डाउट होगा कि अभी छोटा है समझेगा नहीं, या हो सकता है वो खुद थोड़ा बहुत डाउटफुल हो, क्योंकि ये चीज़ हमने भी खुद मैथमेटिक्स के टीचर ने भी बहुत लेट सीखी। सही बताऊं तो तब मैं मास्टर डिग्री में था अपनी, जब मेरे को इसका एक्चुअल रीज़न पता लगा था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टाइम था उसको पढ़ने का, मतलब पहली बार मैंने एनकाउंटर किया इस क्वेश्चन को और तब मुझे जवाब ढूंढने पे मिला, अच्छा इसलिए करते हैं भाई, उससे पहले शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं, किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था, आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, राइट। सो इसकी बात अभी कभी करेंगे क्योंकि ये उसी मैथमेटिशियन के चलते रहते हुआ था जिसने कहा था कि ये इनएफिशिएंट है, मैं इसके चलते रहते कैलकुलस में ट्रिग्नों को यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा। उस मैथमेटिशियन ने एक नया सिस्टम दिया सर्कुलर सिस्टम, और उसकी बदौलत आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में जिंदा है। हाँ तुम्हारे लिए चाहे बैड न्यूज़ है सर, काहे को सर। तो यार उस मैथमेटिशियन ने क्या किया, वो बैठा था फ्री, अब फ्री बंदे क्या करते हैं, गोले बनाते रहते हैं जिंदगी में, तो गोले गोले बनाता जा रहा था, बनाता ही जा रहा था, सेंट्रिक फिक्स कर दिया, सर्कल्स बनाता जा रहा था कॉन्सेंट्रिक। फिर कहता यार मैथमेटिशियन हूं कुछ तो मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई चीज करूं, तो उसने क्या किया यहां से 2 ऐसे लाइंस बना दी और देखा कि यार इन 2 लाइंस में जो एंगल है थीटा, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया, यार थीटा के बारे में यार क्या करूं कि मैं इसको कुछ ना कैलकुलस में यूज कर पाऊं, कैसा क्या करूं। चलो बेचारा बैठा था, अफ्री बंदा क्या करता है चीज़ों को जो जो मिलता है देखता रहता है, मेजर करता रहता है। तो उसने क्या किया कि ये जो लेंथ थी आर्क की इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, इसको मेजर किया कि इसकी लेंथ कितनी है, दूसरे सर्कल पे जो आर्क थी उसकी लेंथ भी मेजर कर ली, ये वो आर्क है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, फिर तीसरे की भी मेजर कर ली। अबे बिल्कुल ही बेटा जमा वेला, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री, अब ये कर रहा था मेजर कर ही जा रहा है। तो अब ये मेजर हो गए तो कहता चल यार रेडियस भी मेजर कर लेता हूँ, उसने ये रेडियस मेजर किया ये आया R1, उसने दूसरा रेडियस मेजर किया ये आ गया R2, उसने तीसरा रेडियस मेजर किया वो आ गया R3,
बिल्कुल कंप्लीटली फ्री बेटा। कभी जिंदगी में एहसास किया कि इतना वेलापन क्या होता है? गोले बनाए, थीटा बना दिया, लेंथ मेजर कर रहा है, तुम क्या जानो फ्रीपन क्या होता है बेटा? तुम्हारी तो जिंदगी में लगी हुई आजकल यही है, तैयारी कर रहे हो तो चलो। हम उन्होंने जो वेलापन किया था उन्होंने तो वहां से भी मैथ निकाल लिया, उन्होंने जो निकाला हम एटलीस्ट सीख ही लेते हैं यार। तो सीखा क्या हमने? जब वो बेला बैठा था ना बेटा, तो उसने देखा यार इस पूरे में सिर्फ थीटा है जो फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो सोचा यार L1 और R1 का कोई आपस में रिलेशन है क्या? उसने L1 बाय R1 निकाला, L2 बाय R2 निकाला, L3 बाय R3 निकाला, एंड टू हिज सरप्राइज ये तीनों बराबर आ गए। यहां पे उसको एक आइडिया आया, वो कहते हैं यूरेका मोमेंट, आइडिया आया जिसकी बदौलत आज की डेट में तुम एक्स डिग्री को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हो और कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री जिंदा है। वो आइडिया क्या था? उसने कहा यार इस पूरे सिस्टम में थीटा जो था वो फिक्स था, उसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं ये रेशोज निकाल रहा हूं तो ये रेशो भी फिक्स आ रही है, तो क्यों ना इस थीटा को मैं यही डिफाइन कर दूं। एंड हेंस केम द डेफिनेशन, थीटा को आज के बाद एल बाय आर से मेजर करेंगे, वेयर वेयर एल क्या है भैया? इस सर्कल की जो आर्क है जो थीटा बना रही है सेंटर पे, और आर क्या है? इस सर्कल का रेडियस। तो एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल ऑफ द सर्कल एट द सेंटर एंड सर्कल इज हैविंग रेडियस आर, उसको ऐसे डिफाइन कर दिया उसने। कहता मेरा राज मैंने कर दिया, तुम चेंज करके दिखाओ। चलो बिगिनिंग में तो सबने कहा कि क्या ही है। अब इससे पहले कि मैं राज खोलूं कि वो पाई बाय 180 का राज क्या था, कैलकुलस का राज क्या था, इसको थोड़ा सा पहले 2-3 सवाल देख लें, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं कि आखिर ये मतलब क्या है डिफाइन होने का ऐसे एंगल के। कोई भी सर्कल पकड़ो, कोई भी सर्कल पकड़ो, अगर आप उसका एक क्वार्टर ऑफ पार्ट पकड़ो, सर्कल का क्वार्टर ऑफ पेरीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये पूरे पेरीमीटर का 1/4 है, और मैं तुमसे पूछूं कि ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, तो बाय डेफिनेशन इट इज एल, दिस इज वाज एल, 2πr डिवाइड बाय 4, भैया 1/4 ऑफ सर्कल है तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 आ गया इसकी लेंथ, डिवाइड बाय रेडियस, ये तो वही फेमस नंबर है जिसको तुम पाई बाय 2 कहते फिरते हो। और सही बताऊं, झूठ मत बोलना, तुमको पता नहीं कि पाई बाय 2 है क्या है, वो शायद थोड़ी देर में पता लग जाएगा अभी जब मैं बताऊंगा। चलो तो पाई बाय 2 एंगल आ गया, जिसको हमने कह दिया कि आज के बाद ना राइट एंगल को पाई बाय 2 रेडियन भी कहा जाएगा। रेडियन उसने साथ में लगा दिया क्योंकि कोई ना कोई यूनिट तो देना था उसने। सिमिलरली अगर मैं पूरे सर्कल का हाफ पकड़ लूं, सेमी सर्कल, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे ये स्ट्रेट लाइन वाला एंगल होगा। हाँ सर होगा स्ट्रेट लाइन वाला एंगल। बाय डेफिनेशन ये क्या बना? बाय डेफिनेशन कह रहा हूं सर, लेंथ ऑफ आर्क जो है 2πr डिवाइड बाय 2 दैट इज πr, और सर रेडियस ऑफ सर्कल r है, तो सर ये तो पाई बना, जिसको आप पाई रेडियन कहते हैं। आप कहते हैं पाई इज 180, राइट? गलत स्टेटमेंट है, देखते हैं क्यों गलत है। तो एंगल आ गया पाई रेडियन, सारे बड़े खुश, भैया एक नए तरह के एंगल मिलने शुरू हो रहे हैं। यहां पे अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। अगर मैं एक सर्कल लेता जिसका रेडियस होता 3 यूनिट, मैं उसके ऊपर आर्क लेता जिसकी लेंथ होती 6 यूनिट, तो क्या आप मुझे उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका मेजर बता पाते? हाँ सर, अब तो डेफिनेशन है हमारे पास, एल बाय आर इक्वल टू 2। कितने जने ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये 2 जो है एक सिंपल नंबर है, रियल नंबर है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक लेंथ है, एक नंबर, ये एक लेंथ है, एक नंबर, रेशियो विल बी अ नंबर। हाँ, अब मैं धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 डिग्री जो था, 1 डिग्री वो क्या चीज थी? टेल मी इन द चैट, 1 डिग्री क्या चीज थी? 1 डिग्री क्या चीज थी सर? 1 डिग्री 1 डिग्री था सर, एंगल था? नो,
वन डिग्री था एक राइट एंगल का 90th पार्ट। हाँ सर, टू डिग्री क्या होगा? सर एक राइट एंगल का जो 90th पार्ट है उसको डबल कर दिया सर। बिल्कुल, पर यहां पे जो एंगल टू आया था वो क्या था? मान लीजिए लेंथ रेडियस टू है, लेंथ ऑफ आर्क भी टू है, तो ये थीटा जो है ये क्या है? सर ये वन है। ये वन क्या है? क्या ये कोई हिस्सा है किसी चीज का कोई ऐसी? सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा? जो कहना चाह रहा हूं अगर इतने प्यार से बता दूंगा तो तुम उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, तो उसे बताने से पहले एक बार ये देख लो। हमने अभी भी क्या कि क्या कहा भैया कि सर स्ट्रेट लाइन में एंगल पाई आता है, क्वार्टर ऑफ सर्कल में पाई बाय टू आता है। अब ये मुझे पहले से पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री भी होता है, तो हमने कहा कि ये एक रेफरेंस बन गया डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन का। आज के बाद हम कहेंगे पाई रेडियन जिस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री भी उतने ही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यार अब अगर पाई 180 ये आपस में रिलेट हो गए तो हाफ भी रिलेट कर सकते हैं। पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन इज 60 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन इज 45 डिग्री एंड सो ऑन। पी जाना इन शक्लों को ये बहुत बार देखने मिलने वाली। अब 11th में ये शक्लें कम मिलेंगी देखने को, ये बहुत मिलेंगी। सर आप बार बार घुमाई जा रहे हो, वो बता दो भाई क्या था वो किस्सा क्या था? सर ये सी क्या लिखा है बेटा? सी इज ए नोटेशन फॉर रेडियन। ओके, जैसे डिग्री को वो छोटा सा सर्कल बनाते हैं ना, रेडियन को ऐसे सी से लिखते हैं ऊपर। अब 12 तुम्हारा धमाकेदार पॉइंट, सुनो भैया। व्हेन आई से वन रेडियन एंगल, यहां पे जो वन है वो एक रियल नंबर है, एज इट्स अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स एल एंड आर। बट जब मैं कहता हूँ वन डिग्री, यहाँ पे वन डिग्री एक रियल नंबर नहीं है, वो है 90th पार्ट ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। सर मतलब जैसा कि तुम्हारे पास अगर 10 टॉफीज हैं, मैं बोलूँ नंबर ऑफ टॉफीज डिवाइड बाय 5 क्या होता है? तुम कहोगे सर 2, नंबर ऑफ टॉफी 10 है डिवाइड बाय 5 है तो 2 है, यहाँ पे 2 एक रियल नंबर है। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1/5 ऑफ टोटल टॉफीज, तो क्या बोलोगे? सर 2 टॉफीज, टोटल 10 टॉफीज थी, व्हाट इज द 1/5 ऑफ टोटल टॉफीज? सर 2 टॉफीज। 2 टॉफीज कोई रियल नंबर थोड़ी है, वो तो टॉफी है, उठा के खा जाओ, टॉफीज है वो, नंबर नहीं है। सेम वे 1 डिग्री इज 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो डिग्री रियल नंबर ही नहीं होते, रेडियन रियल नंबर होते हैं, और पूरा कैलकुलस तुम्हारा जो है अभी तक जिंदगी में तो तुम्हारी आया है वो सिर्फ रियल नंबर पे चलता है। इसीलिए जब तुम एक्स डिग्री को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तुम कर ही नहीं सकते, डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर, तुम उसको पाई एक्स बाय 180 लिखते हो। जो बच्चे थोड़ा बहुत ट्रिग्नो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं पाई एक्स बाय 180 करके तुम उसको रेडियन बना रहे हो, रेडियन मतलब रियल नंबर बना रहे हो, वहां पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टीचर से भी डिस्कस करना, थोड़ा उसको इंप्रेस कर देना, दोस्तों से भी डिस्कस करना, उनके आगे फुकरी मार लेना। चलो ये हो गए तुम्हारे बेसिक्स क्लियर, अब आगे चलते हैं। ये अब ना थोड़े बम फूटेंगे, ये जो पाई होता है 3.14 होता है ना यार, ये पढ़ते हो पाई 3.14, ये जो पाई है क्या ये 3.14 ही है? 100% 3.14 ही है। तो हम जो कहते हैं ना पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, वी एक्चुअली मीन 3.14 रेडियन इज 180 डिग्री के बराबर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, $1 इज इक्वल टू से 70 रुपीज, 1 इज नॉट 70, $1 की जो वैल्यू है वो 70 रुपीज की वैल्यू है। 3.14 रेडियन जो एंगल है 180 डिग्री एंगल के बराबर है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहां पे चमक गया, फटाफट लाइक्स बढ़ा दो यार, तुम लाइक्स बढ़ाते बड़ी खुशी होती है। तो सिमिलरली इसका हाफ यानी कि पाई बाय 2, आज के बाद की बोलेगा ना पाई बाय 2 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.57 रेडियन ही होता है, तो कहना 100% वही होता है जिसकी की वैल्यू तुम 90 डिग्री भी कह देते हो। तो अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं
टू रेडियन एंगल कहां बैठा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो क्या सोच सकते हो? सर मुझे इतना तो पता कि सर यहां पे आता है जीरो रेडियन एंगल, ये तो जीरो है सर। सर ये क्वार्टर हो गया तो ये आ गया पाई बाय टू रेडियन। सर ये पूरी लाइन हो गई तो ये आ गया पाई एंगल। सर यहां पे थ्री हो गया, थ्री पाई बाय टू रेडियन, और दोबारा यहां से टू पाई। लाइक ऐसे ही होता है ना, ये जीरो है, ये पाई बाय टू, ये पाई, थ्री पाई बाय टू। अब जरा ध्यान से मुझे बताओ, टू रेडियन एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। सर पाई बाय टू जो एंगल, पाई बाय टू एंगल जो 90 डिग्री कहते हैं हम, सर अगर हम उसको लिखें ब्रेक करके तो अप्रॉक्सीमेटली 1.57 होता है सर ये, क्योंकि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है। तो सर जो टू रेडियन है ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं बैठा होगा सर, यहाँ पे कहीं होगा। यस और नो बोलो, आए नज़ारे? जी सर। अब जरा सोचो थ्री रेडियन कहां पे होगा? सर थ्री रेडियन, सर 3.14 यहां बैठा है, इससे थोड़ा सा कम होगा थ्री रेडियन। तो सर थ्री रेडियन ना यहां पे कहीं बैठा होगा सर, ये वाला एंगल जो है थ्री रेडियन होगा। नजारे आ गए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आखिरी स्टेप पे, तो 5 रेडियन कहां पे होगा? अब ये सारे के सारे बच्चे सही बताएंगे, साथ के साथ चैट में मेरा भाई लगाएंगे और दिल लगा देंगे, क्योंकि आज ट्रिग्नो को हमने ना बिल्कुल जड़ से खटिया बना देना है। सारे बेसिक भी समझ लेने हैं, फॉर्मूले यूज करने भी सीख लेने हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले यूज करोगे तो याद अपने आप ही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर देखो सर, ये 3.14 था, सर यहां पे आ गया 3π/2। सर 3 × 1.57 के आसपास है सर, 4.7 समथिंग होगा सर, ये 4.7 समथिंग। तो सर इससे तो आगे जा चुके हैं सर, इससे तो आगे चले गए हम, और दोबारा 2π जब यहां पे आ रहा है 6.28, तो 5 इन दोनों के बीच में कहीं बैठा हुआ है, तो यहां कहीं बैठा होगा 5 रेडियन। तो अब तुम्हें ना आज शायद पहली बार ये पता लगा है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 1.57 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, ये सारे रियल नंबर होते हैं, वही नंबर जो आप बचपन से जानते हैं। पाई रेडियन इज लाइक 3.14 रेडियन ओनली। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में 180 की इमेज छपी हुई, क्योंकि तुम 180 डिग्री ज़्यादा देखते आए हो। इट इज़ लाइक कि जो USA में रहता है उसको डॉलर ज़्यादा दिखते हैं, डॉलर याद रहते हैं, जो इंडिया में रहता है उसको रुपीज़ याद रहते हैं। बट $1 and 70 rupees की वैल्यू सेम है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। अब यार जब भी एक तुम दो एक चीज को मेजर करने के दो अलग अलग सिस्टम सीखते हो तो उनका कन्वर्जन आना चाहिए सबसे पहले, यस और नो। एडिट्स जरा ध्यान दो यहां बेटा, जिंदगी में और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, है ना, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास करने के लिए, तो आप थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, है ना। किसी से पैसे लेके काम करना भी इंपॉर्टेंट है, बट आयो तो सीख भी लो यार। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियंस। जब भी दो सिस्टम्स हैं एक चीज को मेजर करने के और आपको उनमें आपस में कन्वर्जन करनी है, तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट रखा जाता है, यानी कि इन दोनों में कौन सी चीज आपको पता है। अब मुझे जो चीज पता है वो ये है, पाई रेडियन और 180 डिग्री, ये आपस में सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुझे पता है, तो इसी को यूज करेंगे हम। अब कैसे यूज करना है, आओ पहले रेफरेंस लिख लिया, जिसको कन्वर्ट करना है उसे रखेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो 180 डिग्री को लेफ्ट पे रखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको रखेंगे राइट साइड पे। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि 180 डिग्री इज सेम एज पाई रेडियन, फिर 1 डिग्री इज सेम एज पाई बाय 180 रेडियन, एंड देन फाइनली जितना चाहिए 420 डिग्री। वैसे 420 डिग्री पता नहीं क्यों मुझे एडिट्स की याद दिला रहा है, अभी एक बच्चा था यहां पे 420, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक है पर दिमाग में रखना है हमें, ठीक है।
तो हमेशा जब भी चेंज करना होता है पहले एक रेफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस को लिखने का तरीका क्या है, जिस सिस्टम को चेंज करना है उसे यहाँ रखिए, जिसमें चेंज करना है उसे यहाँ रखिए। आगे तो यूनिटरी मेथड है, तो ये कट पिट जाएगा और आपका आंसर आ गया 7π/3। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं, बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कहता है, अब बी पार्ट में दिक्कत आ गई, साथ में 30 मिनट भी लगा हुआ है। गॉड ब्लेस यू शेरा। सबसे पहले तो 10 degree 30 मिनट का मतलब क्या होता है, पहले तो इस नोटेशन का मतलब पहले पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 1.5 रुपया, इसका मतलब क्या है, 1 रुपया + 50 पैसे। सेम ये 10 degree 30 मिनट का मतलब होता है 10 degree + 30 मिनट। तो ये एंगल इसे रिप्रेजेंट करता है, 10 डिग्री और 30 मिनट और। अब जब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, मुझे जो रेफरेंस पता है वो तो पता है डिग्री और रेडियन का, मुझे मिनट का रेफरेंस अभी नहीं पता है। ये मिनट तंग कर रहा है, तो जो तंग कर रहा है क्यों ना उसको मैं डिग्री में ही लिख लूं। जैसे कि 50 पैसे को हाफ रुपी भी तो कह सकते हैं, 30 मिनट को कितना डिग्री कह दूंगा। सर 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री हाफ मिनट होगा। हाफ, ओए क्या बोल दिया मैंने, 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट हाफ डिग्री होगा सर। अब सही बोला मैंने, एग्जैक्टली। तो यानी कि मेरा जो टोटल एंगल जिसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं वो है 21/2 डिग्री। अब बताओ कोई मुश्किल बची है, कोई मुश्किल? फिर से सेम काम शुरू कर दें। अब 180 डिग्री इज सेम एज पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज सेम एज पाई बाय 180, तो 21/2 इज सेम एज पाई बाय 180 इंटू 21/2। अब काटा पीटी कर दो। कई बच्चे इसको सीधे याद भी कर लेते, सर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो सवाल खत्म। बिल्कुल, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो सवाल खत्म। बट सवाल खत्म होता है यहाँ पे क्योंकि आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, और रेडियन में अब फायदा कह लो नुकसान कह लो, छोटा यूनिट नहीं होता रेडियन, रेडियन ही होता है। डिग्री में छोटा यूनिट मिनट होता है, मिनट से छोटा सेकंड होता है, रेडियन में सिंपली रेडियन ही होता है। वो कहते हैं छोटा एंगल है 0.01 लगा दो, और छोटा एंगल है 0.001 लगा दो, किसने रोका है, कहा है कि पछड़ों में पड़ना है। तो यहां पे जिंदगी ना बहुत सॉर्टेड रहती है। अब यहां पे दिक्कत आनी शुरू होती है, कैसे आती है देखते हैं अभी। अब हम उल्टा चलने वाले हैं, हम रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड यानी कि सेक्सागेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो भैया अब जिसे कन्वर्ट करना है उसे इधर रखा, जिसमें कन्वर्ट करना है उसे इधर रख दिया। अब लगा दिया तो 1 आ गया 180/π, तो -5π/6 हो गया 180/π इंटू -5π/6। मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि यहां पे ना चीजें पूरी पूरी कैंसिल हो रही हैं, पूरी पूरी। माशा अल्लाह, खूबसूरत हसीन आंसर आया है, ऐसा हर बार नहीं होता। चलो बी में देखते हैं, बी में क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अब तो सीधे ही अब आपको आ चुका है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो पाई बाय 8 जो होगा सर 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8। थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है, थोड़ी सी हीट। सर ऐसा क्या हो गया सर, इसको अगर मैं 4 से कट करूं तो सर ये बन गया 45। ओ सर थोड़ी सी हीट महसूस हुई क्योंकि पूरी पूरी कैंसलेशन नहीं हुई, पूरी पूरी कैंसलेशन नहीं हुई। अब सेक्सागेसिमल में ना छोटे यूनिट होते हैं, और जब छोटे यूनिट होते हैं ना बेटा तो थोड़ी सी कठिनाई बढ़ भी जाती है। जो बिगिनिंग में लोगों ने कह कह के छोटे यूनिट बनवा तो लिए, बट ये भूल गए कि बाद में यही चीज़ उनको तंग भी करने वाली है बेटा। जैसे कि अगर मेरे पास 2.75 रुपए हैं, वैसे तो अब ज़माना बहुत नया आ गया, लेट मी टॉक अबाउट 20 years back, मेरे पास 2.75 रुपए हैं, तो मैं उसको 2.75 नहीं कह सकता, मैं उसको 2 रुपए + 75 पैसा कहूँगा, क्योंकि छोटा यूनिट बैठा है तो पैसा यूज़ करना पड़ेगा। 2.5 रुपए को 2 रुपीज़ + 50 पैसा कहना पड़ेगा। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बना 22.5
ऐसे भी लिख सकते हैं, 22.5 भी लिख सकते हैं। तो इतने डिग्री मिले, यानी कि 22 डिग्री तो पूरे मिल गए, बट हाफ डिग्री अलग से मिला। अब यहां पे हाफ डिग्री को हाफ नहीं रहने दे सकते, आपको इसे छोटे यूनिट में लेके जाना पड़ेगा, और करना वही है बेटा। डिग्री और मिनट का रिलेशन पता है ना आपको, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। बिल्कुल सही कह रहे हैं जवान, बहुत बढ़िया चैंपियंस, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में हो गए 30 मिनट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? सर हमारा फाइनल आंसर आया 22 डिग्री प्लस 30 मिनट। और इस चीज को कैसे लिखा जाता है, 22 डिग्री प्लस 30 मिनट को कैसे लिखा जाता है? ओए कहां गया, ओए एक मिनट, एक मिनट, ओए होए कैलकुलेशन कहां गई, हाँ ये रही, ऐसे लिखा जाता है सर, 22 डिग्री 30 मिनट। अब आता है सबसे प्यारा सवाल, जो कि है सी पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। पहले तो देखने में किसी को बहुत प्यारा लगेगा, कितने कुची पुची एंगल है 1/4, किसी के लिए बहुत गंदा। सर ये 1/4 क्या होता है, हम तो पाई पुई देखते थे। तो हमने कहा पाई रेडियन इज 180 डिग्री, 1 रेडियन इज 180 बाय पाई, तो 1/4 रेडियन इज 180 बाय पाई इंटू 1/4। अब याद रखना ऐसे सवालों में या तो उन्होंने बोला होगा टेक पाई इक्वल टू 22/7, नहीं बोला तो खुद लिख लो यार, पड़ोसियों से मदद थोड़ी चाहिए, खुद लिख लेंगे, क्योंकि इधर पाई है नहीं कैंसिल होने को, तो आपको पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज कर लेनी है, या तो लिखा होगा, नहीं लिखा तो खुद कर देना। यहाँ पे आ जाओ भैया, ये क्या बन रहा है सर? सर ये इससे कट गया 45 इंटू सर 7 भी हो गया, तो 45 इंटू 7 क्या होता है सर, 5 और 3 आ गया यहाँ पे 31, 315/22। अब जिंदगी में थोड़े से कष्ट आने वाले हैं, तैयार हो जाओ बेटा जी, काटा पीटी करिए, कितने पे कट रहा है? सर जी काफ़ी आगे जाके है, 22 इंटू 15 300 नहीं ऊपर चला गया, 14 के आसपास होगा, तो 22 इंटू 14 किया हमने 8 8 2 2, तो ये बना 803 308, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है जी, 14 तो पूरा पूरा आ गया, दिल खुश हो गया बेटा। बाकी बच गया हमारा कितना भैया, 7 बच गया। इसे ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही लिखते हैं ना? हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं। अब कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, हम जो खुश हैं इस समय वो इससे खुश हैं, क्योंकि भैया इतना तो पूरा पूरा साफ बाहर आ गया। और दुखी किससे हैं सर, इससे दुखी हैं, क्योंकि ये जो आया ना सर 7/22 डिग्री, सर ये फ्रैक्शन चलेगी और फ्रैक्शन को मैं रख नहीं सकता सर, आई डोंट लाइक फ्रैक्शंस, तो इसको छोटे यूनिट में ले जाओ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, इसको मिनट में तोड़ दो, राइट? तो 1 डिग्री 60 मिनट, तो ये क्या बन गया सर, 7/22 इंटू 60 मिनट। जिंदगी बहुत हसीन होती है अगर यहाँ पे सारा कुछ कट पिट जाता, बट कमबख्त फिर नहीं कटा। ये क्या बन गया, 30/11 यानी कि 210/11 मिनट। जिंदगी अभी भी हसीन नहीं हुई, कहते थोड़ा सा कष्ट और कर लो भाई, थोड़ा सा कष्ट और कर लो। कितना बन गया सर ये, 11 इंटू 9 जो होता है वो 209 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें 19 तो पूरा पूरा बाहर आ गया, बचा कितना भैया 1/11 ऐसे, जो तो 19 बाहर आ गया, हम उससे बहुत खुश हैं बेटा, इतना खुश है कि मैं इसको 19 मिनट तो लिख दूंगा। ये जो बाकी बचा हुआ है ना, अब इसको देखना है, इसको क्या करेंगे सर, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले जाएंगे सर। कितने कलर यूज कर दिए, कोई कलर बचा है यार? अब यही बचा था, अब यहां पे लिख दो, इसे लिखा 60/11 सेकंड्स, अब इसको आप अप्रॉक्सीमेट 5 कह देंगे, राइट? तो अब इस पूरे एंगल में जरा बताइए डिग्री कितने आए, डिग्री कितने आए सर जी, 14 प्लस मिनट कितने आए सर जी, 19 प्लस सेकंड कितने आए सर जी, 5। तो बेटा जी ये तुम्हारा आ गया आंसर। तो बेसिकली करना क्या है आपने,
जब डिवाइड करना है तो जो अच्छा नंबर है उसको इधर, इसको छोटे यूनिट में ले जाना है। अगर यहाँ कट पिट गया वेरी गुड, वरना जितना कटा रख लिया छोटे वाले को अगले में ले जाना है। सवाल खत्म। जेई नेक्सस लर्निंग ओवर पार्ट। गॉड ब्लेस यू। तो ये हो गया आपके कन्वर्जन। 1 रेडियन को बच्चे के भाई याद भी रखना चाहते हैं तो 1 रेडियन की वैल्यू इतनी आती है, आप याद भी रख सकते हैं। अभी अभी हमने इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, राइट? आपने ही बताया था मुझे। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन सवाल करते हैं जो कि अक्सर बच्चों को बहुत तंग करता है, या आपकी स्कूल की सब्जेक्टिव बुक्स में भी होता है सवाल। मैंने जानबूझ कर लिया क्योंकि बच्चे रट्टा मारते हैं, इसको आज शायद पहली बार अप्रिशिएट कर पाओगे। अरे यार क्या रट्टा मार रहे थे स्कूल के लिए इसको। हालांकि इसी का बड़ा भाई आपके कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ी बात नहीं, शायद जेई मेन में ऐसा सवाल आ भी चुका है। सवाल इतना बड़ा पढ़ने की बजाय मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल कहता है कि आप 1.0 पे खड़े हुए हैं, 1.0 पे खड़े हुए हैं, राइट? पहला सर्कल जो है वो रेडियस 1 का है, दूसरा सर्कल रेडियस 2 का है, तीसरा सर्कल रेडियस 3 का है, एंड सो ऑन टू चलता जा रहा है। अच्छा जी, कहता आप पहले सर्कल पे जिसे कि C1 कहा जा रहा है उस पे कितना चलते हैं? आओ सर, सी के सर्कल है सेंटर 0.0 रेडियस के, अ पार्टिकल मूव्स के यूनिट ऑन सी के, तो C1 पे वो चला 1 यूनिट। यहां से एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट चला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो 1 यूनिट चल लेगा तो वो यहां कहीं होगा या फिर यहां कहीं होगा? कहां पे होगा 1 यूनिट चलने के बाद? छोटा सा रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं। जब भी रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क बराबर होते हैं तो एंगल 1 रेडियन बनता है, इसे आप दिमाग में रख सकते हैं। जब भी आर और एल बराबर होते हैं तो एंगल 1 रेडियन बनता है। तो जरा आप मुझे बताइए, जब ये पॉइंट यहां से शुरू होकर 1 यूनिट मूव कर लेगा तो वो कहां पे होगा? सर वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, ये चला भी 1 है, तो सेंटर पे जो एंगल बना होगा वो 1 रेडियन बना होगा, वो 1 रेडियन बना होगा। और हमें अच्छे से पता है 1 रेडियन जो होता है वो पहले क्वाड्रेंट में होता है, 2 डिग्री 2 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। हाँ सर, भले भले। फिर कहता ऐसा करने के बाद जहां वो पहुंचा वहां से वो सीधा बाहर चला गया, यानी कि अब वो C2 पे पहुंच गया। C2 पे कहता अब वो 2 यूनिट चल रहा है, समझ रहे हैं आप? अगर वो C2 पे है तो ये टोटल रेडियस कितना है? सर 2। वो कितना चल रहा है? सर जी 2। तो यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस वो टोटल एंगल कितना ट्रेवल कर चुका होगा? टोटल एंगल सर जी 1 रेडियन तो यहीं पर हो गया था, 1 वो और चल दिया, सर जी टोटल 2 रेडियन हो चुका होगा, टोटल 2 रेडियन हो चुका होगा। तो सर 2 रेडियन तो सेकंड में आता है। अब आप मुझे सोच के जवाब देंगे, सिमिलरली वो यहां से बाहर गया तीसरे सर्कल पे, यानी कि अब रेडियस 3 हो चुका है, और थर्ड सर्कल पे वो 3 यूनिट चल रहा है, 3 यूनिट, तो अब वो कहां पहुंचा होगा? यहां तक 1 रेडियन, उसके बाद 1 रेडियन और अब 1 रेडियन और, तो क्या आप एग्री करते हैं कि वो यहां कहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल सही सर, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब मैं एक बार सवाल पढ़ूंगा, सारे के सारे बच्चे अब सारा सवाल यहां पे करेंगे, अब सॉल्व ही करेंगे। लेट सी के K1 2 3 सो ऑन बी अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, ठीक है जी, C1 C2 C3 C4 सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है, लाइक दिस, एंड रेडियस के यूनिट, यानी कि C1 का रेडियस 1 यूनिट, C2 का रेडियस 2 यूनिट, C3 का रेडियस 3 यूनिट, एंड सो ऑन। अ पार्टिकल मूव्स के यूनिट एंटी क्लॉकवाइज ऑन सी के, C1 पे चला 1 यूनिट, C2 पे चला 2 यूनिट, C3 पे चला 3 यूनिट, देन गोज रेडियली आउट टू CK+1, यानी कि C1 पे 1 चलने के बाद वो C2 पे पहुंच गया, फिर C2 पे 2 चलने के बाद वो C3 पे पहुंच गया, एंड सो ऑन, एंड कंटिन्यूज इन दिस पैटर्न इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1.0, भैया यहां से शुरू हुआ पार्टिकल, देन ऑन विच सर्कल विल इट बी
when it crosses the negative y-axis, जरा ध्यान दीजिएगा, first time, कहता जब ये इस y-axis को cross करेगा, तब वो किस circle पे होगा? आओ दिमाग में करें। हमने इतना तो समझ लिया कि बेसिकली वो हर सर्कल पे ना 1 रेडियन जितना चल रहा है, तो C1 के एंड पे वो 1 रेडियन चल चुका था, C2 के एंड पे वो 2 रेडियन चल चुका था, C3 के एंड पे वो 3 रेडियन चल चुका था। हम उसको कितना चलाना चाह रहे हैं? 3π/2, 3π/2 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.7 समथिंग चलाना चाह रहे हैं। ओके सर, C1 के एंड पे 1 रेडियन हुआ कवर, C2 के एंड पे 2 रेडियन कवर हुआ, C3 के एंड पे 3 रेडियन कवर हुआ, C4 के एंड पे 4 रेडियन कवर हुआ, C5 के एंड पे 5 रेडियन कवर हुआ। थोड़ा पीछे आओ तो C5 पे आप मूव कर रहे होंगे, आप C5 पर मूव कर रहे होंगे। ये रहा C1 का सफर, ये रहा C2 का सफर, ये रहा C3 का सफर, ये रहा C4 का सफर, और ये रहा C5 का सफर। तो जब आप इसे क्रॉस करेंगे तब आप C5 पे होंगे। सबने सही जवाब दे दिया, गॉड ब्लेस यू। एक बच्चा, इसको फॉर्मूले याद नहीं होते, पहले बेटा ये समझ ले फॉर्मूले भी हो जाएंगे, या मेरे घर आ जाना तुमको मैं एक एक करके सारे पिला दूंगा फॉर्मूले। आई मेंशन्ड क्लियरली फॉर्मूले, ओके ओके। तो यार एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है, जिसमें कि ना एक घड़ी में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल से निकाला जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी वैरायटी बनती है, राइट? तो एक बार उसको देख लेते हैं प्यार मोहब्बत से। सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि जब 4:30 बजे होंगे तो मिनट और आर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा, जब 7:20 बजे होंगे तो क्या एंगल होगा। बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल होते हैं ये, राइट? बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको एक कंसेप्ट नहीं पता होता। एक कंसेप्ट बताऊंगा, ये सारे सवाल तुम ओरली कर दोगे, बहुत घटिया बन जाएंगे सवाल। आ जाओ, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि एक मिनट जब होता है तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है और आर हैंड कितना ट्रैवल करता है। सर मतलब देखो, ओके पहले बात करते हैं हम मिनट हैंड की। मिनट हैंड जब 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कितना एंगल कवर कर देता है? सर 60 मिनट में तो पूरा घूम के यहां पहुंच जाता है सर, 360 डिग्री कवर कर देता है एंगल। बिल्कुल सही बोला। तो 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा, ठीक है सर? तो आज के बाद अगर मैं पूछूं एक मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, सर जी 6 डिग्री बनाया। अच्छा अब आता है वो पार्ट जिससे सवाल होने हैं, आर हैंड। जरा सोचिए, अब मुझे सोच के बताना, आर हैंड जो होता है वो 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल करता है? मैं मिनट्स की बात कर रहा हूँ, 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल करता है, इन 60 मिनट कितना ट्रैवल कर जाता है? सर आर हैंड तो 60 मिनट यानी कि 1 आर में इतना ही ट्रैवल करता है, ये कितना होता है एंगल? सर जी ये पूरा 360 था, उसका 12वां हिस्सा है, तो सर ये होगा 30 डिग्री। पूरा 360 था, उसका 12वां हिस्सा है, तो 30 डिग्री। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बोलूं 1 मिनट में कितना ट्रैवल किया, अब जरा ध्यान से देखना, 30/60 हाफ डिग्री कह लो या 30 मिनट्स कह लो, हाफ डिग्री। अगर तुमने ये याद कर लिया, दिमाग में फिर बिठा लिया, ये सवाल तुम ओरली कर दोगे, प्रोवाइडेड तुमको टाइम देखना आता है। प्रोवाइडेड तुमको टाइम देखना आता है। बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल, यहां पे ध्यान दो भी। हाँ बिल्कुल, शाबाश ड्रीम। 4:30 बजे हुए हैं, सबसे पहले तो 4:30 जरा बजाओ जरा दिमाग में, देखो कैसे बजते हैं 4:30, कैसे बजते हैं 4:30 पहले देखो जरा। सर 4:30 जब बजते हैं घड़ी पे, सर मिनट हैंड तो पक्के से 6 पे होता है और आर हैंड 4 पे नहीं होता, 4 और 5 के बीच में होता है। हाँ 4:30,
सिमिलरली जब 720 होते, पहले देख लो भैया घड़ी दिखती कैसी है, 720 मिनट हैंड तो सर पक्के से 4 पे होता है, पर जो आर हैंड है, आर हैंड वो 7 से थोड़ा सा आगे की ओर होता है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। भैया 20 मिनट हो गए ना, थोड़ा आगे चला जाएगा। हाँ सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, बहुत ध्यान से जवाब देना, अगर मैं तुमसे ये वाला पूरा एंगल पूछता, जो सवाल में पूछा वो नहीं कह रहा मैं, जो सवाल में पूछा वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं ये 4 से लेके 6 तक का एंगल पूछता तो आराम से कह देते ना 60, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बॉक्सेस कवर किए उसने, 60 डिग्री, 30 30। हाँ, अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछता तो आराम से बताते ना, उसकी तो कोई टेंशन थी ही नहीं। हाँ सर, यहाँ से 1 2 3 बॉक्सेस ट्रैवल किए, 90 डिग्री। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत सारी ये है कि ये ब्लू कितना आगे चला गया, यहाँ पे ब्लू कितना आगे चला गया, वो सारी दिक्कत है, वो हमने सब खत्म कर दी। क्यों, आओ दिखाऊं कैसे। भैया मेरे को सिर्फ ये देखना था कि ये ब्लू पार्ट जो है कितना आगे चला गया। ओ भाई, तुम रेफरेंस किससे ले रहे हो, कहाँ से आगे जा रहा है। सर जब 4 बजे थे ना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, 4 पे था बिल्कुल आर हैंड, हमें देखना है 30 मिनट में कितना आगे चला गया। इन 30 मिनट्स आर हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, कितना ट्रेवल कर जाएगा भैया। सर 1 मिनट में, अभी देखा सर 1 मिनट में कितना था, हाफ था सर, हाफ। 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करता है तो 30 डिग्री में 15 डिग्री ट्रेवल करेगा। सवाल खत्म हो गया, यस और नो। अगर ये तुम्हें पता है 15, तो क्या इसके लिए पड़ोसियों की मदद लगेगी। नहीं सर, 60 माइनस 15 45। आगे नजारे, बिल्कुल। अच्छा अगला सवाल आ जाओ। अब अगर यहां देखें 7:20 हो गए, ये वाली सिचुएशन बड़ी अच्छी थी ना, यहां वाली ये सिचुएशन कब थी भैया, 20 मिनट पहले 7 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे थी आपकी आर हैंड। 20 मिनट में कितना आगे चली गई, यही तो देखना है। इन 20 मिनट्स आर हैंड ट्रेवल्स कितना ट्रेवल करेगी भैया। सर 1 मिनट में हाफ डिग्री तो 20 मिनट में 10 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये वाला छोटू सा एंगल 10 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा। सर 90 तो यहीं तक था, 10 और आगे चला गया है। 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, तो आपका आंसर आ गया 100। तो आज के बाद आपको ये सवाल ख़त्म, मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने बस ये देखना है आपका आर हैंड जो है वो उतने मिनट में कितना आगे क्या होगा, खत्म। तो आज के बाद इस सवाल में तबाही मचा देना। और सही बताऊं, अब तक मैंने जो कराया सब बच्चों वाला काम था, बट वो कराना जरूरी था, क्योंकि भैया ये वन शॉट है पूरे चैप्टर का, तो सारे टॉपिक करवाने तो है ही। असली ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू हो रही, जिसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज। और इस खुशी में सारे लाइक्स कर दो, क्योंकि अब तुम असली ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने लगे हो। गॉड ब्लेस यू शेरा, गॉड ब्लेस यू सोहम, लव यू शेरा, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ भैया, डिफाइनिंग कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये होता क्या है भैया, ये जो पी बाय एच बी बाय एच आप करते रहते हो, ये सच में डेफिनेशंस हैं? नो, पी बाय एच बी बाय एच कोई डेफिनेशन नहीं है, एक बहुत छोटू सा पर्टिकुलर केस है आपका। अब आपको असली डेफिनेशन बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपका छोटू सा बिल्कुल प्यारू सा मैथ चेक कर लूं। जरा मुझे बताओ, अगर ये एक यूनिट सर्कल है, एक छोटी सी चीज पूछूंगा, सोच के जवाब देना, गलती मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। ये अगर एक आपका यूनिट सर्कल है, माशा अल्लाह खूबसूरत हबीबी, तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा एक्स कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का है, किस पॉइंट का है।
इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था यार। हाँ सर जी, 1.0 का सबसे ज्यादा एक्स कोऑर्डिनेट है और सबसे कम एक्स कोऑर्डिनेट किसका है? बहुत ही प्यारा सा छोटू सा कुची पुची सवाल पूछ रहा हूँ और इससे बढ़िया मस्त वाली डेफिनेशन बनने वाली आगे। सर सबसे कम इसका आएगा, सर जो सबसे राइट पे है सबसे ज्यादा एक्स उसका, जो सबसे लेफ्ट पे है सबसे कम उसका। सिमिलरली सबसे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट, अब तो मैं लिख ही देता हूं, अब तो मुझे लगता है किसी को डाउट है ही नहीं, तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सबसे ऊपर आएगा जो कि 1 है, और मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट जो है सबसे नीचे आएगा जो कि यहां पे है। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्या पढ़ी है मेरे को ये सब करने की? बेटा ये इसलिए पढ़िए क्योंकि यहीं से ना डेफिनेशन बनने वाली है तुम्हारे कॉस थीटा और साइन थीटा की। आए थे मैथमेटिशियंस थे जिनको शांत बैठना पसंद नहीं था, ऐसे कैसे शांत बैठ जाऊं, मेरे बाद मेरी पीढ़ियां आगे क्या पढ़ेंगी, है ना। बैठे थे, बना दिया कुछ, तो क्या किया, ये मैथमेटिशियंस को सर्कल बड़े प्यारे होते हैं, गोले बनाते रहते हैं, इन्होंने भी गोला बनाया प्यारा सा। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच रहे थे तो एक एंगल भी बना दिया, ये लो एक एंगल भी बना दिया बैठे बैठे। इस पॉइंट का कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। हाँ सर होगा, ठीक है मैंने लिख दिया मैंने यार, ठीक है इसे थीटा 1 कह देते हैं। ओके मेरा मन नहीं माना, मैं कह ना थोड़ी और करेंगे कष्ट, ठीक है हमने एक और एंगल बनाया थीटा 2 ऐसे। इस पॉइंट का भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, होगा उसको कह देता हूं x2 y2, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कुछ तो होंगे कोऑर्डिनेट। हाँ सर, तो बेटा जी वो कहता सुनो मेरी बात सारे, क्यों ना इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ही एक नाम दे दिया जाए। तो उसने कहा थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट आया है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं कॉस ऑफ थीटा 1 कहूंगा और वाई कोऑर्डिनेट को साइन ऑफ थीटा 1 कहूंगा। डेफिनेशन दे दी, बहुत वेले थे यार, बहुत ही ज्यादा आफत डाल के तुम दो। तो उसने कहा सर्कल पकड़ो यूनिट वाला, सेंटर पे एंगल बनाओ थीटा, उसके करस्पॉन्डिंग इस सर्कल पे जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको कॉस ऑफ दैट एंगल कह देंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको साइन ऑफ दैट एंगल कह देंगे। ये मत पूछना ऐसा क्यों, भैया डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्यों नहीं होती, डेफिनेशन को पढ़ के आप आगे के क्यों के जवाब देते हैं, डेफिनेशन को क्यों नहीं कहते। तो अब मुझे सोच के बताना, अगर मैं तुम्हें कोई भी थीटा दे दूं, जो मैं कह रहा हूं जो मर्जी थीटा ले लो, कॉस थीटा की मैक्स से मैक्स वैल्यू क्या आएगी, मैक्स से मैक्स वैल्यू, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं मैक्स से मैक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ सकता है। सर मजाक ना करो बेटा, मैं नहीं कर रहा, उन्होंने किया 1। मैक्स से मैक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ सकता था, यानी कि मैक्स से मैक्स साइन थीटा कितना बन सकता था, 1। मिनिमम से मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन सकता था, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, -1, और मिनिमम से मिनिमम साइन थीटा की वैल्यू -1। इसीलिए कहा जाता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा के मैक्स वैल्यू 1 होते हैं, मिन वैल्यू -1 होते हैं। तो यहां से ये डिफाइन किया गया कि किसी भी यूनिट सर्कल के सेंटर पे अगर एंगल थीटा बनाएंगे तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कॉस थीटा डिफाइन किया गया और वाई की वैल्यू को साइन थीटा डिफाइन किया गया। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं, बिल्कुल छोटी सी बात, बहुत प्यारी छोटी सी बात पूछूंगा। ये जो थीटा 2 लिया मैंने, थीटा 2 लिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? सर नेगेटिव आ रहा है, यही पढ़ता ना बचपन में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर है, यही पढ़ा था ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बचपन में याद करते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, फलाना ढिकाना पत्नी, क्या क्या याद कर मारा, वो यहीं से आया था।
अगर मैं बोलूं थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहां पे किसी भी पॉइंट के लिए एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं, एग्री करते हो? कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव हैं तो टैन पॉजिटिव होगा। हाँ सर, रेशियो होता है, तो यही तो था, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। गॉड ब्लेस यू शेरा, खुश रहो। ओके, तो दैट वाज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आप जो पढ़ते हैं पी बाय एच, बी बाय एच एंड ऑल, वो एक पर्टिकुलर केस है जो कि इस ट्रायंगल से बनाया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल से बनाया जाता है। तो वो अब बहुत पीछे रह गया, अब हमने बहुत आगे तक पढ़ ली चीज़ें। तो हमें पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन से वन तक जाएंगे। कॉस और साइन जो है किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड है, नॉट ओनली 0, 30, 45, 60, 90, ना, एनी एंगल भैया। थीटा तो कुछ भी ले सकते हो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 3 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 6, 7, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, वट एवर एंगल। द ओनली थिंग इज फ्यू एंगल्स आर इंपॉर्टेंट, तो उनको हम याद रखते हैं। डिफाइन तो हर एक एंगल के लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक्स वाई मिलेगा, पताक। ओके, अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, तो ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं। लो भैया, अगर मैं तुम्हें बोलूं जीरो डिग्री एंगल बनाओ, यहां बनाओगे? हाँ सर, यहां बनाएंगे। अच्छा, काम करते हैं, मैं रेडियन बोलते हैं, क्योंकि ना अब ज्यादा ना आगे जाके रेडियन यूज होने हैं, तो मैं पाई पुई वाली रोटेशन यूज कर लेता हूं। जीरो एंगल, अच्छा, टू पाई एंगल कहां बनेगा? टू पाई एंगल सर, टू पाई सर, यानी कि पाई और पाई सर यही बनेगा। अच्छा, जीरो भी यही बना, टू पाई भी यही बना। यानी कि जीरो और टू पाई सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फोर पाई कहां बनेगा? गॉड ब्लेस यू सोहम, खुश रहो। फोर पाई कहां बनेगा? सर, फोर पाई का मतलब यही होता है क्या कि आपने टू पाई कर लिया था, फिर टू पाई और कर लिया? हां बेटा, एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। आपने टू पाई किया पूरा और उसके बाद 2 पाई और कर लिया, यही मतलब होता है 4 पाई का। सर, फिर तो वो भी इधर ही आएगा। बिल्कुल सही बेटा, मैं तो कह ही रहा हूं इधर आएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इतना अब सफिशिएंट है तुम्हारे लिए समझने के लिए, कि मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम पाई का कोई भी इवन मल्टीपल ले लो, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे, बस याद रखना। तो इसको शॉर्ट में मैं जनरलाइज करने के लिए 2n पाई कह देता हूं। अब अगला जवाब देना, पाई एंगल यहां पे होगा? पाई एंगल, हाँ सर, पाई तो यहीं पे होता है सर, ऐसे। 3 पाई एंगल कहां पे होता है? 3 पाई एंगल। सर ऐसे क्यों घुमा रहे हो? किसी भी एंगल में हम जब 2 पाई ऐड करेंगे तो दोबारा वही डायरेक्शन आ जाएगी, यस और नो? सर, क्योंकि 2 पाई तो पूरा सर्कल है, तो जब मैं पूरा सर्कल ट्रेवल करूंगा मुड़ के सेम जगह आऊंगा। तो अगर पाई यहां पे है तो सर पाई प्लस 2 पाई भी यहीं पे आएगा, उसमें 2 पाई और ऐड कर दूंगा तो वो भी यहीं पे आएगा। अगर इसको जनरलाइज कर दूं तो 2n+1 पाई यहां पे आएंगे। ये दोनों थोड़े आसान है, असली वाला अब आएगा। लो, इसको रेड कलर देंगे, ये वाला एंगल भैया। पहला एंगल तो आपको पता है यहाँ पे कि पाई बाय 2 आता है, अगला कौन सा आएगा? सर जी, अब पता लग गया है, आपने अभी अभी बोला है 2 पाई ऐड कर दो तो मुड़कर वहीं पहुँच जाते हो। सर, पाई बाय 2 में ना 2 पाई ऐड करो, दोबारा यहीं पहुँचोगे। पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 2। और एंगल, सर 2 पाई और ऐड कर दो, अब तो पता लग गया सर हमको। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है पर देखने के बाद अच्छा लगेगा, 4n+1 पाई बाय 2। देख लो, 4 के मल्टीपल में 1 ऐड किया गया है, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, 4 के मल्टीपल में 1 ऐड किया गया है। तो मेरे हिसाब से अब ना एक जगह मैं टाइम बचा लेता हूं, ये वाली जो डायरेक्शन आएगी, ये वाली जो कि सबसे पहले 3 पाई बाय 2 आएगी, फिर 7 पाई बाय 2 आएगी, एंड सो ऑन। इसको सीधे अब लिख रहा हूं मैं 4n+3 पाई बाय 2। तो आज के बाद ये ना याद रख लेने हैं,
इधर सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इधर सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऊपर आएंगे 4n+1 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, नीचे आएंगे 4n+3 पाई बाय 2। ठीक है सर, अगर ठीक है ना तो ये सारे जवाब तुमने देने हैं, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी रूह को शांति मिलेगी। यस शेरा यस, तो चलो जवाब देने शुरू करो। ग्रीन कलर लेंगे क्योंकि मेरे अंदर अब पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही कि तुम सही जवाब दोगे। कॉस ऑफ 2n पाई, देखिए कि 2n पाई कहां पे आता था। सर जी यहां पे आता था। अब इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि कॉस क्या होता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया सर जी, 1, दिल खुश कर दिया। ओके, कॉस ऑफ 2n+1 पाई, 2n+1 पाई किधर था, इधर था। अगर मैं इस एंगल का कॉस पूछ रहा हूं, यानी कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट सर जी -1। सर जी ये एन पाई क्या होता है, हम तो 2n पाई और 2n+1 पाई देखे थे, एन पाई क्या होता है बेटा। एन पाई मतलब पाई के मल्टीपल, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, यानी कि 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई 5 पाई। इन सभी एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है सर? 0 पे तो 0 आ रही है, पाई पे भी 0 आ रही है, 2 पाई पे कितनी आ रही है सर? 0। सर जब भी पाई का मल्टीपल ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहता है, तो ये तो कह रहा हूं बेटा मैं भी, साइन ऑफ एन पाई इज 0। अब अगला अगर तुमने दे दिया ना जवाब बेटा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल यहां पे एन इंटीजर है, या तुम ना, मैं देखा तुम भी हटते ही नहीं हो भाई गॉड। ये लो भैया, कीड़े सबके हैं, ऐसी बात नहीं है, उन पुराने मैथमेटिशियंस को क्या कहना, तुम्हारे कीड़े कम है क्या? साइन ऑफ 4n+1 पाई बाय 2 तुमने, अरे शाबाश सर जी, 4n+1 पाई बाय 2 इधर बैठा था, इधर यहां पे। मुझे इस पॉइंट का, इस एंगल का साइन पूछा है, यानी कि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, 1 है सर। तो सर अब ये तो डायरेक्टली लिख दो सर, अब हमने कौन सा कलर, येलो कलर यूज किया था, ये भैया येलो, डर्टी फेलो, यहां पे, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट -1। वह तो ये बच्चों को बचपन से याद होता है स्टिल। चलो पाई बाय 2 पे कॉस बताओ कितना है, पाई बाय 2 पे कॉस बताओ। सर जी तो 0 याद है, अच्छा 3 पाई बाय 2, ये क्या है, 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 पे कितना है सर, वहां पे भी 0 है। 5 पाई बाय 2 पे कितना है, 0 है। बहुत बढ़िया, अब ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग, कॉस ऑफ -θ एंड साइन ऑफ -θ, ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को। इसे मैं बोलूंगा ये सेम रहता है कॉस थीटा के बराबर, ये बहुत ही डार्क कलर यूज कर लिया मैंने, ये तो भाई दिखेगा ही नहीं तुमको, कॉस थीटा, और ये माइनस ऑफ साइन थीटा। सर पर ऐसा क्यों, कितनों के दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों, ये किसके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों सर, ये आपने जबरदस्ती क्यों की सर हमारे साथ? बेटा मैंने जबरदस्ती कोई नहीं की, मैं तो बहुत बेसिक लॉजिक से कह रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से लॉजिक के साथ मैं बस ये कह रहा हूँ, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा को क्लॉकवाइज लिया गया, राइट, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा यानी कि ये वाला, ठीक है जी, नीचे की ओर थीटा। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट लिखूं तो यहां पे जो X कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा, Y कोऑर्डिनेट sin थीटा होगा। अगर मैं ये जो दूसरा पॉइंट जो नीचे लिया है Q कह दूं, इसके कोऑर्डिनेट cos ऑफ -θ होंगे और sin ऑफ -θ होंगे। भैया क्लॉकवाइज गए हो तो एंगल जो है उसको नेगेटिव गिना जाएगा। अब सोच के खुद ही बता दो, खुद ही बता दो, क्या तुम्हें डाउट है कि P और Q के जो X कोऑर्डिनेट हैं, P का X कोऑर्डिनेट क्या है ये, Q का X कोऑर्डिनेट क्या है ये, दोनों सेम ही तो हैं, तो चाहे cos थीटा कह दो चाहे cos माइनस थीटा कह दो सेम ही होते हैं। दोनों के Y कोऑर्डिनेट, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है ये, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है ये, पड़ोसियों की मदद लगेगी ये देखने के लिए कि ये आपस में नेगेटिव है एक दूसरे के,
ना, इस पे तो नहीं लगेगी ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा का नेगेटिव होता है। सर जी ओपी हो गया बेटा, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैंने यहां पे थीटा लिखा है क्योंकि एंगल तो थीटा ही है ना, उसको बोला माइनस थीटा जाता है क्योंकि वो क्लॉकवाइज लिया गया है, पर एंगल तो वो थीटा ही है ना, समझ रहे हो? तो इस करके मैंने उसको थीटा लिखा है। डायरेक्शन जो है उसकी माइनस थीटा ली गई क्योंकि वो क्लॉकवाइज था। ओके, तो ये आपके बेसिक्स हो गए क्लियर। आज के बाद इसमें डाउट कोई नहीं आएगा। एक छोटू सा सवाल देख लो, स्कूल में करते होते थे तुम, बिल्कुल छोटू सा प्यारू सा सवाल है, एक करना जरूरी है ताकि हम अगले टॉपिक पे बढ़े। आपको कॉस थीटा दे दिया गया, क्वाड्रेंट दे दिया गया, ये वैल्यू पूछी गई है, तो बेसिकली मेरे को इनको यूज करते हुए साइन सीकेंट टैन कोसेकेंट फाइंड करने हैं। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात, जब भी रेशो निकालनी है, रेशो हमेशा यहां से निकालनी है, पर साइन जो है कि वो अगर प्लस लगाना या माइनस, वो यहां से लेना है। स्टैंडर्ड है, दिमाग में रखना। तो सबसे पहले आपने कॉस का ट्रायंगल बना दिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये 12 आ गया अपने आप। आपने पहले साइन थीटा, टैन थीटा और कोसेकेंट थीटा, सबसे पहले इनका रेशो लिखना है। रेशो, रेशो तो यहीं से आएगा, 12/13 परपेंडिकुलर बाय बेस और 13/12। फिर आप देखेंगे साइन, साइन जो है वो आप क्वाड्रेंट पे डिपेंड करते हुए लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कोसेकेंट नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आ गए। तो भैया इन तीनों को यहां पे रख देना, सवाल खत्म हो गया। सर अगर इसी सवाल में फोर्थ क्वाड्रेंट है ना सर, मान लो टैन थीटा दिया होता हमको, वो नेगेटिव होता, मान लो माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 होता, तो ट्रायंगल कैसा बनाते? इफ दिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आपसे पूछा होता मान लो कुछ भी पूछ लो, कॉस थीटा पूछा होता। जब ट्रायंगल बनाना है ना, ट्रायंगल में आपने सिर्फ लेंथ लिखनी है, सिर्फ रेशो लिखनी है, पॉजिटिव नंबर, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज अपने आप आया। तो यहां से आप कॉस थीटा की रेशो लिखेंगे यहां से 3/5, और प्लस और माइनस जो है वो क्वाड्रेंट से करेंगे। क्वाड्रेंट बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। एक छोटा सा डाउट केवल बच्चों को होता है तो बता दिया, ट्रायंगल में सिर्फ रेशो लिखनी है। ओके, वहां पे नेगेटिव नहीं लगाना। ओके सर, आइडिया क्लियर। लो भैया पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मैं भी पानी पी रहा, तुम भी पानी पी लो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो तुम्हारे ना एंड तक काम आना है, और इसकी वजह से ना सवाल आधे में खराब हो जाते क्योंकि बच्चों ने इसको यूज करना नहीं सीखा होता। पता होता है उनको, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होता है, तो पता होता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉज थीटा, बट यूज नहीं कर पाते जब सवाल में करना होता है। तो पर्पस है यूज कैसे करना है, आओ सिखाता हूं तुमको। पहली बात तो लाइट एंगल होते क्या है। ओके, नंबर वन, थीटा और एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा, इनको अलाइड एंगल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अलाइड एंगल? यानी कि इनकी कुछ आपस में यारी दोस्ती है। आओ थोड़ी यारी दोस्ती समझ लेते हैं, पहले हल्की सी समझेंगे, बिल्कुल प्यारी सी कुछी पुची सी। ले शेरा, मैंने यहां पे बना दिया थीटा एंगल, ठीक है जी, और एक मैं बना रहा हूं पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा देखोगे जरा, पाई माइनस थीटा का मतलब ओए जिंदगी जो है झंड होती है कई बारी, ये थीटा और इधर ऐसे। पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया कि ये भी थीटा है, यस और नो, यही मतलब हुआ ना, तभी तो ये पाई माइनस थीटा बनेगा। कितनों को समझ आता है ये एंगल पाई माइनस थीटा हो गया, सबको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, आइडिया बिल्कुल क्लियर है सर। तो अगर क्लियर है तो मैं पहले हटाता हूं, सीधे काम की चीज लिखता हूं, ये वाला पाई माइनस थीटा, बहुत ध्यान समझना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा। ओके सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा,
कितनों को यारी दोस्ती समझ आ रही है अभी? इन दो पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, क्या देख पा रहे हो? इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, क्या देख पा रहे हो? फीलिंग ले पा रहे हो? अच्छा, पिछले में मैंने प्लस माइनस गलत लिख दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए मेरे को, तुमको नहीं, प्लस आना था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओहो हो, ओके ओके ओके, आ जाओ यहाँ पे। हाँ सर, बात तो सही लग रही है, इन दोनों के वाई तो सेम है, वाई सेम यानी कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा और साइन थीटा आपस में सेम होंगे, यस और नो? हाँ सर, बात तो सही है। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे लग रहे हैं, जरा बताइए, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लग रहे हैं? सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां बैठा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां बैठा हुआ है। सर जी आपस में नेगेटिव से लग रहे हैं, यस और नो? नेगेटिव से लग रहे हैं। हाँ सर, तो बेटा जी तभी तो कह रहा था ये आपस में यार बेली हैं बेटा, इन पे जो साइन कॉस की वैल्यूज आती है ना उनमें रिलेशन आ जाता है, या तो दोनों सेम टाइप के आ जाते हैं या आपस में नेगेटिव टाइप के आ जाते हैं, और इन सबको ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, वो यहाँ से देखा जा सकता है। ओके, आई विल नॉट यूज रेड कलर, डोंट वरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा, मेरा मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस एक जानना चाहूंगा, अगर मैं पाई प्लस थीटा बनाता, अगर मैं पाई प्लस थीटा बनाता तो देख पा रहे हो वो यहां पे आता, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट होता कॉस पाई प्लस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होता साइन पाई प्लस थीटा। देख पा रहे हो ये वाला एक्स इस एक्स का नेगेटिव है, ये वाला वाई इस वाई का नेगेटिव है, तभी तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो पॉइंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ये अलाइड एंगल्स क्यों है, और इसी तरह जो दूसरे अलाइड एंगल है वो है ये थीटा एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में यार दोस्त हैं और ये दोनों आपस में यार दोस्त हैं। दोस्ती कैसी है मैंने बता दिया, बेसिक समझा दिया, अब इसका मेथड याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार सर्कल बना बना के ना ऑब्जर्व नहीं करना होता है, हमें मेथड को याद करना है ताकि टाइम बचे। तो मेथड क्या है, जितने भी ये एंगल हैं देख पा रहे हो सारे थीटा के यार दोस्त हैं, सारे थीटा के यार दोस्त हैं, एन पाई प्लस माइनस थीटा टाइप के हैं। हाँ सर, तो अगर ये उसके यार दोस्त हैं तो इनकी वैल्यू या तो थीटा वाली ही आने वाली है या उसका नेगेटिव आने वाली है। हाँ, तो ये बात मानते हो कि ये जो है या तो साइन थीटा ही आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा, ये भी ऐसा ही। तो जब इनकी वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले तो इसको थीटा पे शिफ्ट कर दो, सबसे पहला स्टेप इसको थीटा पे शिफ्ट कर दो, ये पहला स्टेप ये करना है, सीधे थीटा पे शिफ्ट कर दो। मुझे पता है यार सेम या माइनस ही आने वाला है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सीधे थीटा पे शिफ्ट कर दो। सर जी कर दिया, और सेकंड स्टेप आपने देखना है कि यार प्लस आएगी या माइनस आएगी, उसके लिए सर्कल नहीं बनाने, क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट बोले तो ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये देखना है। कैसे देखना है आपने भैया, पाई कहाँ पे होता है? सर पाई यहाँ पे होता है, हमने याद किया हुआ है, पाई के ऑड मल्टीपल इधर होते हैं, पाई के इवन मल्टीपल इधर। तो पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब हमेशा होगा इससे एक स्टेप पीछे, थीटा कुछ भी हो माइनस थीटा मतलब एक स्टेप पीछे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव। अब आता है साइन पाई प्लस थीटा, यहां पे पाई बैठा हुआ है, प्लस थीटा का मतलब होगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा विल ऑलवेज मीन प्रीवियस क्वाड्रेंट, प्लस थीटा विल ऑलवेज मीन नेक्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू भाड़ में गई देखनी नहीं है। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, अब सीधे ओरली कर दे फटाफट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
सर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है? सर जी नेगेटिव होता है। ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? सर नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? फटाफट बताओ। सर टू पाई होता है इधर, माइनस थीटा मतलब प्रीवियस क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट, टू पाई से पिछला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में टेन क्या होता है? सर नेगेटिव। सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सारे पॉजिटिव हो गए। तो आपने याद रखना है पाई के ऑड मल्टीपल सारे इधर, इवन मल्टीपल सारे इधर, प्लस थीटा अगला क्वाड्रेंट, माइनस थीटा प्रीवियस क्वाड्रेंट। ये किधर आ गया? सर जी इधर आ गया, प्लस थीटा सर जी आगे चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड में कॉस नेगेटिव। सेवन पाई सर जी किधर आ गया? सर जी इधर आ गया, माइनस थीटा सर जी प्रीवियस क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बल्ले बल्ले बल्ले। अब ये है वो चीज जो तुमको सवालों में इस चीज को लगाने में मदद करेगी। याद रखना सवाल में ऐसा नहीं होगा कि ये लिखा होगा तुमको ऐसे लिखना होगा, ना, सवाल में ये होगा और तुम्हें ये दिखना चाहिए कि ये बराबर है। ये कैसे दिखेगा? साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। पी जाओ बेटा जी, जब मैं लिखता हूं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे जो अंदर एंगल बैठे हुए हैं उनका सम पाई है? उनका सम पाई है, देख पा रहे हो? टेल मी इन द चैट। हाँ सर, आंखें खराब थोड़ी हमारी, बिल्कुल भाई। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो साइन है ना वो सेम होता है, साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर होता है। साइन ऑफ 144, साइन ऑफ 36 और 144 सप्लीमेंट्री एंगल है तो आपस में बराबर होंगे। ऐसे ऐसे याद रखना है, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम 90%, ये दो पॉइंट यूज होने वाले हैं। और कोसाइन जो है नेगेटिव होता है, यार वो तो पता ही है अब, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो जरा मुझे चैट में जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछता कॉस ऑफ 140 होल डिवाइड बाय कॉस 40 तो आप मुझे क्या जवाब देते? कॉस ऑफ 140 डिवाइड बाय कॉस 40 तो आप क्या जवाब देते? सर जी 140 और 40 ना बड़े प्यारे एंगल लग रहे हैं, सप्लीमेंट्री लग रहे हैं। सर सप्लीमेंट्री एंगल पे ना कोसाइन जो है नेगेटिव हो जाता है एक दूसरे का। तो सर कॉस 140 और कॉस 40 आपस में नेगेटिव है एक दूसरे के। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, शाबाश, चमक गया चमक गया। और तीसरा पॉइंट तो मैंने पहले भी बता ही दिया आपको, साइन में से माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस के अंदर माइनस की कोई इज्जत नहीं है, कॉस खा जाता है उसको। आज जब ये सवाल पढ़ते हो, अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा, अब जब ये सवाल पढ़ रहे हो सबसे पहले क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्या दिख रहा है ये बताओ, सबसे पहली चीज क्या दिखती है? सर जी ये खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। सर 110 एंड 170, बिल्कुल सर जी 10 और 170 दिख रहा है। सर ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं, अब दिखेंगे क्योंकि अब मुझे पता है ये आपस में कटेंगे। ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? 17 टर्म्स हैं, 10, 20 से लेके 170 तक 17 टर्म्स हैं। कट 10 और 170, 20 और 160, 30 और 150, 40 और 140, 50 और 130, 60 और 120, 70 और 110, 80 और 100, सारे कट गए, बचा क्या? कॉस 90। जीरो, समझ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब मैं आता हूं कॉम्प्लीमेंट्री टाइप वाले एंगल पे। अब जब 90 के कंसेप्ट आएंगे ना, सुनो फिर से, है तो यार दोस्ती, तो पहला स्टेप तो सेम ही रहना है। फर्क क्या होना है? जब भी यहां पे 90 वाले एंगल आएंगे ना, ये थीटा पे तो जाएगा ही, अभी भी जाएगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री बन के जाएगा, ये साइन बन के इस पे जाएगा।
ये कॉस बन के इस पे जाएगा, ये साइन बन जाएगा, मतलब थीटा पे अभी भी जाएंगे पर कॉम्प्लीमेंट्री बन के जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन के जाएंगे। तो मैंने ढेर सारे लिख दिए ताकि कोई छोटा मोटा भी डाउट ना रह जाए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट बैठा है। आज भैया क्वाड्रेंट देखो, अब 90 माइनस थीटा, सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव। जरा अगले का जवाब दीजिए। ओके, अगेन पाई बाय टू माइनस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, सर जी 3 पाई बाय टू यहां पे होता है, प्लस थीटा किया तो अगला क्वाड्रेंट यानी कि प्लस, सर जी फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखना आप जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना उसका साइन देखना है, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो इसका साइन देखो, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, हेंस प्लस। आ जाओ यहां पे, अब थोड़ा तेज करेंगे, 5 पाई बाय 2, भैया अब ना मैं गिनूंगा नहीं, 5 पाई बाय 2 4n प्लस 1 है ना, हाँ सर, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 4n प्लस 1 वाले ऊपर आते हैं, 4n प्लस 3 वाले नीचे आते हैं, तो 4n प्लस 1 यहां बैठा हुआ है, माइनस थीटा पीछे चला गया, प्लस 7, 7 क्या है, 4n प्लस 3 है, नीचे बैठा हुआ है, माइनस थीटा यानी कि पीछे, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव। फटाफट जवाब दे दूं मैं, समझ लोगे अब, दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, इसको देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेकेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंट पॉजिटिव, बल्ले बल्ले हो गई, हाँ हबीबी शाबाश सही बोल रहे हो। अच्छा ओए होए पीछे चलो, अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं, थीटा एंड पाई बाय टू माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं, हाँ सर हैं, तो इन पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर है, इस पर साइन और इस पे कॉस बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर होते हैं, तो जब इनको देखते हो अब जरा देखो, तुम्हें से कितने बच्चे ऐसे हैं मुझे जरा दिल खोल के बताना जो इसको ऐसा लिखना चाहते हैं क्योंकि उनको वन बनता हुआ दिख रहा है, इसको ऐसा लिखना चाहते हैं क्योंकि उनको वन बनता हुआ दिख रहा है, शाबाश बहुत बढ़िया, ये मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे वन बनता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या बन गया वन, ये क्या बन गया वन, 10 से 80 8 टर्म्स थी तो 4 पेयर बने, तो वैल्यू इतनी क्या बन गई 4, और एक ये बैठा हुआ है 1, तो आंसर आ गया 4 प्लस 1 5, बहुत बढ़िया, चलिए दिख रहा है, यहां नहीं दिखेगा, हर जगह नहीं दिखता ना बेटा, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत स्पेक्स लगाने पड़ जाते हैं नंबर वाले, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम विद रेडियंस, डिग्री में ना आसानी से दिखता है, 20 डिग्री 70 डिग्री सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, पाई बाय 7 5 पाई बाय 14 सर ये क्या है, बेटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, इनको ऐड करिए ये पाई बाय 2 बनता है, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम विद रेडियन, तो यहाँ पे ना रेडियन में हमें थोड़ा बहुत इजीली केवल नहीं दिखेगा, हेंस आपको अगर सवाल में रेडियन वाले एंगल दिख रहे हैं
और आपके दिल में इच्छा जागरी कि काश यार ये कॉम्प्लीमेंट्री होते तो आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ये वाला सवाल, ज़रा इस सवाल को देखिए, ओके, जब ये सवाल आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दिमाग में क्या चलना चाहिए, ध्यान से सुनना। इस सवाल में सबसे पहली चीज जो आपको दिखनी चाहिए वो ये है, पाई बाय एट, 7π/8, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हबीबी, बहुत ही बढ़िया। 3π/8 और 5π/8 आपस में सप्लीमेंट्री हैं। इसीलिए साइंस केयर पाई बाय एट और साइंस केयर 7π/8 आपस में बराबर होंगे, यस और नो। तो इसको मैं 2 sin² π/8 लिख देता हूं, एंड सेम वे sin 3π/8 और sin 5π/8 आपस में बराबर होंगे, तो 2 sin² 3π/8 लिख देता हूं। पर अब आगे क्या करूं, यहां पे आके दिक्कत हो गई। कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि अभी जो एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर पाई बाय 2 माइनस करके देखने लग पड़े टाइम लगेगा, जस्ट ऐड देम। पाई बाय 8 और 3π/8 क्या होता है, पाई बाय 2। अगर ये पाई बाय 2 है तो ये स्क्वायर तो लगाया ही नहीं उसका, इसको मैं कॉस स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाय 8 होगा, ऐसे लिख सकता हूं, एंड हेंस आंसर आ गया 2 × 1। पाई वाला काम है ना, ये थोड़ा बहुत आपको अलग से मैनुअली चेक करते रहना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, एंड दैट इज व्हाई यहां पे ये मैं रख रहा हूं ऑब्जर्वेशन, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सवालों में भी, इजीली नहीं दिखेगा एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो 0 से 90 होते मैंने लिख दिए हैं, तो वो सब सॉर्टेड है, राइट, ये आपको याद भी होते हैं। ये अगर वैल्यूज तुम ओरली निकाल सकते हो तो समझ लेना कि तुमने वो कंसेप्ट सीख लिया जो मैं चाहता हूँ। ए पार्ट सुनते रहना ध्यान से, 120, अरे 60 का सप्लीमेंट है तो ये साइन 60 के बराबर है जो मुझे आता है, ओके। 135, अरे 45 का सप्लीमेंट है तो ये मुझे आता है, ओके, ऐसे ही सोचना है। 150, अरे 30 का सप्लीमेंट है ये मुझे आता है, बेसिकली तुम्हें सब आता है। अब सर साइन 180 तो होता ही जीरो है सर, साइन पाई, सारे पाई के मल्टीपल पे जीरो ही होता है सर, इसमें कुछ नहीं करना हमने सर, ओके। सर 120, 60 का सप्लीमेंट है पर कॉस बैठा है, माइनस कॉस 60, बोलो आए नजारे। कॉस सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव हो जाता है, पहले बता दूं। 135, अगेन 45 का सप्लीमेंट है बट कॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/√2। कॉस 150, ओ यार क्या ही, अब तो टाइम वेस्ट हो गया लिखने का, ओरली कर दूं क्या, अब क्या कहते हो, फटाफट हैं। कॉस 180, सर जी ये तो याद किया है, आप ही ने बताया था 2π, पाई के इवन मल्टीपल इधर आते हैं कॉस जीरो होता है, पाई के ऑड मल्टीपल इधर आते हैं कॉस माइनस, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, पाई के इवन मल्टीपल इधर आते हैं कॉस 1 होता है, पाई के ऑड मल्टीपल इधर आते हैं कॉस -1 होता है। नोट्स सारे आपको बेटा मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। एफ जी एच आई, अब देखो थोड़ा सा कष्ट अगर और कर लो ना, जिंदगी और भी हसीन हो जाएगी, छोटू सा कष्ट कह रहा हूं बिल्कुल। अगर मैं सुपर सप्लीमेंट्री खुद से एक टर्म डिफाइन कर दूं, खुद से थीटा और 180 प्लस थीटा,
ठीक है, इनको मैं सुपर सप्लीमेंट्री कह रहा हूँ, ये जबरदस्ती की टर्म है, फॉर्मल टर्म नहीं है, कृपया ऐसे कहीं लिख मत दीजिएगा, छितर पड़ जाएंगे आगे से। ठीक है जी, थीटा और 180 प्लस थीटा को मैं सुपर सप्लीमेंट्री कहूंगा आज के बाद। इसमें वैल्यू नेगेटिव होती है दोनों की, कॉस की भी और साइन की भी। अगर मैं इसको याद कर लूंगा ना बेटा जी, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, बता रहा हूं, अकेले सप्लीमेंट्री से ही इतनी हसीन हो गई है, तो अगर मैं सुपर सप्लीमेंट्री भी याद कर लूं, सोचो जिंदगी कहां पहुंच जाएगी। सीधे सीधे करूंगा अब, सर जी ये साइन 30 का नेगेटिव है, 30 का सुपर सप्लीमेंट्री है 30, 180 प्लस 30। सर जी ये 60 का सुपर सप्लीमेंट्री है, सर माइनस साइन 60। सर जी ये 30 का सुपर सप्लीमेंट्री है, माइनस कॉस 30। सर जी माइनस कॉस 60। बोलो आए नजारे, कितना टाइम बच गया, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सीधे सप्लीमेंट्री सुपर सप्लीमेंट्री हमने चमक यहाँ पे रख लेने हैं। हाँ ये इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कर लेना यार, अब इसमें क्या बताऊँ। अब एम पार्ट 1050, 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढ लो। अब आ गया बिल्कुल टाइम पास वाला काम, अच्छे काम हमने कर लिए, सवालों में यही काम आने हैं। ओके ये अब थोड़ा बहुत टाइम पास, 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है 1050 के? सर जी 1080 होता है शायद, 900 इज अ मल्टीपल तो 1080 भी आएगा ही, तो साइन ऑफ 1080 माइनस 30। तो बेसिकली आपने 180 का ना क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढ लेना है इस नंबर के, इसे छोटा होगा तो प्लस समथिंग लिख देना, इसे बड़ा होगा तो माइनस समथिंग लिख देना। ये 180 का क्या मल्टीपल है? 6 मल्टीपल है, 6 × 180 माइनस 30। भैया जी 180 का मल्टीपल है तो ये डायरेक्टली इस पे आएगा, यार बेली है बेटा, थीटा और वन एन पाई प्लस माइनस थीटा यार दोस्त होते हैं आपस में, ये डायरेक्टली 30 पे आ जाएगा। प्लस माइनस क्वाड्रेंट देख लो यार, 180 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल 180 के सारे कहाँ पे आते हैं? सर जी यहाँ पे आते हैं, माइनस थीटा, सर जी फोर्थ में है माइनस, तो माइनस साइन 30 आपका आंसर आ गया। बल्ले बल्ले आई शाबाश, तो जरा मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए। सर 360 प्लस 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, कॉस 45, इसकी वैल्यू बता दीजिए। सर इसकी वैल्यू बतानी क्या है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है सर, और सर कॉस में तो माइनस की कोई इज्जत ही नहीं है, कॉस खा जाता है माइनस को, इज्जत ही नहीं है, पटाख से खा जाता है। हेलो शेरा, गॉड ब्लेस यू। अगर तुम इस सवाल में आई एल एल तक के पार्ट्स ओरली कर सकते हो जैसे हमने अभी किए, तो बेटा फिर तुमको अलाइड एंगल आते हैं, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, लिख के दे सकता हूं। बहुत सवाल करेंगे अभी हम, आहा ब्रू ये आ जाओ। अब ये ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि ज्यादा जो हम एनकाउंटर करेंगे ना वो रेडियन वाले एंगल होंगे। तो जरा चैट में मुझे इन सब के सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये आ गया तो बेटा जिंदगी काफी हसीन होने वाली है, बात ये है, बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, है ना भैया, तुम्हारे पे है। बहुत बढ़िया सर, पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री हो गया 5π/6, पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री 3π/4, और इसका आ गया 2π/3। सप्लीमेंट्री लिख रहा हूँ, अब तुम पाई माइनस करके निकाल लो या खुद सोच लो कि क्या ऐड करूँ कि पाई बन जाए, जैसे मर्जी निकाल लो। इसका सप्लीमेंट्री पाई माइनस पाई बाय सिक्स ये आ रहा है, इसका सप्लीमेंट्री पाई माइनस पाई बाय फोर ये आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो आ जाओ, क्या पड़ोसियों की मदद लगेगी ये कहने के लिए ये तो पाई बाय थ्री का सप्लीमेंट्री है यार, सवाल खत्म हो गया। क्या पड़ोसियों की मदद लगेगी कहने के लिए कि पाई बाय फोर का सप्लीमेंट्री है, खत्म हो गया यार, ये पाई बाय सिक्स का सप्लीमेंट्री है, ये फिर से पाई बाय थ्री का सप्लीमेंट्री है, कॉस है तो नेगेटिव आएगा। बोलो आज के बाद इनसे डरोगे क्या, आज के बाद इनसे डरोगे?
गलती से बोल मत देना, मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं डरेंगे सर साहब। ये जो अगले पार्ट है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा कष्ट होने वाला है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि अब यहाँ पे ना सब जो 90% गेम है वो खत्म होगी, सवाल में यही आने हैं। ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए अलग से बता रहा हूं। आ जाओ एफ पार्ट। जब तुम्हें लगे कि यार ये थोड़ा सा बड़ा एंगल चला गया, अब तो बड़ा हो गया। देखो ये 7/4 क्या होता है, 1 point something, ये तो 1 point something पाई, बड़ा एंगल हो गया। अब क्या करना है, सुनो मेरी बात। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं रेडियंस पे तोड़ने का, सबसे आसान तरीका, ध्यान से सुन लो। 7/4 1 point something होता है। हाँ सर, तो ये जो एंगल है ये पाई प्लस समथिंग होगा भैया, पाई का 1 point something मल्टीपल है तो पाई प्लस समथिंग होगा। हाँ सर, पाई प्लस समथिंग, वो समथिंग जो भी होगा उसके डिनोमिनेटर में 4 होगा, बताओ। गॉड ब्लेस यू शेरा। हाँ सर, क्योंकि एलसीएम लेके नीचे 4 आना चाहिए, तो फिर बचा क्या है भैया, 4 pi मैं कितना ऐड करूं कि 7 बने, 7 3 pi। अब ये तो मुझे आता है ना, कॉज ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉज थीटा। और ये तो मुझे आता ही आता है सर जी, ये तो पाई बाय 4 का सप्लीमेंट्री हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया सर जी, प्लस 1/√2। आइडिया समझ गए, आइडिया चमक गया। गॉड ब्लेस यू सोहम, खुश रहो बेटा। ऐसे ही जरा जी पार्ट को देखो, एक और सवाल देखते हैं। टेन ऑफ 22 pi/3, जरा देखिए 22/3 कितना का होता है, 22/3 pi। सर 22/3 7 point something होता है सर, 7 point something, यह सुनो 7 point something। तो ये 7 point something पाई है, यानी कि 7 pi से थोड़ा बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा। फिर से वही टेक्निक, जो भी होगा उसके यहां पे नीचे 3 आना है, क्योंकि एलसीएम लेके 3 बनना चाहिए। अब ये अगर 21 pi है तो ऊपर क्या आएगा, 1 pi। हो गया सवाल। तो 7 pi कहां पे होता है बेटा सर जी, इधर होता है सर जी, प्लस थीटा सर जी, थर्ड क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल 2 बोले तो प्लस। सवाल खत्म। अब अगला मुझे तुम बताओगे, कॉस ऑफ 21 pi/6, इसमें अंदर क्या लिखूं, अंदर क्या लिखूं ये बता दो बस, और कुछ नहीं, अंदर का बता दो, अंदर का बताओ क्या लिखूं। शिवांश ये बेटा पहले डिस्कस हो गया, बिगनिंग का पार्ट देखो, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। ये है 3 point something pi, यानी कि 3 pi से स्लाइटली बड़ा होगा, 3 pi plus something होगा। बहुत बढ़िया सर, बड़ा जो भी है उसमें नीचे जो है वो 6 आना है, तो 21 18 plus 3 pi करना पड़ेगा सर जी। ये बन गया cos of 3 pi plus theta, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस ऑफ कॉस 3 pi/6, 3 pi बाय, ओ तेरी, ये तो कट के पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल बन गया, पहले क्यों नहीं देखा हमने, अरे हमें यहीं पे देख लेना चाहिए था यार, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया हमसे। 3 से कट करते 7/2 pi, 7 pi/2 तो वैसे ही 0 हो जाता, सीधे कह देते यार, पर सीधे कह देते तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होती ब्रेक करने की ना, आपकी ब्रेक करने की प्रैक्टिस कैसे होती। तो इसे बता दो अब कैसे ब्रेक करोगे, कॉट ऑफ लिख दो फटाफट, कैसे ब्रेक करोगे फटाफट, सोचो चैट दिमाग में सर जी, 15/4 3 point something pi, तो 3 pi से स्लाइटली बड़ा, बड़ा जो भी है उसमें नीचे जो है वो 4 बैठा हुआ है सर जी, 12 pi plus 3 करना पड़ेगा, 3 pi सर जी। ये बन गया आफ्टर स्कूल 2 थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस नहीं प्लस, कॉट 3 pi/4
सर जी हमने साइन कॉस तो याद कर लिए थे सप्लीमेंट्री पे, टैन कॉट तो किए ही नहीं। वो जब तुम्हें साइन कॉस आते हैं तो क्या टैन कॉट के लिए अलग से कुछ चाहिए बताओ? कुछ अलग से चाहिए क्या? नहीं सर, कॉस बाय साइन ही तो होता है। सप्लीमेंट्री पे कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो रेशो नेगेटिव हो गई ना, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ कॉट पाई बाय 4, तो आंसर आ गया -1। अगर तुमने आज ये सारे के सारे रिपीट कर दिए और 2-3 बार करके यहाँ पे वो एक्सपर्टीज गेन कर ली कि पटाक 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 करके कर पा रहे हो, मतलब फिर तुम्हें ये तंग नहीं कर सकते बेटा कहीं पे भी, लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आज के बाद तुम्हारे लिए ये एंगल भी स्टैंडर्ड हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल से आराम से आता है। ये पाई बाय 3 का सप्लीमेंट्री, ये पाई बाय 4 का सप्लीमेंट्री, ये पाई बाय 6 का सप्लीमेंट्री, तो वहाँ से इसको फटाक से आपको करना आना चाहिए। और आगे जाके हम फाइंड भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आजकल JEE मेन एंड एडवांस्ड में एक्सपेक्ट की जाती है कि बच्चों को याद हो। हालांकि थोड़ी ओवर एक्सपेक्टेशन है, बट एक्सपेक्टेशन है तो है। इनमें से जो आपको याद करनी है वाकई बताता हूँ, एक 18 वाली वैल्यू, 54 वाली वैल्यू एंड 22.5 वाली वैल्यू, ये वो वैल्यूज है जो आपको याद कर लेनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 वाली वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, अभी बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, इसको निकालना बहुत आसान होता है, इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये जो 18 और 54 है, मिलते मिलते होते बड़े इजीली याद हो जाते हैं, और 22.5 ये आपने याद कर लेने बुरे हाल से, बाकी याद नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि उसको हम विद इन 30 सेकंड निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने सारी लिख दी है सो दैट आपको एक ही जगह पे सारी वैल्यूज हों। ये सारी आ गई सप्लीमेंट्री वाली और ये सारे आ गए बदसूरत एंगल, बट आपसे एक्सपेक्टेड रहेंगे JEE में, इस करके यहाँ पे पूरा टेबल आपको दे दिया। ग्राफ, ग्राफ का अभी हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके पीछे के ज़्यादा रीजंस तो नहीं जानते कि ऐसी शेप क्यों बनती है, वैसी शेप क्यों बनती है, बट यस हमें शेप याद होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड जगह पे स्टैंडर्ड सा लॉजिक लगाने के लिए हमारे काम आएंगी। ओके, एग्जैक्टली। तो जब हमें ग्राफ्स बनाने हैं, तो अगर साइन की बात करें तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, बहना इसे इस तरह का दिखता है, दिमाग में क्या रखना है वो सुनो। सबसे पहले आपको इसकी बेसिक शेप याद रखनी है कि ये एक वेव टाइप का ग्राफ होता है, एक तो शेप याद रखनी है। ओके सर, दूसरी चीज जो आपको पहले से पता है कि ये -1, 1 के बीच में रहेगा, वो आपको पहले से पता है। अगली जो चीज बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 0 कहां बनता है, 1 कहां बनता है, -1 कहां बनता है, जो कि मुझे वैसे पता है। साइन 0 कहां बनता है, जरा याद करिए, बिगिनिंग में किया आज, सर पाई के मल्टीपल्स पे बनता है, 0 पे, 180 पे, 2 × 180 पे, 3 × 180 पे, पाई के मल्टीपल्स पे 0 बनता है। तो ये पॉइंट मुझे याद होने चाहिए कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करने वाला है, यहाँ पे ये 0 बनने वाला है। दूसरा मुझे याद होना चाहिए 1 कब बनता है, -1 कब बनता है। भैया अब मैं समझाऊंगा नहीं, बिगनिंग में पूरा समझा दिया, जिसने लेट ज्वाइन किया बिगनिंग का पार्ट देख लो, भूल गया तो दोबारा से देख लो। 4n+1 पाई बाय 2 पे 1 बनता है, तो पाई बाय 2 पे 1 बनेगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे 1 बनेगा, ऐसे पीछे आ जाओ, 4n+1 पाई बाय 2 पे 1 बनता है। 0 पुट किया तो पाई बाय 2, 1 पुट किया तो 5 पाई बाय 2, -1 पुट करो सर, -3 पाई बाय 2 पे 1 बनता है, ऐसे ही पीछे चलता जाएगा। सिमिलरली -1 कहाँ बनता है, सर जी 4n+3 पाई बाय 2 पे -1 बनता था, तो 3 पाई बाय 2 पे -1, ऐसे ही पीछे की ओर -π/2 एंड सो ऑन। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 शेप कैसी है, 2 0 कहाँ बनता है, एंड 3 1 और -1 कहाँ बनता है। ये ना याद रखने हैं, नो डाउट आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बट याद होना अपने आप में तुम्हारी सॉल्विंग को फास्ट बनाएगा, जो कि हमने बिगिनिंग में पढ़ा है सारा ये पार्ट, तो वहाँ पे ना 2-3 बार इसको विद इन अ वीक और 2 वीक इसको रिपीट करके पी जाना, एक बार पी जाओगे ना बस फिर सब कैंट है, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आता है, क्या इस ग्राफ से मैं इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बना सकता हूँ? बहुत ही आराम से,
सुनो, मुझे इन सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है। बेसिकली मैं कोसेकेंट एक्स का ग्राफ बनाने लगा हूं, कोसेकेंट एक्स का। इन सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है। ये वैल्यू कितनी थी? 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर 1 ही होता है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी थी? हाफ, राइट। हाफ का रेसिप्रोकल सर 2 होता है। नीचे आ जाओ, ये वैल्यू कितनी सर? 0। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट के पास। तो जब मैं इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। देख पाते हो? 0 से 1 में जब नंबर्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल 1 से इन्फिनिटी चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये वाले नंबर भी तो 0-1 के बीच में हैं, इनके रेसिप्रोकल भी 0 से 1 से इन्फिनिटी चले जाएंगे। तो जब कोसेकेंट एक्स बनाया गया तो इस ग्राफ का रेसिप्रोकल इधर बना। अब कोई पड़ोसी थोड़ी लगेगा, इसका रेसिप्रोकल सिंपली इसका नेगेटिव ही तो है। ये पॉजिटिव थे तो ये नेगेटिव है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1। जैसे जैसे ये माइनस छोटा होता जाएगा रेसिप्रोकल नीचे जाता जाएगा। -1/2 का रेसिप्रोकल -2, -1/3 का रेसिप्रोकल -3, एंड सो ऑन। तो बेसिकली उल्टी टोपियां बन जाती हैं, उल्टी टोपियां। तो साइन एक्स अगर ऐसा है इसके ऊपर टोपी बना दो तो कोसेकेंट एक्स, साइन एक्स ऐसा है तो इसके नीचे टोपी बना दो कोसेकेंट एक्स, एंड हेंस द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट एक्स लुक्स लाइक दिस। यहां पे मैं आपके रेफरेंस के लिए ये साइन एक्स बना रहा हूं, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, इसकी उल्टी टोपियां बना दी तो कोसेकेंट एक्स बन गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब सारे ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, ये आपको ना बस याद यही रखना है मेन वैल्यूज कैसे बनती। ऐसे कॉज एक्स का ग्राफ आ गया, याद वही रखना है 0 कहां बनता है, 1 माइनस 1 कहां बनता है। अभी अगर बोलूंगा बिगनिंग पूरा समझाया था, उसको दोबारा देखना, 2-3 बार करके होगा। कॉस 0 बनेगा पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे, 1 बनेगा पाई के इवन मल्टीपल पे, और -1 बनेगा पाई के ऑड मल्टीपल पे। ये जितने कॉन्फिडेंस से मैं बोल पा रहा हूं ना, तुम्हें भी उतने ही कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। उसके लिए आज के बिगनिंग के पार्ट को 2-3 बारी आपको समझ के 1-2 बार करके रखना पड़ेगा। आज कर लो भैया, पूरे 2 साल सॉर्टेड है फिर, ठीक। ऐसे इसके रेसिप्रोकल टोपियां बन जाएंगी, इसकी रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगी। ऐसे ये सीकेंट एक्स का ग्राफ, इस टोपी का रेसिप्रोकल नीचे चला जाएगा। तो उल्टी टोपियां बना दोगे जब तो सीकेंट एक्स बन जाएगा। हेंस ये रहा सीकेंट एक्स का ग्राफ, उल्टी टोपी ऐसे, ठीक है जी, गॉट इट। बहुत बढ़िया। टेन एक्स का ग्राफ, अभी देखो टेन एक्स में ना 1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, 0 इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की इंपॉर्टेंस होती है। टेन 0 कहां बनता है? पाई के मल्टीपल पे। भैया टेन 0 कहां बनेगा? जहां पे साइन 0 बनेगा, यस और नो? टेन जो है साइन बाय कॉस ही तो होता है। हाँ सर, तो टेन 0 कहां बनेगा? जहां पे साइन 0 बनेगा। साइन 0 कहां बनता है? फिर से कह रहा हूं, जितने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं उतने तुमने बोलना कल को, पाई के मल्टीपल पे साइन 0 बन जाता है। ये पूरा कॉन्फिडेंस तुमने जनरेट करना है आज के बिगिनिंग पार्ट को तैयार करके। तो जहां भी पाई के मल्टीपल होंगे टेन 0 हो जाएगा, 0 पाई, तो सॉरी 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे वहां पे साइन 0 बन जाएगा। बच्चे चिंता करने लग पड़ते हैं, इज दिस लाइव और नॉट? बेटा तुम्हें लाइव या रिकॉर्डेड मैटर करता है या जो आप समझ रहे हो वो मैटर करता है? वो सही चीज़ पे फोकस करो, सही चीज़ पे फोकस ना हो फिर तो शादी भी ख़राब हो जाती है। ये तो पढ़ाई है बेटा, कर लो सही से करो। मैं भटक गया मुद्दे से, ओ इधर आओ। ओके, टेन इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट बनेगा ये पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, सो ऑन, और माइनस इन्फानाइट बन जाएगा इनके दूसरी साइड पे, पाई बाय 2 के लेफ्ट पे इन्फानाइट, पाई बाय 2 के राइट पे माइनस इन्फानाइट, ठीक। तो याद रखिएगा पाई बाय 2 के और मल्टीपल्स के राइट लेफ्ट पे एक साइड इन्फिनिटी एक साइड माइनस इन्फिनिटी, इस तरह का ग्राफ बनेगा। सेम कॉर्टेक्स, ये आपको शेप्स याद रख लेनी है। अब आता है भैया दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव खत्म हो गया यहाँ पे, जहाँ पे हम एंगल्स से खेलना सीख रहे थे। एंगल डिफाइन किया, साइन कॉस डिफाइन किया, एलाइड एंगल डिफाइन किए, हमने उनसे खेलना सीखा। अब दूसरा पड़ाव शुरू होता है जब फॉर्मूले शुरू होंगे, और फॉर्मूले ऐसे हैं
लिख के सामने लगा लोगे याद नहीं होंगे, इनको सॉल्विंग में सवालों में लगाते रहोगे, लिख के कह रहा हूँ 3 दिन में याद हो जाएंगे, पर सॉल्विंग में सवालों में लगाना है, सामने टेबल पे लिख के नहीं पढ़ना, उसके कोई फ़ायदा नहीं होता। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल होता क्या है भैया? कंपाउंड मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, राइट? ए प्लस बी, बी प्लस ए, एक्स प्लस वाई एंड ऑल। इसके मुझे एक बात बताओ यार, जब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि ए प्लस बी का स्क्वायर बताओ, तो क्या तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलते। मैंने तुमसे पूछा स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, तो तुम मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बोलते, तुम बोलते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तुम ये गलती नहीं करते तो तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आता है? ये भी तो गलत हो गया ना यार। जैसे ये था स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ऐसे ही ये है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ऐसे कैसे ओपन कर दिया? ये कोई ब्रैकेट थोड़ी है, जैसे ये कोई ब्रैकेट थोड़ी थी, ये स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी था, ऐसे ही ये साइन ऑफ ए प्लस बी है। तो ये गलती कैसे कर दिया आपने? नहीं करनी चाहिए थी। स्क्वायर का एक बिहेवियर था जिसके चलते रहते इसे ऐसे ओपन किया जाता है, ऐसे ही साइन का एक बिहेवियर है जिसके चलते रहते इसे ऐसे ओपन किया जाता है। बिहेवियर को दिमाग में रखो। तो यहां पे ये चारों फॉर्मूले लिख दिए गए हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, यानी कि अगर आपको आज के बाद यहां पे दो एंगल दे दिए जाए, मान लो एक 45 है और एक 30 है, तो आप इसे 45 और 30 की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आप वहां पे नजर रखें, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, यस और नो? समझ गए? तो 45 प्लस 30 को आप 45 और 30 की टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा फायदा जो मुझे यहां पे इसका अभी के अभी दिख रहा है कि अगर मैं एक ट्रिग्नो की वैल्यू ऐसे एंगल पे निकालना चाहता हूं जो खुद तो खूबसूरत नहीं है, बट वो खूबसूरत एंगल के सम या डिफरेंस में लिख सकते हैं, तो भैया उसको लिख के मैं ओपन कर सकता हूं एंड मेरे पास उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। आइडिया टेकन? उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। एक फायदा तो अभी दिख गया मुझे यहां पे। तो यहां पे ये चार है आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, याद आपको सवाल लगा लगा के होंगे, पर मोटा मोटा जो हिंट दिमाग में रखा जाता है वो ये है, जब भी साइन है तो यहां पे साइन कॉस दोनों यूज होते हैं, जब भी कॉस है तो सेम यूज होगा, कॉस है कॉस भी, माइनस साइन है साइन भी, कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, यहां पे मिक्स रहता है दोनों का, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ये मिक्स रहते हैं, ये सेम सेम चलते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया जरूर है, बाकी तो आपको ये सॉल्व कर करके ही सवालों में याद आएगा। आज के लिए मैं जहां भी कोई यूज करूंगा मैं लिखता रहूंगा, साइड पे लिखा होगा फॉर्मूला। ऐसे ये रहा टैन का और कॉट का। कॉट का कई बार बच्चे ज्यादा याद नहीं करते क्योंकि उनको बदसूरत लगता है देखने में, थोड़ा सा है भी, कर पाओ तो अच्छी बात है, मतलब मैं तो जोर तोर लगा के कर लिया, पहले मेरे को पसंद नहीं था, मैं भी सारे सवाल टैन से ही कर लेता था क्योंकि कॉट भी तो क्या उल्टा करके टैन बन जाता है, बट विद टाइम मैंने सोचा कर ही लो यार, अब एक ही तो चीज़ है, इतना कुछ जब कर लिया इन दो ने क्या बिगाड़ा है, राइट? तो कर लो तो अच्छी बात है याद, ठीक है? आओ, जैसा कि मैंने पहला सवाल बताया, अब तो ये ऐसे चुटकियों का काम है। क्या मैं 15 को अच्छे एंगल में लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, लिख सकता हूँ। 45 माइनस 30, तो इसको ओपन करने में किसी की मदद चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहिए। फॉर्मूला चाहिए सर, वो हमें आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, सवाल खत्म। कॉस 75 अच्छा एंगल है क्या? नहीं सर, तो कॉस तो मुझे नहीं आता होगा, पर क्या मैं 75 को दो अच्छे एंगल्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। लिख सकते हो तो सवाल खत्म हो गया। कॉस ए कॉस बी, अभी मैं सवाल ऐसे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है थोड़ा लग रहा होगा ऑड, पर टेंशन ना लो, आगे जाके मैं जहाँ भी फॉर्मूले यूज़ करूँगा मैंने नीचे ऐड किए हुए फॉर्मूले, ठीक है? तो वो आपको कर करके याद होगा, यहाँ पे भी देखने में आपको समझ आ जाएंगे। ये वाला जो सवाल है इसको मैं थोड़ी ज़्यादा इज्जत देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से समझना।
बेसिकली मैं सवाल शायद करवाता भी ना, सिर्फ ओरली कर देता, सिर्फ एक सवाल के लिए मैं सवाल करवा रहा हूँ, वो है ये 15 को अगर मैं दो अच्छे एंगल्स में लिखना चाहता हूँ तो 45 और 30 में लिख सकता हूँ। वेरी गुड, लिख दिया मैंने, ओके 45 माइनस 30। अब मैंने इसको ओपन करना था तो फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा सा होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है। तो मैंने लगा दिया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे ना एक चीज पे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, वो है tan 45। यार ये तो बड़ी प्यारी वैल्यू होती है ना, हाँ सही, बड़ी प्यारी वैल्यू होती है, जिसके चलते रहते ये पूरा फॉर्मूला ही बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, 1 माइनस tan 30 1 प्लस tan 30, पूरा फॉर्मूला ही बड़ा प्यारा दिख रहा है। हाँ सर, प्यारा तो दिख रहा है। एग्जैक्टली यही मेरी मोटिवेशन थी इस सवाल को करवाने की, tan ऑफ 45 प्लस थीटा एंड tan ऑफ 45 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बड़े प्यारे से होते हैं, और याद रखना ये दोनों तरफ से याद होना चाहिए आपको, यानी कि मैं इधर से इधर जाना भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। हो सकता है किसी सवाल में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखाओ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं भैया इसको tan ऑफ 45 प्लस थीटा बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे, समझ गए, क्यों नहीं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक छोटा सा इंपॉर्टेंस मैं दिखा भी देता हूं अभी, मान लो मुझे याद है, एक बार फटाफट देख लो कि सब याद कर लो। इसकी एक हल्की सी झलक दिखाता हूं, पहले आसान एग्जांपल में, फिर धीरे धीरे टफ एग्जांपल में दिखाऊंगा इसकी पहले प्यारी झलक कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये, याद रखना। हां जी, अब इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, जरा ए पार्ट को देखिए, ए पार्ट, जस्ट फोकस एट ए पार्ट, मुझे प्रूव करना कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नो बहुत टाइम से पहले पढ़ चुके हैं फिर शायद आपको नॉर्मल लगे, बट अपना बिगिनिंग वाला टाइम याद करिए, ये आपको बड़ा ऑड लगा होगा। अब शायद करते क्योंकि कुछ कुछ चीजें याद हो गई हैं, पर मैं इसका सही तरीका बता रहा हूं, वो सुनना ध्यान से। अगर मेरे दिमाग में पहले से छपा हुआ है, पहले से छपा हुआ है कि यार ये कुछ और नहीं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, तो बताओ कौन सी ताकत मेरे को रोक सकती है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे कॉस डिवाइड करने से, या फिर कौन सी ताकत मुझे रोक सकती है कि क्यों लेफ्ट से चलना है, राइट से चलते ना यार, इसको साइन बाय कॉस लिखो, एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा, कोई ताकत है जो मुझे रोक सकती है, प्रोवाइडेड मुझे पता है कि ये कुछ और नहीं ये होता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिमिलरली सेकंड, सिर्फ ऊपर नीचे प्लस माइनस उल्टा हो गया, हाँ सर कोई ताकत नहीं रोक सकती, बात तो सही है सर। अच्छा इस सवाल को देखो जरा, अब ये आपको बताने लगा हूं सवालों में सोचना कैसे होता है, ठीक है जी। पिछला सवाल आपको समझ आ गया, 1 प्लस tan 1 माइनस tan की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मेरा क्या सवाल आया, बड़ा ध्यान से सुनना, सोचना कैसे है, फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन यहां पे लिख भी दिया मैंने। जब मेरा ये सवाल आया, एक बात को ना दिमाग में रखना अपने शुरू से, ट्रिग्नोमेट्री में 99% ऑफ सवालों में आप का जो फोकस है ना वो एंगल पे होना चाहिए, कि मैं जो प्रूव करना चाह रहा हूं उसमें रिक्वायर्ड एंगल क्या है, अगर उस पर फोकस करोगे ना सवाल खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड देखिए, मेरा फोकस है मुझे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे एंगल बनाने हैं, राइट, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर तो मैं बिगिनर हूं तो मैं ऐसे करूंगा, यार ये तो कंपाउंड एंगल से बनेगा और कंपाउंड के लिए पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ऐसे एंगल बने, तो मैंने इसको ब्रेक किया। ये मैं बिगिनर अप्रोच बता रहा हूं, बिगिनर अप्रोच, फिर बताऊंगा प्रो अप्रोच, कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। फिर आप एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस ही बात है, अब फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेके बन गया साइन एक्स कॉस वाई, और मन में लड्डू आपके फूट गए होंगे, यहीं पे फूट गए होंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है और दिख रहा है ये तो बन गया फॉर्मूला, तैयार हो गया,
यस और नो? फॉर्मूला बन गया, दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, सवाल ओवर। पर ये सवाल और भी इंट्यूटिव या आसान बन जाता है। जैसे सर कैसे दिमाग में आया कि टैन को साइन कॉस में तोड़ना? सर हमने कितने सवाल देखे, कई किसी जगह तो टैन को साइन बाय कॉस में तोड़ देते हैं, किसी जगह नहीं तोड़ते। सर सपना आएगा हमको? नहीं, सपना नहीं आएगा, आपको पता होगा। कैसे पता होगा? अगर मैं शुरुआत सवाल की यहां से करूं, अब मैं पूरा री एक्सप्लेन कर रहा हूं, यार मुझे जो चाहिए वो क्या है? यार मुझे जो चाहिए वो ये है भैया, फॉर्मूला आता है ना मेरे को, फॉर्मूला लिखा हुआ साइड पे नीचे, मुझे जो चाहिए वो ये है। अब जरा बोलो अपने आप को, क्या तुम ये कह सकते हो कि सर सपने में आएगा कि उसे साइन कॉस में तोड़ना है? सर सपने में आएगा कि उसे साइन कॉस में तोड़ना है? बेटा नहीं, जो मुझे चाहिए वो साइन कॉस में है, तो इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तभी तो साइन कॉस आएगा। सवाल ओवर। आओ अब थोड़े से बड़े भाई पे चलते हैं, थोड़े से बड़े भाई पे। ये बड़ा भाई क्या कहता है? कहता थ्री टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू वन, प्रूव दैट दिस हैपन्स। ओके, अभी कभी प्रूव अप्रोच क्या बताई थी कि पहले जो रिक्वायर्ड है ना उसको देख लो। तो आज प्रूव अप्रोच पे चलते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा, लिखे हुए ना, हाँ साइन फाई, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट उस पर अगर फोकस कर लूं, इज इक्वल टू, चलो आगे तो लिख देते हैं ऐसे, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इधर टू भी है, लिख लो, टू लिखना है तो ऑफकोर्स लिखना चाहिए, अगर की बात क्या यहाँ पे ऐसे। अब जरा सोचो सवाल में क्या करना चाहिए, अब जरा सोचो सवाल में क्या करना चाहिए। जब मैं मुड़ के देखूं मुझे चैट में जवाब दिख जाना चाहिए। आई शाबाश। ओए तुम आपस में मत खेलो, इधर फोकस करो। बिल्कुल सर, मुझे कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई की टर्म चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको तोड़ देते हैं। सर बिल्कुल सही बोला, एटलीस्ट साइन और कॉस क्रिएट हो जाएंगे और एंगल भी सेम सेम आ जाएंगे मेरे पास। वेरी गुड, अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ो। आपको जो चाहिए क्या वो आपको कोई पुरानी याद दिला रहा है? आपके पास ए बाय बी बैठा हुआ है और आपको ए माइनस बी चाहिए। टू बी प्रिसाइज, आपको ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई होगी, आपकी जमीर की आवाज है ना, आपके जमीर से आवाज आई होगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। एग्जैक्टली, तो जब मेरे पास a बाई बी बैठा है और मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लगाना है, तो भैया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे एंड वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। आइडिया समझ आया? अपनी रिक्वायरमेंट को पहले ज्यादा क्लियर करके लिख लो, आसान भाषा में लिख लो, एक बार वो लिख लिया फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये भी एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से आगे एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू बहुत ही खूबसूरत दिखती है। बेसिकली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसी फीलिंग आती है। लव यू टू शेरा, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। इसी करके और फॉर्मूला सुंदर सा है। सर इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो वैसे तो प्रूव करने की कोशिश मतलब करनी भी क्यों घटिया सा लग रहा है देखने में, इतना प्यारा फॉर्मूला है राइट, पर अगर दिन में इच्छाएं जाग रही हैं तो एक स्टेप बताना चाहूंगा, बाकी तो तुम मुझे पता चैंपियन हो, तुम कर दोगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी का लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए और मुझे बताइए आपको क्या करना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए और मुझे बताइए आपको क्या करना चाहिए।
आपने यहाँ वैल्यू डाली, ये बन गया, वो वैल्यू लिखिए, ये बन गया, अब आपको ये क्रिएट करना है, तो क्या करना चाहिए? सर जी, कॉस के टर्म्स हमें नहीं चाहिए, कॉस के टर्म्स हमें नहीं चाहिए, इनको साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन के टर्म्स चाहिए। जैसे ही कन्वर्ट करोगे, आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। दैट्स इट। अब बताओ, पड़ोसियों की मदद चाहिए थी? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ही नहीं थी। बी वाला ज्यादा खूबसूरत है, वहां बच्चे एक गलती करते, बता देता हूं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। बच्चे अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें पहले क्या आना था, राइट? तो सही बताऊं तो उस पर फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, ए वाला पहले लिख लो या बी वाला पहले लिख लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसी को अगर आप साइन स्क्वेयर में लिख दो वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, और इसको लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी, सॉरी कॉस स्क्वेयर बी, तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, पॉइंट इज कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आना है। ए बी जैसे मर्जी लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? ए बी का कोई रोल ही नहीं है यहां पे। क्या बात है। लो भैया आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टैन, स्टैंडर्ड वैरायटी है, डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं, इसका यूज भी होता है, और इस वैरायटी का यूज ट्वेल्थ में भी होने वाला है, एक बहुत ही अच्छी शक्ल में, जो कि मैं बता भी दूंगा आपको इस सवाल के बाद। वैरायटी क्या होती है सुन लो, वैरायटी क्या है, अपने पास क्लाउड बना के लिख भी लेना। टैन में एक रिलेशन प्रूव करने को बोला होगा, और जो एंगल्स होंगे ना उनमें एक खूबसूरती होगी। एंगल्स में खूबसूरती देख पा रहे हो? टैन में एक रिलेशन प्रूव करने को बोला होगा और जो एंगल्स हैं उनमें एक खूबसूरती होगी। यहां पे एंगल्स जो बैठे हैं ए टू ए थ्री ए, इनमें एक खूबसूरती दिख रही है, बहुत बढ़िया। सर ए प्लस टू ए जो है वो थ्री ए के बराबर है, सर ये खूबसूरती है। बस यही करना है, खूबसूरती को पहले लिख देना है, एंड दोनों साइड टैन अप्लाई कर देना है, दोनों साइड टैन अप्लाई कर देना है। और अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, टैन का फॉर्मूला लगा दो, सवाल खत्म। टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। क्या देख पा रहे हो? जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो चाहिए वो बन गया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। अब यहां पे ना, इससे पहले कि मैं दूसरा पार्ट करवाऊं इसका, एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन, वो काम आएगी आपके ट्वेल्थ में। सर पहले इलेवन तो करने दो। बट स्टिल चलो, ऑब्जर्वेशन ये है, जब सिचुएशन ऐसी हो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कहां गया, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आपके टैन का रिलेशन ऐसा आता है, आप देख भी लो चाहे, टैन थ्री ए टैन टू ए टैन ए, इनका प्रोडक्ट इज टैन ऑफ सबसे बड़ा एंगल माइनस टैन ऑफ छोटा एंगल माइनस टैन ऑफ छोटा एंगल। टैन का प्रोडक्ट टैन ऑफ सबसे बड़ा एंगल माइनस टैन ऑफ छोटा एंगल माइनस टैन ऑफ छोटा एंगल, राइट? तो ये हमें एज अ रिजल्ट दिमाग में बिठा लेना है, जब भी ए इक्वल टू बी प्लस सी होगा तो टैन ए टैन बी टैन सी जो है टैन ए माइनस टैन बी माइनस टैन सी आएगा, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी वो जो इतना टॉपर्स क्लास के खतरनाक सवाल कर देते फटाफट हमारे दिमाग में नहीं आते, वो इसीलिए क्योंकि ऐसी कुछ बातें हमने दिमाग में रखी नहीं होती, आज बता रहा हूं रख लो, ये वैसी चीज है एक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हें एंगल्स में कोई खूबसूरती दिख रही है? मुझे एक खूबसूरती दिख रही है, यहां जो दो एंगल बैठे हैं ना उनका सम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेरा मतलब है स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल। लव यू टू शेरा, गॉड ब्लेस यू। तो बस मेरे को तो यही चाहिए, जब भी टैन में रिलेशन पूछा हो, एंगल्स में खूबसूरती हो, खूबसूरती लिख दो और टैन अप्लाई कर दो।
tan अप्लाई कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा जी tan ऑफ a प्लस b लगा दो, सवाल खत्म। tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, हाँ जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। आई शाबाश, और फटाफट लाइक्स टपा दो और चैट में एक बार प्यार से मेरा भाई लगा दो, बड़े टाइम बाद लाइव क्लास लेने आया हूँ, एक बार चैट में हो जाए हैशटैग मेरा भाई फटाक। अरे क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, शाबाश शाबाश मैं चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू, मजा आ जाता है, क्या फुल ऑन एनर्जी आती है ना, मतलब अलग ही फील आ जाती है, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, आई विल गेट लिटल स्लो, ओके ओके, क्या बात है, ओह हो 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 हो, आग लगा दिया, बहुत बढ़िया शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो फिर से वही बात, जब तुम्हें किसी भी सवाल में लगे ना कि मैं थोड़ा सा अटक गया हूँ, एक बार अपनी ज़रूरत को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, दिखाता हूँ अभी, आओ। मुझे पूछा गया ऐसा कुछ, सबसे पहली बात उसने एंगल्स में खूबसूरती दी हुई है, एंगल्स में खूबसूरती दी हुई है, पिछले सवालों से ये आसान है क्योंकि पिछले सवालों में मैं खूबसूरती को खुद से ऑब्जर्व कर रहा था कि 3a जो है a प्लस 2a के बराबर है, 7164 का सम अच्छा है, खूबसूरती ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ खूबसूरती उसने दी हुई है, फर्क कितना है कि tan की बजाय cot का रिलेशन पूछा है, थिंग्स डजंट चेंज। अरे tan cot भाई भाई ही तो है, अप्रोच रिमेन सेम, पिछले सवाल में क्या करते थे, tan में रिलेशन पूछा होता था, एंगल में खूबसूरती थी, खूबसूरती लिखते थे tan अप्लाई करते थे, खूबसूरती लिखी है cot अप्लाई कर दो और फिर तुम फंस जाओगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a। अब यहां पे आके तुम्हें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बात नहीं बनेगी, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दोगे बट वैसा कुछ नहीं बन पाएगा, और वहां पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा अपनी जरूरत को, यानी कि भैया पूछा क्या है, तुम्हें ये चीज यहां से आगे तंग करेगी अगर तुम यहीं से आगे चलने की कोशिश करोगे, रुक जाओ थम जाओ, जो पूछा गया है उसको आसान भाषा में लिख लो, cot a cot b माइनस cot a माइनस cot b। अब देखो सवाल कितना आसान, प्लस वन भी है, अब देखो सवाल कितना आसान है, यस और नो, नाउ इशू आर लाइक अरे कुछ भी तो नहीं बचा, यहां से ये सोचना कि इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कैसे लेके जाऊं मुश्किल है, टाइम लग जाएगा, बट अगर मैं इसको तोड़ के लिख लूं अब मेरे को यहां से देखना बहुत आसान है, भैया मुझे cot a cot b एक साइड माइनस cot a माइनस cot b, तो इनको इधर ले आता हूं, cot a cot b माइनस cot a माइनस cot b माइनस वन इक्वल टू जीरो, मुझे क्या पूछा है प्लस वन, तो अगर प्लस वन क्रिएट करना है तो दोनों साइड क्या कर दूंगा प्लस टू प्लस टू, सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया टू, माइनस वन प्लस टू क्या बन गया प्लस वन, इधर क्या जीरो प्लस टू टू, तो आंसर क्या आ गया टू, सवाल का पर्पस समझ गए हो, हर बार ना शक्ल को क्रिएट नहीं करना होता, उस शक्ल को पहले सिंप्लीफाई करके देख ही लो पूछा क्या है, सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा, ऑब्जर्व करना होता पूछा क्या है, बहुत बढ़िया, जरूरत को ही आसान बना लो ना यार। देन कम्स मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये बहुत जगह आएंगे, बहुत जगह लगते रहेंगे, लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे। अरे नो हिमांत, नो नो, ऐसे कैसे पुट कर देंगे बेटा, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी सवाल। ओके, डबल एंगल फॉर्मूले है ना, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टैन टू थीटा क्या होते हैं ना, इस सवाल में इस फॉर्मूले में किया क्या जाता है, पहले पर्पस समझ लो, हम एंगल और उसका डबल एंगल, इसमें रिलेशन ढूंढना होता है हमें, एंगल और डबल एंगल, जैसे कि हम कहते हैं साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, पर्पस ये नहीं कि आपने इसको टू साइन कॉस में लिख दिया, पर्पस है कि आपने टू थीटा और थीटा का आपस में रिलेशन ढूंढा है, तो कभी भी साइन टू थीटा को
थीटा में लेके जाना पड़े तो आप ऐसे लेके जा सकते हो। सिमिलरली कॉस टू थीटा को अगर थीटा में लेके जाना पड़े तो ऐसे लेके जा सकते हो, और कभी भी टेन टू थीटा को लेके जाना पड़े थीटा में तो ऐसे लेके जा सकते हो। सर ये आए कैसे बेटा, यहीं से आए हैं, एक्स और वाई को थीटा थीटा डाल दो, साइन ऑफ टू थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो इन्हीं में अगर आप x इक्वल टू वाई को थीटा डाल दोगे तो ये वाली शक्लें क्रिएट हो जाएंगी बड़े आराम से। छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आपने बुक्स में देखा होगा इसको, तो वहां पे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल लिखा होता है, डरना नहीं, राइट। जब आप यहां से इधर चले जाते हो तो आप कहते हो मल्टीपल एंगल, जब इधर से इधर आते हो तो सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल यानी कि आप डबल में जा रहे हो या ट्रिपल में जा रहे हो, सब मल्टीपल यानी कि आप हाफ में आ रहे हो। तो एक ही फॉर्मूला है, किस साइड पे लगा रहे हो उसके हिसाब से नाम रख दिए, तो डरना नहीं है। ओके सर, इनकी पहले बात करें अगर सवालों में, थोड़ा बहुत एक दो सवाल में लगा के देख लेते, कंफर्टेबल हो जाते। आओ अब ये एक सवाल आया, फॉर्मूले जब आपको लगा लगा के याद होते हैं, शक्लें याद होती तो जाके सवाल में स्ट्राइक करना शुरू होता है प्रोसीड कैसे करना है। बट 99% केसेस में आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो एंगल से मिलेगी। प्रेजेंटली आपका लेफ्ट हैंड साइड किस चीज में है सर, थीटा में है, और राइट हैंड साइड किस में है सर, टू थीटा में है। तो पहले ही सोच लेना कि आपको एंगल पे फोकस करना है, लेफ्ट हैंड साइड। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं टू थीटा कैसे क्रिएट करूं, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मैं कॉट टू थीटा कैसे क्रिएट करूं। ना, एक चीज, टू थीटा कैसे क्रिएट करूं। अगर ये फॉर्मूला मुझे याद हो चुका है तो क्या मुझे यहां पे कोई भी रोक सकता है इस चीज को लिखने से, बताओ, कोई भी रोक सकता है? क्योंकि मुझे पता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है यहां पे, क्योंकि मुझे टू थीटा दे देगा। और अगर नीचे टू लगा दूंगा तो नीचे भी टू थीटा मिल जाएगा, फिनिश्ड। मेरा फोकस था कहां से टू थीटा बनाऊं, फिर से कह दूं, मेरा फोकस है कहां से टू थीटा बनाऊं, कहां से कॉट टू थीटा बनाऊं, ये मेरा फोकस नहीं है, वो अपने बन जाएगा। टू थीटा कहां से बनाऊं, फोकस वहां पे है। सवाल को देखो, आपको a माइनस, अच्छा पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इफ साइन ऑफ a माइनस बी इज 1/√10, कॉस ऑफ a प्लस बी इज 2/√29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। शाबाश, जरा करिए फाइंड, सवाल को देखिए। एक मिनट जरा मैं एक सेटिंग कर लूं, थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया मेरा। ओके, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। तो साइन ऑफ ए माइनस बी पता है, कॉज ऑफ ए प्लस बी पता है, यानी कि मुझे ए माइनस बी के बारे में काफी कुछ पता है और ए प्लस बी के बारे में बहुत कुछ पता है। साइन टू ए कॉज टू ए पूछा, टेन टू ए पूछा, ए बी दिए हुए 0 से π/4, यहां पे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ए और बी जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। मेरी बात ध्यान सुनना, ए माइनस बी और a प्लस बी से क्या मैं 2a बना सकता हूं, जरा बताइए चैट में। a माइनस बी और a प्लस बी से क्या मैं 2a बना सकता हूं? हाँ सर, इनका एडिशन अगर पता है तो फिर डर क्यों रहे हो बेटा? साइन 2a चाहिए था, अब साइन लगा दो, साइन 2a हो गया, इसे x बोल दीजिए, y बोल दीजिए, x प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई,
क्या ये सारी वैल्यूज मेरे को पता है? सर ये वैल्यू तो रेडीमेड दिख रही है, 1/√10, वेरी गुड। सर कॉस ऑफ ए प्लस बी भी रेडीमेड दिख रहा है, वेरी गुड। सर जी इधर दिक्कत है, क्या दिक्कत है? क्या चैट में बताओ, क्या ये क्या दिक्कत है मेरे लिए? मुझे तो नहीं लगता दिक्कत है, मुझे तो दिक्कत नहीं लग रही। क्या मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी से साइन ऑफ ए प्लस बी निकाल सकता हूं? सर क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। अरे पता तो है, क्या तुमको ए और बी नहीं पता कहां बैठे हुए हैं? ए प्लस बी जो आएगा 0 से π/2 ही तो आएगा, दोनों ही 0 से π/4 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी कि पॉजिटिव होने वाला है, तो साइन का पंगा तो है ही नहीं, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 1 − √ करके रूट ले लो या ट्रायंगल बना लो जो तुम्हारा मन करे, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो बेस हाइपोटेन्यूज तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया प्लस √5/√29। अब थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मुझे ट्रायंगल तो पता है साइन ए माइनस बी वाला 1√10, तो ये तो 3 है, तो मुझे कॉस की रेशो तो पता है, रेशो तो आ गई 3/√10, बट साइन कैसे देखूं कि प्लस आना या माइनस, क्योंकि जैसे ही मैं ए माइनस बी करता हूं, भैया अगर ए और बी दोनों 0 से π/4 हैं तो ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू −π/4 आ सकती है, जब ए मिनिमम 0 बन जाएगा और बी π/4 बन जाएगा, तो ए माइनस बी मिनिमम −π/4। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हो, बट अगर मैक्सिमम बात करें तो π/4, जब ए बनेगा π/4 और बी बनेगा 0, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी जा रहा है। अब इसका साइन कैसे फिक्स करूं, कहां गया भैया ये? सर जी चिंता ही नहीं है, फोर्थ और फर्स्ट दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, लो कर लो बात, टेंशन ही नहीं आई। प्लस मैं तो आगे तक सोच लिया था, मैंने तो सोच लिया था भैया साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है ए माइनस बी पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होना पड़ेगा, साइन पॉजिटिव है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता था, मैं तो यहां तक प्लान करके बैठ गया था, ये तो आसान निकला बे, तो सारी वैल्यूज पता है, सवाल खत्म हो गया। सिमिलरली कॉस 2a, वहां पे कॉस अप्लाई कर देंगे, सिमिलरली टैन 2a टैन अप्लाई कर देंगे। जरूरत को समझो, जरूरत क्या है, उसे कहां से क्रिएट किया जाता है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे एडवांस में सवाल आया था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे आपको साइन, देखो अल्फा बीटा −π/4 से π/4 दे दिए गए, साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 दे दिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 दे दिया, और इसके बारे में कुछ पूछ लिया, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। अब सबसे पहला ख्याल तो एलसीएम आता है, आप जब सीधा एलसीएम लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ अजीब सा ही बन गया है, यानी कि आपको रियलाइज होगा कि सीधे एलसीएम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा पेयरिंग कर लेते हैं, अकल से पेयरिंग करके एलसीएम लेते हैं। पहले आप एलसीएम सीधे ही लोगे, हर बंदा वैसे ही लेता है, इट इज ओनली आफ्टर टेकिंग डायरेक्ट एलसीएम यू रियलाइज कि कुछ अजीब सा बन गया है, गंदगी आ गई है, फिर आप अकल से एलसीएम लेंगे। अगर मैं पहला और तीसरा टर्म एक साथ रखूं जब तक मैं अगले दो लिख रहा हूं, क्या तुम यहां पे एलसीएम बहुत खूबसूरत है, उस एलसीएम लेके बहुत खूबसूरत चीज बन रही है ये देख पा रहे हो? जब तक मैं अगला लिख रहा हूं इसका एलसीएम दिमाग में करो और देखो कि ओवरऑल बहुत खूबसूरत चीज बन रही है, देख पा रहे हो पूरे का स्क्वायर भी है। चलो यस सर, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बे, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, इसको अगर 2 मिल जाएगा तो ये साइन 2 बीटा बनेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन बीटा कॉस बीटा,
ये तो बन गया साइन टू बीटा। अगला इज नो डिफरेंट, फिर से ऊपर बन रहा है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, नीचे बन रहा है साइन ऑफ टू अल्फा अगर टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो मुझे लगता है सिचुएशन बहुत ही प्यारी बन चुकी है। मुझे तीन वैल्यूज चाहिए, उनमें से एक वैल्यू तो मेरे को पता है, जो दूसरी वैल्यू है और तीसरी वैल्यू है, डू यू एग्री, पिछले सवाल जैसी डिट्टो सेम है। टू बीटा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और अब लगा देंगे साइन। टू अल्फा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। और अब लगा देंगे कॉस, एग्जैक्टली पिछले सवाल जैसा सवाल बन गया। बहुत खुशी होगी मेरे को, तुमको भी, अगर एक बार सेशन के बाद पहले इस सवाल को तुम खुद डिटेल में करो, फिर साथ के साथ इस एडवांस के सवाल पे हाथ चलाओ और नजारे लो। दैट्स इट। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि आपको इसकी जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है फिर। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना भूल गए हो, इस वैल्यू को स्क्वायर करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बताना है आपको। हाँ, ऑफकोर्स ट्रिग्नो इज रेयर इन एडवांस। ओके, अब आते हैं आगे। कॉज टू थीटा ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी शक्लें बहुत सारी बनती हैं। एक तो इसकी बनी बेसिक शक्ल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं पे इसमें अगर तुम साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये पूरे का पूरा कॉस स्क्वायर में आ जाता है। तो इसकी शक्लें बहुत बन जाती हैं, इसी करके इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, जिसकी शक्लें ज़्यादा हैं उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि वो मैनिपुलेशन में अलग अलग तरीके से यूज होगा। इसमें से ये वाली जो शक्ल है, जरा इस पे फोकस करना, ये शक्ल पे फोकस करो। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। लिख सकता हूं, हाँ सर, 1 को इधर लेके आए हो और तो क्या ही किया, कोई ज्यादा हाई फाई मैथ नहीं है। बिल्कुल बेटा, यही किया मैंने। जरा इस शक्ल को देखो, इस शक्ल को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर, कॉस 2 थीटा को इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर को उधर ले गए, लिख सकते हैं सर। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर मुझे एक दो शक्लें याद करवानी हो तो वो ये दो शक्लें हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट है। जहां भी तुम्हें 1 प्लस कॉस दिख जाएगा उसे 2 कॉस स्क्वायर इसका हाफ एंगल लिख देना, सवाल निपट जाएगा। जहां भी तुम्हें 1 माइनस कॉस दिख जाएगा उसे 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ एंगल लिख देना, निपट जाएगा। भैया कॉस 2 थीटा को ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा सवालों में, ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, बट इस शक्ल को जो कि यहीं से बनाई गई है बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये दो शक्लें हैं जो आपको याद करनी है, सबसे ज्यादा पी जानी है। पी मतलब बुरे हाथ से पी जानी है। 1 प्लस कॉस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इससे पहले कि मैं अगले पे जाऊं जो अगेन इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सवाल को देखो, जैसे ये सवाल मेरे सामने आएगा, सबसे पहला फोकस, भाई ने कहा था कि फोकस एंगल पे करना है यार, इधर 2 थीटा इधर थीटा है तो मुझे ना थीटा में लेके जाना है सबसे पहला फोकस। ओके, दूसरी बात, भाई ने कहा था जहां पे भी 1 माइनस कॉस दिख जाए उसको 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल लिख देना, और क्योंकि मुझे थीटा में ही जाना है तो मैं नीचे भी चीजों को थीटा में ले आऊंगा, इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता जवाब देने से। साइन बाय कॉस इक्वल टू टैन, पहला फोकस 4 थीटा से 2 थीटा में जाना है। दूसरा, भाई ने कहा था जहां भी 1 प्लस कॉस दिखे उसको 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल लिख देना,
अब नीचे भी मैं 2 थीटा को क्रिएट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे 2 थीटा में ही जाना है, और अब मेरे को आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता, cot 2 थीटा, गॉड ब्लेस यू, नथिंग चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मुझे थीटा से थीटा बाय 2 में जाना है, हाफ एंगल में जाना है, ओके। दूसरा भैया, भाई ने कहा था 1+cos जहां भी दिख जाए उसको 2cos² हाफ एंगल लिख देना, लिख दिया, और क्योंकि मुझे हाफ एंगल में जाना है तो मैं साइन थीटा को भी तोड़ दूंगा, कट 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 कट, tan थीटा बाय 2, बहुत बढ़िया। ये तुम बचपन से करते आ रहे हो, बट इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं वो सुन लो। ऑफ कोर्स इस स्क्वायर को ओपन करो, ये रेडीमेड बन जाता है, बट असली चैंपियन वो निकलेगा जो जरूरत पड़ने पे इसे इस ऑर्डर में लगा पाएगा, यानी कि सवाल में 1+sin 2θ लिखा होगा और वो सोच पाएगा कि इसको ना cos θ + sin θ का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ध्यान से देखना, ये सवाल तुम्हें मैं मानूंगा कि तुमने अब तक बातों को सही से सुना है, अगर तुम इस सवाल में इस तरह से प्रोसीड करोगे। बात इस सवाल को कर पाने की नहीं है, मुश्किल सवाल नहीं कह रहा मैं, किस ऑर्डर में सोच रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुमने ये एनालाइज किया कि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये स्टैंडर्ड शक्ल याद है, मुझे ये फाइनली क्रिएट करना है। फिर तुमने फोकस किया यहां पे कि यार मुझे थीटा में जाना है, 1+sin 2θ को मैं लिख सकता हूं cos θ + sin θ होल स्क्वायर, इसको थीटा में लेके जाना है और यहां पे ये बैठा हुआ है तो नीचे cos²θ - sin²θ लिख देता हूं, नीचे cos + sin ऊपर के cos + sin से कट जाएगा। सवाल में थोड़ी सी गलती मैंने कर दी ऊपर लिखने में, +θ। अब इसके आगे तो पता ही है, समझ रहे हो, cos + sin × cos − sin, cos + sin कट गया, इसको ऐसे लिख पाए, बस ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो इसमें ना उल्टे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा जरा इस सवाल को देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सबसे पहला फोकस आपने किया कि यार हमें 8θ और 2θ में जाना है, कुछ समझ नहीं आया, उधर भी 8θ, इधर भी 8θ, 2θ जरूर अलग दिख रहा है, बट एनी हाउ क्योंकि secant स्क्वायर नहीं है तो tan स्क्वायर टाइप सीधे तो बनेंगे नहीं, तो ठीक है फिर इसको sin cos में तोड़ के कोशिश की हमने, 1 cos 8θ - 1 upon 1 cos 4θ - 1, ऐसे कोशिश की और कुछ समझ नहीं आ रहा था, LCM लिया तो 1 cos 8θ - 1 cos 4θ। अब यहां पे मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अगला स्टेप मुझे बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुमको बता दिया है जब भी एक चीज दिखती है तो क्या किया जाता है, कुछ नहीं सोचना, और जैसे ही मुझे ये दिखा भैया मैं ना आव ना ताव मैं इसको लिख दूंगा 2sin²4θ, 2sin²2θ, ये मैं लिख दूंगा और फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। ये एक्स कहां से आ गया भाई, ओहो आजा आजा गुस्सा नहीं खाना, ओके बहुत बढ़िया। अब हम सोचेंगे कि यार जो बनाना था 8θ बनाना था,
यार यहाँ पे साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा बैठे हुए हैं, इनको जोड़ के 8 थीटा बना देता हूँ मैं। तो मैंने एक साइन 4 थीटा लग रखा और दूसरे को जोड़ दिया कॉस के साथ, ठीक है जी, सिर्फ क्योंकि मुझे ऊपर 8 थीटा चाहिए था, बस यही मेरी मोटिवेशन थी। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू 2 बना क्या साइन 8 थीटा। ओके नीचे एक साइन 4, हाँ नीचे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा बैठा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। डू यू एग्री? ये तो आपस में खुश होके पहला टर्म दे चुके हैं मेरे को, पहला टर्म दे चुके हैं, इसकी टेंशन नहीं बची मेरे को। अब बाकी पार्ट को देखते हैं, बाकी में क्या कर सकते हैं। कितनों को दिख रहा है कि यहां पे क्या करना चाहिए? फोकस सही जगह पे रखना। अब रिक्वायरमेंट बची है 2 थीटा की, अब रिक्वायरमेंट बची है 2 थीटा की। सर इसको ना 2 थीटा में तोड़ दो क्योंकि रिक्वायरमेंट ही 2 थीटा की है। सर बिल्कुल सही बोला सर जी, अब कैंसिल कर दो। कट 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 बन गया राइट, कॉट 2 थीटा जैसे कि 1/tan 2 थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो दैट इज हाउ यू थिंक कि सवाल कैसे करना है, और ट्रिग्नो में यही मैटर करेगा। अब आती है वो लास्ट शक्ल की बारी। ये शक्ल कम यूज होगी बट जहां यूज होगी ना अगेन स्टैंडर्ड है। जब भी हमें ना 2 थीटा से थीटा में आना होता है ना, हम ऐसे चलते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। किसी भी सवाल में अगर थीटा से 2 थीटा में जाना होगा, यानी कि आपको साइन थीटा पता है और आप 2 थीटा में जाना चाहते हैं, कॉस थीटा पता है आप 2 थीटा में जाना चाहते हैं, तो हमेशा यहां से जाना है। यहां से आप कॉस थीटा को कह सकते हैं 1 cos 2θ / 2√±। यहां से जाना है, यहां से साइन थीटा को कह सकते हैं ±1 cos 2θ / 2। वर्ड्स पे फोकस करिएगा, थीटा से 2 थीटा में जाना है तो यहां से जाना है हमेशा। ओके जैसे कि अगर साइन 22.5 पूछ लिया मुझसे, 22.5 अच्छा नहीं एंगल, और ना ही मैं इसको दो अच्छे एंगल के सम या डिफरेंस में लिख सकता हूं, बट इसका डबल बहुत अच्छा है 45 क्या मत एंगल है। हाँ सर, तो इसको 2 थीटा में लेके जाना है, तो थीटा को अगर 2 थीटा में लेके जाना है तो वहां से लेके जाना है ±1 cos इसका डबल बाय 2। अब cos 45 मेरे को पता है वैल्यू, डाल दो। सिमिलरली आपको cos 22.5 पूछ लिया, जब भी डबल में जाना है तो यहीं से जाना है, 1 cos इसका डबल बाय 2। अब cos 45 पता है, वैल्यू डाल दी, ठीक। सवाल को पढ़ो, पहली चीज बताओ दिमाग में क्या आ रही है, बायस्ड नहीं होना। पहली चीज देखो सवाल को देख के क्या दिखता है, सबसे पहली चीज सही चीज बताना। सबसे पहली चीज क्या दिख रही है? मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर तुमने ये बोल दिया सर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल है सर, देख पा रहे हो सर, ये ना -cos π/8 के बराबर है सर, ये ना -cos 3π/8 के बराबर है। बोला है सबने? बोला है शाबाश सर, सप्लीमेंट्री है, बहुत बढ़िया। 1 cos π/8, 1 cos π/8, तो 1 cos²π/8, 1 cos 3π/8, 1 cos 3π/8, 1 cos²π/8, बहुत बढ़िया चैंपियंस, दिल खुश कर दिया यार। तो ये बन गया साइन स्क्वायर, और अगला स्टेप अब तुम सोचो, जो वैल्यू तुमको पूछी गई है जरा ऑप्शंस देखिए, सारे अच्छे अच्छे से कुछ वैल्यूज दिए हुए यहां पे। पाई बाय 8 खूबसूरत नहीं होता, पर पाई बाय 8 का डबल पाई बाय 4 बहुत खूबसूरत होता है। जब भी डबल में जाना होता है तो कैसे जाते हैं सर जी? यहां से जाते हैं,
यहां से इधर की ओर। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। बोलो आए नजारे। साइन स्क्वायर थीटा आप में बैठे हो, 2 थीटा में जाना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। सवाल खत्म। माइनस 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। इस तरह से सोचना है आपने। गॉड ब्लेस यू शेरा, लव यू टू शेरा। बहुत बढ़िया। ये सवाल यही मेन में आया था इस बारी 2020 में। देखने में अजीब लग रहा है, महा घटिया सवाल है। दिल तो कर रहा होमवर्क दे दूं। क्यों? यहां देखोगे तो बहुत गंदगी है, बट रिक्वायरमेंट में देखोगे तो बहुत खूबसूरती है। जरा रिक्वायरमेंट देखिए, आपको आंसर पाई बाय 8 में लेके जाना है, बस इतना पूछा गया है। पाई बाय 8 में लेके जाना है। तो अगर आप यहां पे देखें, क्या इस पाई बाय 16 को पाई बाय 8 में लिख सकते हो? जरा बताओ, क्या आप पाई बाय 16 को पाई बाय 8 में लिख सकते हो? ये दूसरी टर्म तो खुश है, वो तो पहले से ही पाई बाय 8 है। हाँ सर, डबल एंगल में लेके जाना है सर। जब भी डबल एंगल में लेके जाना है सर, यहीं से लेके जाना है, हमेशा यहीं से। इसको इधर लगा देना है हमने, तो बस ले जाओ डबल एंगल में। जैसे रिक्वायरमेंट पे फोकस किया, सवाल हो गया आसान। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 8 बाय 2। ठीक है जी, साइन स्क्वेयर पाई बाय 8, क्योंकि ऑप्शन में यहां पे साइन स्क्वेयर की टर्म नहीं है, तो इसको भी डबल में ले जाओ। 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाय 2, खत्म, फिनिश। ऐसे ही आप m को भी लिख लो। कॉस स्क्वेयर पाई बाय 16 डबल में ले जाओ, 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 बाय 2 माइनस, इसको डबल में ले जाओ, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 बाय 2। सबको समझ आ गया, डबल में जब भी लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है? सबको समझ आ गया? अब देख लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका एक आंसर डायरेक्ट मैच कर जाएगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करनी। जैसे ही आप इसको डबल एंगल में लेके जाएंगे, जो आंसर आएगा वही आपकी ऑप्शन में रेडीमेड बैठा हुआ है। हो गया सर, शाबाश। ये एक ऐसा तरीका है, जैसे मैंने क्या बताया अभी, साइन थीटा या कॉस थीटा को अगर 2 थीटा में लेके जाना होता है तो कैसे लेके जाते हैं, राइट? सिमिलरली टैन थीटा को अगर 2 थीटा में लेके जाना है तो ये करना है। लगा लो, लिख लो, tan थीटा को अगर 2 थीटा में लेकर जाना है, याद रख लो ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ऐसे लेके जाना है। तो अगर मुझे tan 22.5 पूछा गया है, मुझे पता 22.5 अच्छा नहीं होता, पर 45 बहुत अच्छा है, डबल बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इसको 2 थीटा में ले जाऊं। ले जाओ, 1 माइनस कॉस इसका डबल एंगल अपॉन साइन इसका डबल एंगल, ये दोनों मेरे को पता है। सवाल खत्म हो गया, ये रहा आपका आंसर। तो आज के बाद सवालों में ध्यान रखना, जब भी डबल एंगल में लेके जाना है, साइन कॉस को उस एंगल फॉर्मूले से लेके जाना है, टैन को ऐसे लेके जाना है। ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है बुरे हाल से, वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो चीजें जो आपकी सवालों में स्पीड बढ़ाएंगी, और आपको पता लगेगा कैसे सवालों को ऐसे निपटाया जाता है, राइट? अब ये क्या है जो लिखा है ना, ये ऐसे याद करना है। सुन लो, साइन 2 थीटा को अगर थीटा में लेके जाना है तो क्या दिमाग में आता है? सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड। कॉस 2 थीटा को अगर थीटा में लेके जाना है तो क्या दिमाग में आता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। साइन 2 थीटा को अगर टैन थीटा में लेके जाना है, आई एम नॉट सेइंग थीटा, आई एम सेइंग टैन थीटा में लेके जाना है, तो ये लगाना है। कॉस 2 थीटा को अगर टैन थीटा में लेके जाना है तो ये लगाना है। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा, वैसे तुम्हारा होमवर्क है ताकि तुम इसको खुद करो, पर मैं उसका हिंट दूंगा आपको अच्छे से। तो ये लगाना है। ये कब लगाना है? जब साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा को टैन थीटा में लेके जाना है। जैसे कि जरा ये सवाल देखो, If 2 tan alpha is 3 tan beta, then show that ये इसके बराबर है। मैं कर देते हैं शो, कौन सा मुश्किल काम है। सबसे पहले मुझे ये बताओ,
क्या तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को टैन बीटा में लिख सकते हो? पूरे एक्सप्रेशन को अकेले टैन बीटा में लिख सकते हो? यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन टैन अल्फा को टैन बीटा के टर्म्स में लिख दो, टैन अल्फा को लिख दो 3/2 टैन बीटा, लिख सकते हो? हाँ सर, टैन अल्फा को 3/2 टैन बीटा डालेंगे तो ये पूरे का पूरा टैन बीटा में आ जाएगा। अब जरा राइट हैंड साइड पे फोकस करो, तुम्हारे पास है साइन 2 बीटा कॉस 2 बीटा, तुम्हें क्या चाहिए? टैन बीटा। तुम्हें क्या चाहिए? टैन बीटा। अभी क्या बताया? साइन 2 थीटा से टैन थीटा में कैसे आते हैं, कॉस 2 थीटा से टैन थीटा में कैसे आते हैं, तो लगा देना यार, जहां भी साइन 2 बीटा है 2 टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर बीटा प्लस 5 माइनस, जहां भी कॉस 2 बीटा है 1 माइनस टैन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टैन। जैसे ही एलसीएम लोगे डू यू एग्री, ये भी पूरा टैन बीटा में आ जाएगा। तो भाई ये पूरा टैन बीटा में आ ही जाएगा तो इससे अलग थोड़ी आएगा, दोनों को बराबर ही तो दिखाना था। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही है बेटा, तुम्हारे लिए ही सेशन है, इसे आपने खुद करना है विद द आइडियोलॉजी जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ओके, उस थॉट के साथ खुद करना है इसको। बहुत बढ़िया। अब ये रही वो सारी शक्लें जो कहने को तो सवाल होते हैं आपकी बुक में, बट अगर तुमको याद कर लोगे, याद मतलब इनको 2-3 बार करके ना पी जाओगे, तुम्हारे 90% ऑफ क्वेश्चन जिनमें तुम बीच में अटक जाते हो कि यार अब क्या करना है, या ऐसे सवाल जहां पे स्टार्टिंग समझ नहीं आती, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये 10 की 10 शक्लें हम कर चुके हैं आज के सेशन में, कर चुके हैं, सारे प्रूव कर चुके हैं, पर इनको खुद से ओरली 2-3 बार प्रूव कर लेना है। इसका एक यूज मैं दिखा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इनको याद करने का फायदा क्या होगा। मैं इसका एक फायदा दिखा रहा हूं कि अगर आपको ये याद है, ये शक्ल अगर याद है, तो सवाल में फायदा कैसे होगा ये बताने लगा हूं। ओके बेटा, ये आपको मिल ही जाएगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना बाद में। मेरे पास सवाल आया ये, ठीक है जी, मुझे टैन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू एन टाइम टैन ऑफ अल्फा माइनस थीटा दिया हुआ था, और मुझे रिक्वायरमेंट थी ये प्रूव करने की, ये प्रूव करना है। सबसे पहला थॉट जो आया वो n माइनस वन और n प्लस वन को देख कर आया, कि क्यों ना इस n को एक साइड पे छोड़ दूं, और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, या मेरे पास n बाय वन बैठा है, मुझे n माइनस वन अपॉन n प्लस वन क्रिएट करना है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से होगा, तो मैंने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिया, और अब होगा वो कमाल जिससे तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि इसको याद रखने का फायदा क्या है। तो ये बन गया ऐसा, थोड़ी सी देर के लिए जरा लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करिए, टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन टैन एक्स प्लस टैन वाई, सिंपली इसका उल्टा नहीं लिखा हुआ, सिंपली इसका उल्टा, हाँ तो इधर उल्टा हो जाएगा, हाँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर तुम्हें मैं एक कहूँगा सेम बना देता हूँ ताकि तुम्हें उल्टा भी ना करना पड़े, काय को उल्टा करना है, रुको काय को उल्टा करना है, हम सीधे ही रखते हैं प्लस माइनस, अब देखो हम उल्टा भी नहीं करेंगे, टैन एक्स प्लस टैन वाई, टैन एक्स माइनस टैन वाई किसके बराबर होता है? साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, सीधे अगर लिख दूं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 2 अल्फा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई 2 थीटा, सवाल ओवर। अदरवाइज आप यहां से ये क्रिएट करने के लिए कम से कम 30-40 सेकंड सोचने में लगाएंगे, और अनदर 30-40 सेकंड उसको लिख के करने में लगाएंगे। पहले तो यार ये मिला है, चाहिए कुछ ऐसा था, पहले तोते उड़ जाएंगे, शक्ल अच्छी नहीं है बेटा, खूबसूरत नहीं है।
चलो कॉन्फिडेंस आ भी गया कि साइन कॉस में तोड़ देते हैं क्योंकि साइन कॉस की टर्म चाहिए, तो उसको लिखने में टाइम लग जाएगा। गॉट इट? ठीक बेटा, कंपोनेंट डिविडेंड हो, सी एंड डी कंपोनेंट डिविडेंड हो, ओके। अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, जो इधर किया सेम इधर कर दो, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होता है। ये फायदा है इनको याद करने का, ये मैंने एक का फायदा बताया, ऐसे इन सब का फायदा जगह जगह पे होगा। तो इन सब शक्लों को ना पी जाना है, अपने सामने लिख के लगा लो और पटाख से खत्म कर देना है। देन कम्स ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, जो कि उतने ज्यादा नहीं रेलेवेंट, मतलब यूज होते जितने डबल एंगल होते हैं, बट यह समय याद होने चाहिए। साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा, साइन और कॉस के फॉर्मूले में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी बहुत होता था, बट मैंने एक याद कर लिया है तो दूसरा एग्जैक्टली उसका उल्टा है। मैंने साइन याद कर लिया है कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो कॉस वाला उल्टा है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, एक याद कर लो उस दूसरा उल्टा ही है। टेन थ्री थीटा अगेन याद तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इनका यूज़ एज सच बहुत ही कम जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आए, सवाल आए, एक मैं कराऊंगा भी पी वाई कभी, अच्छा सवाल आया था, बट हाँ वैसे कंपैरेटिवली कम यूज़ होते हैं। ट्रिपल एंगल को लेके दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, ये बेसिकली फॉर्मूले ही हैं, रिमेंबर एज फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले जिनके ऊपर जेई मेन में डायरेक्ट सवाल आ चुका है, एक लाइन का फॉर्मूला लगाया आंसर खत्म। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1 बाय 4 साइन 3 थीटा, ठीक है। कहने को आपकी बुक्स में सवाल होता है जिसे कि प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका यहां से है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर ए 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओपन करिए और आपको फीलिंग आ जाएगी कि सवाल तो हो गया। यही तो होता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं है, बट इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और सेम फॉर्मूला कॉस में भी होता है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज 1/4 कॉस 3 थीटा। एक सवाल पहले डायरेक्ट देख लो जो जेई मेन में आ चुका है, डायरेक्ट सवाल जेई मेन 2022 में आया था, देख पा रहे हो डायरेक्ट शक्ल बनी हुई है इसकी, बिल्कुल रेडीमेड। साइन थीटा साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20, देख पा रहे हो साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20, यहां पे थीटा को 20 लेकर बिल्कुल सेम शक्ल लिखी गई है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 16 इंटू 1/4 साइन 3 थीटा, ये आपका आंसर आ गया, फिनिश्ड। √3 ऑप्शन बी, ये डायरेक्ट सवाल जेई मेन में आ चुका है, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि इसका सवाल आ चुका है, बात ये है, राइट। और इसे छोटी छोटी जगह पे यूज होता रहता है, अनअवॉइडेबल नहीं है, इसे अवॉइड किया जाता है, कि इसके और तरीके भी हैं सवाल को करने के जो कि मैं आगे करवाऊंगा, बट ये फॉर्मूला आता हो तो सवाल बहुत छोटा हो जाता है ऐसे। अब ये रहा थ्री थीटा का काइंड ऑफ इकलौता सवाल, मतलब बहुत ही कम सवाल थ्री थीटा के बेस पर आए हुए हैं, एक दो मतलब चुनिंदा सवाल आए हैं, और ये उनमें से अच्छे वाला सवाल है। जब ये सवाल मेरे सामने आएगा बिगिनिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आना करना क्या है, 4 cos के 9 माइनस 1 4 cos के 27 माइनस 1 एंड सो ऑन, कुछ समझ नहीं आएगा, बट बात वही है, ये कीड़े अपने हैं, करना तो है, ऑब्जर्व करना शुरू किया, कोई तो अच्छी चीज़ होगी यार, वहीं से शुरू करते हैं। एक अच्छी चीज़ दिखी, 9 का ट्रिपल 27, 27 का ट्रिपल 81, 81 का ट्रिपल 243, कुछ ट्रिपल हो रहे हैं एंगल, तो उम्मीद जागी कि कुछ थ्री थीटा टाइप का हो सकता है, ओके। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला जब सोचा तो यहां पे तो बिल्कुल बनता हुआ दिखाई नहीं, क्योंकि 4 कॉस क्यूब थीटा के साथ माइनस 3 कॉस थीटा चाहिए, तो अगर यहां पे कॉस 9 मल्टीप्लाई भी कर दूं, 4 कॉस क्यूब 9 तो बनेगा बट माइनस 3 कॉस 9 नहीं बन पाएगा, तो एक उम्मीद तो जागी कि थ्री थीटा टाइप कुछ हो रहा है, बट कॉस थ्री थीटा में कुछ बना नहीं, हौसला नहीं हारे, दैट इज व्हाट कंपटीशन रिक्वायर। चलो कॉस में नहीं बना, साइन में कोशिश करते हैं,
हमने इस टर्म को पकड़ा, एक टर्म को पकड़ लेते आगे सेम से ही है और साइन में तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया 3 - 4 sin² 9। उम्मीद जागी? हाँ सर, इसको साइन मिल जाए तो बात बन जाएगी सर, अगर इसको ऊपर एक साइन दे दोगे तो बात बन जाएगी। तो ये क्या बन गया sin 3θ / sin θ। तो बेटा अब अगर तुम सवाल की बात करो, 36 × ये पहला टर्म क्या बन गया, यहां से देखो क्या बन गया, sin 27 / sin 9। देख पा रहे हो? अगला क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे भैया, एंगल का ट्रिपल हो गया, नीचे सेम एंगल आ गया, तो एंगल का ट्रिपल हो गया और नीचे सेम एंगल आ गया, एंगल का ट्रिपल हो गया और नीचे सेम एंगल आ गया, एंगल का ट्रिपल हो गया। 243 का ट्रिपल कितना होता है भैया, 600। भैया 243 × 3 (9 - 7) (7 = 29 / sin 243). सवाल हो गया खत्म, तो आंसर आ गया 36 sin 729 sin 9। अब ये मत कह देना कि 720 360 का डबल था, ये तो दिमाग में नहीं आया। 36 is the answer। एक बच्चे ने बहुत ही प्यार से पूछा, सर डीपीपी दोगे इस वन शॉट की? मुझे एक जवाब दो शेरा, तुम्हारे पास एक सब्जेक्टिव बुक भी होगी, तुम्हारे पास, तुमने पक्के से जोश में आके एक ऑब्जेक्टिव बुक भी ली होगी, और अगर तुम कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ का कंटेंट भी होगा, क्या करोगे इतना कंटेंट बे, राइट? मेरे को डीपीपी देने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर मेरे लिए वो देखना कि तुम उसको डाउनलोड करके फाइनली रद्दी में भेज रहे हो थोड़ा दुखदाई हो जाता बेटा, इतना काम पड़ा है पहले वो कर लो, इन्हीं सवालों को रिपीट कर लो ना बेटा, बहुत है, बाकी जो मटेरियल तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना उनको सॉल्व करो। इतनी मेरी गारंटी है, तुम इसको पूरे को अच्छे से तैयार कर लोगे तुम कोई भी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक? देन ये फॉर्मूला आता है cos θ, cos 2θ, so on to, जब एंगल डबल होते रहते हैं, कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल डबल होते जा रहे हैं तो ये बन जाता है। इसमें बस एक ही ध्यान रखना कि बच्चे जो गलती कर देते हैं, एन जो है ना उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स से, भैया 1, 2, 3 n terms हैं, इससे आइडेंटिफाई करके ये फॉर्मूला बनाना है, sin(2n θ) / 2n sin θ, और यहाँ पे थीटा जो है वो सबसे छोटा एंगल है जो डबल होता जा रहा है, सबसे छोटा एंगल है जो डबल होता जा रहा है। जैसे कि अगर इस सवाल को देखो, cos 12 cos 24, पहले ये बता दूं जब भी cos प्रोडक्ट में आता है ना, यहाँ तक कि अगर sin भी प्रोडक्ट में आ जाए, सबसे पहले ना इसी फॉर्मूले की इच्छा जागेगी मन में तुम्हारे, इवन साइन भी प्रोडक्ट में आ गया ना उसको कॉस में कन्वर्ट कर देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके, और देखना कि कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा, अच्छा मतलब एंगल डबल तो नहीं हो रहे, क्योंकि जब भी कॉस प्रोडक्ट में आता है ना मोस्ट लाइकली यही लगता है। एक चीज़ और है जो लग सकती है, वो मैं भी कराऊंगा, 36 डबल नहीं हो रहा बट 48 तो हो रहा है, तो 48 को पहले लिख लेते हैं ना भाई, 84, 48 का डबल नहीं है, काश 96 होता, क्या 96 है मेरे पास? अगर मेरे पास cos 84 है तो क्या 96 भी है मेरे पास? हाँ सर, इसको माइनस cos 96 लिख सकते हैं। हाँ सर, पर सर पेपर मेरे दिमाग में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिमाग में आया तो ना ही आया, सही, हम इसको अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत हो नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, नहीं आया दिमाग में यार, ठीक है। तो पूरा अगर देखते तो एंगल डबल नहीं हो रहे थे, पर जहाँ जहाँ डबल हो रहे हैं उनकी क्लबिंग कर लेते हैं हम, यहाँ पे 3 एंगल डबल होते रहे लिख लिए, यहाँ 2 एंगल डबल हो रहे लिख लिए, ये इकलौता बैठा है शांत उसको साइड पर फेंक दिया। अब यहाँ पर लगाया फॉर्मूला sin 2/n, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, 3 है तो 2/n क्या हो गया 8 × θ, थीटा क्या है सबसे छोटा एंगल 12 /
टू पार एन साइन थीटा, टू पार एन साइन थीटा। ओके सर, इधर आ जाओ। साइन ऑफ टू पार एन, दो टर्म्स है, टू पार टू फोर, थीटा 36 अपॉन टू पार एन साइन थीटा। वो बेचारा अकेला बैठा है, क्या करे, अब कोई यार दोस्त नहीं मिला उसको, कोई डबल डुबल नहीं हो रहे थे। 8 इंटू 12 कितना होता है, 96 साइन 96, और नीचे कितना है साइन 12। अच्छा जी, कुछ मजा सा नहीं आया ना, चलो देखते हैं। इधर क्या आ गया, साइन 144। ओए होए, कितनों को यहाँ पे मजा आ रहा है, कितनों को 144 और 36 देख के मजा आ रहा है, जरा बताओ। सर सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन बराबर होता है पटाख। सर जी यहां पे क्या करना चाहिए अब, सर एक काम करते हैं हम, यहां से कॉज 6 बना सकते हैं 90 प्लस 6 करके, यहां से साइन 6 बना सकते हैं 90 माइनस 6 करके, और नीचे बैठा है साइन 12, बात बन जाएगी, यस और नो। साइन 6 इंटू कॉज 6 अगर इंटू 2 मिल जाए तो साइन 12 बन जाएगा। हां जी सर, कट कट कट, ये बना साइन 12 कट, तो आंसर आ गया 1/16। थोड़ा बेहतर सवाल हो गया बट पॉइंट पूरा क्लियर है। गुड इवनिंग शिरा, शाबाश। तो इस तरह से यहां पे ना कई बार सारे डबल हो रहे होंगे, कई बार नहीं हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो क्लबिंग कर देंगे, अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे, पर एंड में ये वाला स्टेप जो ना, ये वाला स्टेप, ये वो डिटरमिनिंग स्टेप होगा जो आपका प्लस फोर या जीरो डिटरमिन करेगा, और ये प्योर आपका अलाइड एंगल का बेसिक सा कंसेप्ट। ये थोड़ा बहुत डबल एंगल लग गया, डबल एंगल भी ना लगता शायद अगर आप इसको माइनस कॉस 96 लेते और यहीं पे क्लब कर देते। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत मतलब बहुत ही जगह यूज होता है, 11th में भी 12th में भी, राइट। हमारा काम क्या होता है कि इसको कंबाइन करके एक में ले आना, कंबाइन करके 1/64, मैंने कोई गड़बड़ कर दी, 8, ओ ये 4 भी था, ये 4 भी था, सॉरी, थैंक यू, इस 4 को हम भूल गए थे। देन 1/a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अब हमें ना काफी सवाल में जरूरत पड़ेगी कि इसको कंबाइन करो। ओके, यहां पे कंसेप्ट सीख लो, बस एक पी जाओ, अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 1 है तो वो दोनों साइन कॉस ही होंगे फॉर सम एंगल। अगर तुमने एक्स को कॉस अल्फा कहा है देन वाई साइन अल्फा ही होगा, अगर तुमने एक्स को साइन ऑफ समथिंग कहा है, भैया यहां पे अल्फा तो यहां पे कुछ और एंगल होगा, तो वाई कॉस ऑफ दैट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर दो एंगल्स के स्क्वायर, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 1 है ना, तो वो दोनों साइन कॉस ही होंगे। अगर ये साइन है तो ये कॉस होगा, अगर ये कॉस तो ये साइन, जैसे मर्जी ले लो, हमेशा होंगे। ये जोड़ने का तरीका देखिए, हमारे पास ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बैठा होगा और हमें कहा जाएगा इसको जोड़ दो, इसको आपस में जोड़ दो, तो हम कहेंगे जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ा जाएगा, जब भी इनको जोड़ना है, जोड़ना मतलब जोड़ के एक टर्म बनाना है, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड। अब मुझे की सोच के बताओ, बिल्कुल डायरेक्टली प्यार से, ये जो अंदर दो कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं तुमको, मुझे ओरली कैलकुलेट करके बता सकते हो कि यार इसका और इसका स्क्वायर का सम 1 है, कैन यू ऑब्जर्व इट, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, कैन यू ऑब्जर्व इट स्ट्रेट अवे, चाहे तो लिख के देख लो पर वैसे भी बता सकते हो, राइट। तो अगर इनके स्क्वायर का सम 1 है, तो मैंने अभी क्या बताया, दो नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 1 है ना, हमेशा अगर एक को कॉस कह दोगे तो दूसरा साइन ही होगा। अगर मैंने
इसको कॉस कह दिया किसी नंबर का, कोई तो एंगल होगा, नंबर है तो कोई एंगल होगा, तो ये पक्के से साइन होगा फॉर श्योर। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक हाफ है, एक रूट थ्री बाई टू है, इनके स्क्वायर्स का सम वन है। हाँ सर, अगर तुमने इसको कॉस कहा है, ये पक्के से उसी एंगल के लिए साइन होगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुमने इसको साइन कहा है तो ये पक्के से उसी एंगल के लिए कॉस होगा। बोलो नजारे आ गए, कंसेप्ट चमक गया, कंसेप्ट चमक गया। अगर चमक गया है तो बेटा जी, अगर मैं इसको कॉस कहता हूं तो ये साइन होगा, होगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो, फॉर्मूला बन गया, ये आपस में जुड़ गए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। आपने दो टर्म्स को जोड़कर एक में लिख दिया, साइन और कॉस दो बैठे थे, आपने जोड़कर कॉस में लिख दिया। हेलो शेरा, क्या बात है। तो जब भी ये एक्सप्रेशन आए और आपको कहा जाए इसको जोड़ो, तो आपने इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर साइन में जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहां पे साइन का फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो उसके लिए इसको कॉस कहना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे, जैसे कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। आपको बोला गया इस दो टर्म्स को जोड़ो और साइन में एक्सप्रेस करो, ओनली इन साइन एक्सप्रेस करो। आपने कहा ठीक है, हम इसको रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप, 9 प्लस 16 25, रूट लिया 5 ऐसे। अब जो मैंने कहा ना वो ध्यान से सुनो, अगर साइन में जोड़ना चाहते हो तो यहां पे तुम्हें साइन ए कॉस बी चाहिए होगा, इसे कॉस ऑफ एंगल कह दो, कोई तो एंगल होगा ना। हाँ, ये पहले बता दिया, अगर ये कॉस है तो ये साइन ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। पॉइंट कितनों को समझ आ रहा है कि आपने बस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, उसके बाद खत्म। अच्छा, उल्टा भी देखो, उल्टा भी देखो, अगर मुझे कहा जाता इसी को कॉस में जोड़ो, प्रोसीजर पहला पार्ट बिल्कुल सेम रहता। अब ध्यान से सुनना, पहला पार्ट पूरा सेम रहता, पर अब आपको कॉस का फॉर्मूला क्रिएट करना है, यानी कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी बनाना है। तो इसको अब मैं साइन कह दूंगा, होगा कोई एंगल, पर मुझे ये पक्का पता है अगर ये साइन है ना तो इसी एंगल के लिए ये कॉस होगा, एंड आई एम डन। पर सर, अगर उन्होंने ये एंगल पूछ लिया, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर क्या करना है बता देना। सर कैसे बताएंगे भैया, अगर तो एंगल अच्छा हुआ, वेरी गुड, जैसे वो मैंने हाफ और रूट थ्री बाय टू वाला एग्जांपल दिया। अच्छा नहीं हुआ तो बता देना कि ये वो एंगल है जिसका टेन अल्फा मेरे को पता है। कैसे पता है, दिस डिवाइड बाय दिस, 4/3। अगर वो पूछे एंगल क्या है तो बता देना कि मुझे टेन पता है, दिस डिवाइड बाय दिस, 3/4 ऐसे। समझ गए, बढ़िया। अरे वैसे एक खुशी होती, बिगिनिंग में पहले सेशन में ही पेड कैंडिडेट आने शुरू हो गए, चलो बढ़िया, फन लगा रहता है इनके करके। तो इस तरह से हमको साइन कॉस में जोड़ देते हैं, जरूरत पड़ने पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमको बहुत जगह पे। अब आता है मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। भैया इसमें तीन वैरायटी हैं, तीनों पी जाओ, स्टैंडर्ड तरीके हैं, और जेई में तो आ सकता है और बहुत चैप्टर में जगह जगह आ जाएगा। ओके, चैप्टर में भी जगह जगह पे आएगा। सबसे पहला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्स में, जो कि एक स्टैंडर्ड वैरायटी बन जाती है कि इसकी मिन वैल्यू ये है, मैक्स वैल्यू ये है।
हमने प्रूव जो किया ऊपर जो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है माइनस वन से वन में लाई करता है, साइन बेटा बेचारा माइनस वन से वन में लाई करता है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लाई करेगा, राइट। अब ब्रेक मुश्किल है, ब्रेक नहीं मिलेगा, वन शॉट है तो वन शॉट में ही चलेगा। आई एग्री थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा चैप्टर बहुत बड़ा है, आई वॉन्टेड कि मैं इसको थोड़ा कम समय में करा पाऊँ, बट इतना बड़ा चैप्टर है कि मेरे को जस्टिफाइड अभी लग नहीं पा रहा कि मतलब मैं इसको अगर इस वक्त बिगिनिंग में करवा रहा हूँ तो ठीक है, और मैंने सारे टॉपिक भी ज़्यादा ऐड कर लिए हैं तो पूरे टॉपिक कर रहे हैं तो ठीक है, आई एग्री थोड़ा टाइम लग रहा है, निपटाते हैं यार, क्या बात है कोई, ओके आ जाओ। तो इस एक्सप्रेशन की मिन वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहती है। स्टैंडर्ड सवाल ऐसे बनेंगे, आपको ए साइन प्लस बी कॉस दिख रहा होगा, राइट। कैसे करना है, अब ए साइन प्लस बी कॉस की मिन वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया माइनस फाइव से लेके प्लस फाइव, ये तो घटिया सवाल हो गया, थोड़ा सा बेटर करते हैं, ये बना दिया। अब यहाँ पे ना थीटा का बात कंसेप्ट नहीं है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की बात नहीं है, एंगल हो और सेम हो, अब वो थीटा है टू थीटा थ्री थीटा जो मर्जी है, सेम होना चाहिए, टू थीटा वेरी गुड। तो आपको थ्री साइन टू थीटा प्लस फोर कॉस टू थीटा, इसके बारे में तो अच्छे से पता है, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। इसकी मिन वैल्यू माइनस फाइव से प्लस फाइव रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया अगर ये माइनस फाइव से फाइव में लाइक करता है, प्लस टू कर दो तो मिन वैल्यू माइनस थ्री मैक्स वैल्यू सेवन। ठीक है सर, ये भी इजी सवाल है, ये थोड़ा बेहतर बन गया। अब इसके मॉड का मैक्स मिन पूछ लिया गया, फाइव कॉस थीटा माइनस ट्वेल्व साइन थीटा, इसके बारे में तो पता है ना मेरे को, ये तो मुझे फॉर्मूले से पता है, तो ये तो कर देता हूं माइनस रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर माइनस थर्टीन से लेकर प्लस थर्टीन, राइट। अब इसका मॉड सोचो, माइनस थर्टीन से लेके प्लस थर्टीन तक सारी वैल्यूज के मैग्नीट्यूड लिए हैं, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसका आएगा, माइनस थर्टीन से लेके प्लस थर्टीन तक हर एक नंबर का मैग्नीट्यूड लेना है, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसका आएगा जरा बताओ, सर जीरो का आएगा, और जीरो का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जीरो। तो जब माइनस थर्टीन से थर्टीन तक सारी वैल्यूज के मैग्नीट्यूड लिए गए, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड जीरो आया और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड थर्टीन आया, That is a mean and max value. Love you too, Shera. God bless you, Simran. खुश रहो. क्या बात है? Exactly. It's basically range. अब यहाँ पे एक step और आगे जाते हैं. This plus one का whole square plus two का max min पूछ लिया. मैंने कहा भाई इतना बड़ा छोड़ो, पहले जो छोटी चीज है जिसके बारे में मेरे को पता है कि ये तो minus five से five है, ये तो लिख लूँ, ये तो पता है ना मेरे को. हाँ सर. अब इसमें plus one किया तो minus four से लेके सिक्स तक है, ये तो पता है मेरे को. हाँ, अब इसका स्क्वायर करना है, ध्यान से देखो, माइनस फोर से लेके सिक्स तक जितनी भी वैल्यूज थी तुमने उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर किया है, सबसे छोटा स्क्वायर किसका आएगा बताओ, सबसे छोटा स्क्वायर माइनस फोर से सिक्स तक जितनी भी वैल्यूज थी उन सब का स्क्वायर किया तो सबसे छोटा स्क्वायर किसका आएगा, सर जी जीरो का आएगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो ही, और सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आएगा, सबसे बड़ा स्क्वायर माइनस फोर से सिक्स तक हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू सबका टिल सिक्स, सबसे बड़ा स्क्वायर सिक्स का आएगा, प्लस टू भी करना था, फाइनली प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो मिन वैल्यू टू आ गई, मैक्स वैल्यू 38 आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये पहली वैरायटी है जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड थी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपसे फॉर्मूला लगवा सकते हैं ऐसा, थ्री साइन थीटा प्लस फाइव साइन थीटा माइनस पाई बाय सिक्स, ये जेई मेन में आया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला मत लगा देना क्योंकि एंगल सेम नहीं है,
भैया ए साइन प्लस बी कॉस का फॉर्मूला लगेगा जब एंगल सेम है। तो सर यहां पे क्या करना है? भैया ओपन कर दो, डर क्यों रहे हो, ओपन कर दो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब लगा दो फॉर्मूला, देख पा रहे हो 3 cos थीटा और 5 बाय टू कितना होता है, 3 और 5 बाय टू 3 cos 5 बाय टू cos सर 11 बाय टू, अच्छा और sin थीटा कितना है 5 रूट 3 बाय टू sin थीटा, अब लगा लोगे फॉर्मूला, अब लगा लोगे फॉर्मूला, यस और नो सर? 12 क्या कह रहे, 12 sin थीटा, पिछले में कुछ 12 टूल था क्या, मैंने मिस किया कुछ? नहीं नहीं ठीक है, क्या कह रहे बेटा, माइनस, हाँ माइनस यहां पे माइनस, सॉरी हाँ सॉरी यहां माइनस, ओ ये ना चेंज हो जाएगा, थैंक यू, 3 माइनस 5 बाय टू हाफ। तो जब ऐसा आ जाए ना सीधे फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि फॉर्मूला लगता है जब थीटा थीटा सेम होने चाहिए एंगल, तो पहले उसको ओपन कर दो, चीजों को थीटा में ले आओ, अब जोड़ो और फिर से लगाओ फॉर्मूला। इसकी मिन वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाय 4 75 इंटू 25 75 बाय 4 से लेकर ये इसके मैक्स में आ जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कह रहे हो साहे। तो पहला कैटेगरी मेरा पूरा खत्म हो गया। सेकंड आ गया जब साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाए, राइट? ये एक क्वाड्रेटिक का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट अभी उसको एज अ शॉर्टकट याद कर लेना है अभी के लिए, अगर क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तो एज अ शॉर्टकट याद कर लेना है। मुझे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 की मैक्स और मिन वैल्यू बताओ। मैं कहा मेरे को तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो क्यों ना मैं साइन थीटा को कुछ टी कह दूं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 1, राइट? पर याद रखना यहां पे टी पे ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू, भैया साइन थीटा को टी बोला है तो टी माइनस 1 से 1 में लाई करता है। अब सुनो अभी के लिए ऐसा शॉर्टकट याद कर लेना है, जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो किसी फिक्स इनपुट के लिए, तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। सबसे पहली वैल्यू इस नंबर पे, माइनस 1 की वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस 4 प्लस 1 6, दूसरी वैल्यू इस नंबर पे 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 2, और तीसरी वैल्यू माइनस बी बाय 2a के ऊपर अगर ये नंबर इसके बीच में आ रहा हो। माइनस बी बाय 2a क्या बनता है 4 बाय 2 यानी कि 2, तो ये इसके बीच में आ ही नहीं रहा, अगर आ ही नहीं रहा तो जरूरत ही नहीं है, आ जाता तो इस पे वैल्यू भी निकालते। ओके तो भैया इसमें जो बड़ा आ गया वो तुम्हारा मैक्स वैल्यू है, जो छोटा आ गया वो मिन वैल्यू है। एक बार और लगा के देखो हमने बोला कॉस थीटा को टी, अब ऑब्वियसली टी जो है माइनस 1 से 1 में आ गया, हमने देखा ये तो बनी प्यारी सी क्वाड्रेटिक 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, सबसे पहली वैल्यू निकाली माइनस 1 पे, फिर निकाली 1 पे, माइनस 1 पे ये बन गया 2 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1 पे ये बन गया 2। अब माइनस b बाय 2a चेक किया, माइनस b बाय 2a माइनस 1 बाय 4, भैया ये माइनस 1 से 1 के बीच में आ रहा है, अगर ये आ रहा है इसके बीच में तो फिर इस पे भी वैल्यू निकालेंगे, तो 2 बाय 16 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1, तो ये 16 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 16 कितना बन गया भैया माइनस 18 बाय 16। तो अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका मैक्स है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपका मीन है। ये सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्स मीन बताने का, जब इनपुट पे कॉन्स्ट्रेंट है कि भैया वेरिएबल सिर्फ इतना ही लाइक करता है, तो आपको इन दोनों पे वैल्यू निकालनी होती है, और अगर माइनस बी बाय टू इनके बीच में है तो उस पर वैल्यू निकालनी है।
इनमें से जो मैक्स है वो मैक्स वैल्यू आ जाएगी, जो मिन है वो मिन वैल्यू आ जाएगी। डराने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, डरना मत भैया, कॉस टू थीटा को जैसे ही टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखोगे ये फिर से क्वाड्रेटिक है। फिर से कॉस थीटा को टी बोल दिया और तीन वैल्यूज निकाल दिए। हाँ सर समझ गए बिल्कुल। जिसको ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो क्वाड्रेटिक को एक बार देख लेना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, उसके बाद इसको देखना, फिर ये आपको आसान लगेगा। ये शॉर्टकट वाला होता है मेथड एक रेंज निकालने का। ठीक, लास्ट जो वैरायटी होती है, देखो ट्रिग्नो में मैक्स मिन या रेंज वाले सवाल की तीन वैरायटी, तीनों बता रहा हूँ, खा जाओ पी जाओ आगे तक आराम रहेगा। तीसरी वैरायटी साइन पार एन थीटा और कॉस पार एन थीटा, और आपको थीटा मेंशन होगा जीरो से पाई बाय टू। जब भी आपको साइन पार एन थीटा प्लस कॉस पार एन थीटा की रेंज पूछी जाएगी ना, आपने सिर्फ दो ही वैल्यूज निकालनी है, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई बाय फोर, सवाल खत्म। इनमें से एक मैक्स होगा एक मिन होगा। पहले मैं लगा के दिखा देता हूं, इसकी मैक्स मिन पूछी गई है, जीरो पाई बाय टू दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जीरो थीटा को जीरो पुट करिए वन, एफ ऑफ पाई बाय फोर वन बाय रूट टू का क्यूब टू रूट टू प्लस वन बाय रूट टू का क्यूब टू रूट टू, ये बन गया आपका टू बाय दिस वन बाय रूट टू, ये मैक्स ये मेन, सवाल खत्म। बोलो वाई नजारे खत्म। एक्चुअली जितने मर्जी करा लो, साइन पार एट प्लस कॉस पार एट, एफ ऑफ जीरो वन, एफ ऑफ पाई बाय फोर वन बाय रूट टू की पावर एट, वन बाय टू की पावर फोर, वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय सिक्सटीन वन बाय एट, ये रहा मैक्स ये रहा मिन। सेम शॉर्टकट हमेशा काम करेगा जब भी साइन पार एन थीटा प्लस कॉस पार एन थीटा होगा। ये पावर हाफ लगा दी सेम, अब सीधे देख लो, एफ ऑफ जीरो वैल्यू एफ ऑफ पाई बाय फोर पे वैल्यू, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू वन आ रही है, एफ ऑफ पाई बाय फोर पे बड़ी आ रही है वन से, तो ये मैक्स होगी ये मिन हो गई। और कोई है पार्ट? और भी फॉर्म पे पार्ट नहीं है। अब इसका रीजन भी सुन लो, रीजन ये होता है जब भी आप साइन पार एन थीटा प्लस कॉस पार एन थीटा की बात करते हैं, बंद करो ओके, तो आपको ग्राफ ही याद, शक्ल याद कर सकते हो आप। जीरो से पाई बाय टू में साइन थीटा ऐसा होता है राइट, और कॉस थीटा ऐसा होता है, दिस इज वन। कॉस थीटा और साइन थीटा जीरो से पाई बाय टू में ऐसे होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो वो ऐसा होता है। तो हम साइन पार एन थीटा प्लस कॉस पार एन थीटा की बात कर रहे हैं। ग्राफ ऐसा दिखेगा जब एन टू होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जैसे ही आप एन को बढ़ाना शुरू करते हैं टू से ज्यादा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये ग्राफ नीचे की ओर बैठ जाता है। ऐसा जब भी आपका एन ग्रेटर देन टू होगा ये ग्राफ नीचे की ओर बैठ जाएगा, और जब भी आपका एन आप कम करना शुरू करते हैं, टू से छोटा लेते हैं, वन हाफ जीरो माइनस वन माइनस टू, नीचे की ओर चले जाते हैं, तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। गॉट इट? एन लेस देन टू। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें जो पीक है, पीक चाहे वो मैक्स हो चाहे वो मिन हो, वो हमेशा पाई बाय फोर पे आता है। पीक हमेशा पाई बाय फोर पे आता है, और ये वाली दोनों साइड तो फिक्स ही हैं। हैंस जीरो और पाई बाय फोर सिर्फ दो ही पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, वहीं से मैक्स मिन मिलना है, काम खत्म। शॉर्टकट है, खा जो पी जो नहा लो इसमें। देन कम्स ट्रांसमिशन फॉर्मूले राइट। ये थोड़ी छोटी कैटेगरी रहती है, मतलब इसके बीच बीच में यूज होगा, पर ऐसे डायरेक्ट सवाल बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। पहला होता है सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना, और दूसरा होता है प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में आना राइट। अगेन फोकस जो है ना आपने एंगल पे रखना है। जब आप सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में आएंगे, जो नए एंगल है ना
वो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू बनते हैं। ये एंगल याद रखने हैं, जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको। सवाल देखो, हमें कॉस ए प्लस कॉस बी पता है, हाफ साइन ए प्लस साइन बी होता है 1/4, और ये पूछा गया प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू हाफ। अगर मुझे ये पता है कि यार मुझे ए प्लस बी बाय टू क्रिएट करना है, तो मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूंगा ना, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो ए प्लस बी बाय टू एंगल क्रिएट हो जाएगा सी प्लस डी बाय टू। सिमिलरली इसको भी प्रोडक्ट में लिखूंगा, तो सबसे पहला काम मैंने प्रोडक्ट में लिखा साइन ए प्लस साइन बी, इसको लिखा प्रोडक्ट में, और कॉस ए प्लस कॉस बी, इसको लिखा प्रोडक्ट में। अब क्योंकि मुझे टैन क्रिएट करना था, मैंने इन दोनों को डिवाइड मारा, ये कट गया और जो बचा वो टैन आ गया। आइडिया समझ गए? यस राजहंस बेटा, आओ यहां देखो, हमें यहां से ये प्रूव करना था। सबसे पहला फोकस तो यार मुझे 3x चाहिए, राइट। दूसरा फोकस यार कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी, तभी एक सिंगल टर्म मिलेगी। काटा पीटी के लिए यार सम डिफरेंस नहीं हेल्प करता, प्रोडक्ट हेल्प करता है। अगर ऊपर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए, नीचे प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए, तो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। हैंस हमने सोचा चलो इस सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब सवाल उठा, इन दोनों को जोड़ूं या इन दोनों को जोड़ूं? एट अ टाइम दो ही जुड़ सकते हैं, एट अ टाइम तो दो ही जुड़ेंगे, तो वहां पे फोकस करना है नए एंगल्स। सबसे अच्छे नए एंगल किस में बन रहे हैं? इन दोनों में। 2 + 4 = 6 डिवाइड बाय 2 = 3 होता है, मुझे 3 ही एंगल चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मेरे नए एंगल क्या बनेंगे? 5/2x और 1/2x, दोनों ही बदसूरत हैं। पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मेरे एंगल बनते हैं 3x और x, दोनों ही खूबसूरत। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2 कॉस सी माइनस डी बाय टू। आइडिया समझ आ गया कि कैसे डिसाइड किया कि किन दो को जोड़ना चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c + d/2 कॉस सी माइनस डी बाय टू। गॉड ब्लेस यू शेरा, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ऊपर से साइन 3x कॉमन निकाल लो, नीचे से कॉस 3x कॉमन निकाल लो, और आपको देख ही रहा होगा कि जो बच रहा है वो आपस में कट रहा है, तो टैन 3x बन गया। सो एवरीथिंग विच यू नीड टू लाइक कीप इन माइंड इज एवरी लाइक माइन्यूट थिंग इज की रिक्वायरमेंट और फॉर्मूले को देखना कैसे है। नए एंगल जो बन रहे हैं ना, उस पर फोकस करना है। अब जैसे ये सवाल है, sin of 12 + sin of 12 - sin 72, इसकी वैल्यू पूछी गई मुझे जेई मेन में। तो मैंने कहा यार 12 + 72/2 तो अच्छा नहीं है, पर 12 - 72/2 अच्छा होता है, 60/2 = 30 अच्छा होता है। C प्लस डी बाई टू उतना अच्छा नहीं है, बट C माइनस डी बाई टू बहुत अच्छा है, तो लगा के देखते हैं। तो हमने लगा दिया साइन C माइनस साइन D, 2 cos c + d/2 कितना बन गया 84/2 साइन C माइनस डी बाई टू माइनस 30, तो यहां पे माइनस कर देते हैं आगे साइन 30। अब ये तो अच्छा है, हाफ हाफ था तो कट भी गया, तो क्या बचा साइन 12 - cos 42। अब क्या किया जाए? अब इस फॉर्मूले का पंगा यह कि यह फॉर्मूला लगता है जब सेम सेम होते हैं, साइन साइन कॉस कॉस, ये तो अलग अलग हो गए, तो सर सेम बना दो, साइन 48 कॉम्प्लीमेंट्री में ले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में ले जाएंगे बिल्कुल। फिर से साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2 साइन सी माइनस डी बाई टू। अब साइन 18 जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था भैया आपको याद करनी पड़ेगी, आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये याद है, वेरी गुड। पर अगर ये भूल गए बेड़ा गर्क, क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लग जाएगा, तो ये हमें याद करनी पड़ेगी, राइट, विच इज रूट 5 - 1/4। बिगिनिंग में मैंने आपको पूरा टेबल दे दिया जो आपको याद होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा याद ये।
कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो इसमें ऑप्शन को देख के मुझे बता सकते हैं कि सर पता है कि पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट देखनी आ गई सर हमको, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट देखनी आ गई, वेरी गुड सर। कंपोनेंडो डिविडेंडो, सर देखो सर, साइन थीटा प्लस टू अल्फा, और साइन थीटा भी लिख लो चलो ऐसे, इज इक्वल टू एन बाय वन। सर ऑप्शंस बता रही हैं एन प्लस वन, एन माइनस वन, वन प्लस एन, वन माइनस एन क्रिएट करना है। सर जी एन बाय वन बैठा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, साइन ये प्लस ये और नीचे इन्हीं का डिफरेंस इक्वल टू एन प्लस वन एन माइनस वन। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि मोमेंट आप ये क्रिएट कर लेते हो नाउ, आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे मैं इनको जोड़ूंगा, भैया जोड़ना जरूरी है क्योंकि मुझे सिंगल टर्म क्रिएट करना है टेन का, ये जुड़ेगा तभी तो काटा पीटी होगी। इनको जोड़ूंगा सर, ये प्लस वाला है साइन कॉस के टर्म आएंगे, ये माइनस वाला है कॉस साइन के टर्म आएंगे। सर एक कट जाएगा और दूसरा टेन बना देगा, एक कट जाएगा और दूसरा टैन बना देगा। कहाँ गया? अच्छा टैन सॉरी नहीं बनाएगा, कटेगा नहीं क्योंकि इधर भी टैन चाहिए था, सॉरी कटेगा नहीं। तो ये वाला टर्म उठा के इधर ले जाएंगे और ये वाला टर्म इधर ही चाहिए था आपको। यो यो यस सर। तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझ चुका है अब, राइट? कोई बात नहीं श्रेयस, वेट करो बेटा। और सिमिलरली ये आ गई दूसरी वैरायटी, भैया प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कैसे आते हैं? अगेन फोकस वही रखना है कि नए एंगल जो हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बनते हैं, राइट? याद तो करने पड़ेंगे और याद ये सवालों में लगा के होंगे, बट फोकस क्या है कि नए एंगल ए प्लस बी ए माइनस बी बनते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहला, क्या तुम देख पा रहे हो ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा है? अरे हाँ सर, अगर ये वो है तो मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1/4 साइन 3 थीटा, क्वेश्चन ओवर। दूसरा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब भी कॉस प्रोडक्ट में आता है ना, हम प्रे करते हैं एंगल डबल हो रहे हो, बढ़िया बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला पता है। यहां तक कि जब साइन प्रोडक्ट में आता है ना, तो भी हम पहली कोशिश करते हैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद वही वाला फॉर्मेट बन जाए। और देखो यहां बन भी रहा है, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 50, एंगल डबल होते जा रहे हैं। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, साइन भी आया ना तो भी कॉस में कन्वर्ट हमारा पहले, शायद एंगल डबल हो रहे हो। तो साइन 2^3 नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो 2^3 8। थीटा क्या था यहां पे? सबसे छोटा एंगल 20 अपॉन 2^n साइन थीटा, ये बन गया साइन 160, ये साइन 20, सप्लीमेंट्री एंगल है, कट गए। और अब आता है लास्ट मेथड जिसके लिए सवाल यहां रखा गया है। बेटा जरूरी तो है नहीं कि हमेशा ये सवाल ऐसा हो कि इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट में फिट हो जाए, जरूरी तो कतई नहीं है ना। तो हमें एक जनरल मेथड भी आना चाहिए। जनरल मेथड क्या है? जब भी तीन टर्म प्रोडक्ट में आए, चाहे साइन में चाहे कॉस में, अगर तो फॉर्मेट बन गया वेरी गुड, अगर नहीं बना तो जनरल मेथड ये होता है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके किन्हीं दो टर्म्स को आपस में जोड़ दो, ऐसे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, किन्हीं दो टर्म्स को जोड़ दो, ज्यादा सोचना नहीं है, 2 साइन ए साइन बी। तो आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो लगा दिया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे, हर बार ऐसा होगा कि एक टर्म अच्छी बनेगी, हर बार ऐसा होगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 1/2 कॉस 40 कॉस साइन 70 माइनस 1/4 साइन 70। अब क्या करें? फिर से सेम चीज, ये जो दो टर्म्स बैठी हैं इन पे फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, भैया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस पे फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो दो बार आपको फॉर्मूला लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन का और ये सवाल हमेशा खत्म हो गया होगा।
ये क्या बना, 2 साइन ए कॉस बी लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर से अगर आप देखोगे, एक टर्म अच्छी बनेगी, एक बदसूरत बनेगी, एक अच्छी एक बदसूरत। जो अच्छी है उसकी वैल्यू लिख लो। क्या तुम देख पा रहे हो, जो अब बदसूरत टर्म बन रही है वो कैंसिल हो गई, जो बदसूरत टर्म बन रही है वो कैंसिल होगी। कैन यू सी दैट? 110 और 70 सप्लीमेंट्री एंगल है, 1/4 साइन 110, 1/4 साइन 70। तो आपका आंसर आ गया 1/4 इंटू 1/2 1/8। कंक्लूड कर रहा हूं, किन्हीं दो को जोड़िए, फॉर्मूला लगा दीजिए, लगाते ही एक टर्म अच्छी बनेगी। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करते यहां फिर से दो टर्म्स आएंगी, तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाते ही गंदी टर्म कट जाएगी, अच्छी से आंसर आ जाएगा। नथिंग चेंजेस अगर यहां पे साइन की जगह कुछ कॉस का सवाल आ जाए, मैथड रिमेन सेम। ये तो चलो फॉर्मूला पैटर्न बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा तो जनरल मेथड, ठीक है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जब लास्ट स्टेप अगेन, बेटा देखिए साइन 110 इंटू 1/4 साइन 70 इंटू 1/4 ये आपस में कट गए, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल पे साइन सेम होता है, तो बस ये 1/4 इंटू हाफ 1/8 बच गया, ठीक है। इस सवाल को भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप इसको करें भी। फिलहाल मैंने सॉल्यूशन जो है फॉर्मूले वाला दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस इक्वल थीटा, बट इसको आप इससे भी करिए, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या बात है। और ये सारे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड खा जाने इस चैप्टर के स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके देन कम्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जब एडिशन आ जाए, ये सवाल किस में थे, प्रोडक्ट में, जब एडिशन आ जाए, साइन में एडिशन है या कॉस में एडिशन है, देख रहे हो, और एंगल्स में खूबसूरती क्या है कि एंगल्स एपी में है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी सो ऑन, ए प्लस डी ए प्लस टू डी सो ऑन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं और इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस टर्म का फर्क है और किसी टर्म का फर्क नहीं है, समझ गए, और किसी टर्म का फर्क ही नहीं है, सिर्फ इस टर्म का फर्क है। एक जगह लगा के दिखा देता हूं कि यहां पे एन ए डी कैसे लिए जाते हैं, जैसे ये सवाल है जेई का सवाल है, एडिशन में कॉस हाँ, एंगल एपी में है हाँ, तो बेटा जी सबसे पहला एंगल जो है उसको आप ए कह देंगे, कॉमन डिफरेंस जो है उसको आप डी कह देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को एन कह देंगे। फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एन डी बाय टू तो 3π/7 डिवाइड बाय साइन ऑफ डी बाय टू। अगर ये कॉस 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 है तो यहां पे आ जाएगा कॉस, अगर ये साइन 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 होता तो यहां पे आ जाता साइन, और कोई फर्क नहीं। अंदर क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी बाय टू, साइन एन डी बाय टू डिवाइड बाय साइन डी बाय टू, साइन ए प्लस एन माइनस वन डी बाय टू। अगर कॉस है तो यहां पे कॉस, बाकी सारा फॉर्मूला सेम, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। ए डी एन क्या है मैंने बता दिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आप जब इसे लिखेंगे तो आपने इस चैप्टर में सबसे पहला बिगिनिंग पढ़ा है उसका यूज होगा, कॉस पाई बाय सेवन। अब एंगल बदसूरत है, देखिए आंसर कांस्टेंट है। अब यहां पे इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, या तो आप इसको प्रोडक्ट को आप ट्रांसमिशन फॉर्मूला लगाएंगे, या आपके दिमाग में आ सकता है यार 4π/7 का सप्लीमेंट्री एंगल 3π/7 होता है, यहां भी 3π/7 है, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो भैया साइन 2θ बना देता हूं। ये वो स्टेप है जो आपकी प्रैक्टिस से आपको आएगा,
और यही वो स्टेप है जो मैं कह रहा था ना, आखिरी स्टेप में जाके बाजे बज जाते हैं, बाकी सब ठीक कर रहे होते हैं, आखिरी स्टेप में जाके सारा एफर्ट वेस्ट, क्योंकि आप इस बेसिक कला में वीक रह जाते हैं। तो आज सेशन के जो बिगिनिंग वाले पार्ट कराए ना, बहुत उस पर बहुत फोकस करना भैया। सप्लीमेंट्री एंगल है ख़त्म, -1/2 सप्लीमेंट्री एंगल है ख़त्म, आग लगा दी, ठीक है। और तुम भी फिर लाइक्स में आग लगाओ ना यार। देन द टॉपिक इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रेयर यूज होती हैं, बट यहां जहां यूज होंगी भैया वहां पे इसके बिना सवाल नहीं बनेगा, राइट? तो कंडीशनल आइडेंटिटी, अंडर सम कंडीशन इट होल्ड्स, इट डजंट होल्ड ऑलवेज, ठीक है। इनमें से ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना भी आसान है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला, ठीक है, और लास्ट में सी। वैसे तो करीबन 7-8 कंडीशनल आइडेंटिटी हैं, उनमें से टॉप 5 मैंने लिखी जो मैक्सिमम यूज होती है, कहीं ना कहीं यूज हुई है, बाकी तो कहीं यूज ही नहीं हुई, बट इसमें भी ऑर्डर बता दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। मैंने इसका प्रूफ यहाँ पे दे दिया है, कैसे प्रूफ करते हैं, मैं एक प्रूफ आपको सिखा भी देता हूँ, हालांकि इसका प्रूफ काम नहीं आएगा आपका, कहीं पे भी आपको प्रूफ पूछेगा, पर मैं एक प्रूफ आपको करवाऊंगा ज़रूर, और उसके बाद इसके एक दो सवाल कराता हूँ जहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसका यूज़ होता है, ठीक है, ओके। एक का प्रूफ मैं करवाना चाहूँगा आपको, जब भी कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूफ करना हो स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये सारी एक तरीके से होती हैं और ये एक तरीके से, टैन का हमेशा तरीका लग रहता है, इनका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? किन्हीं दो टर्म्स को जोड़ो, प्रोडक्ट रूल ट्रांसलेशन लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin C + D/2 कॉस सी माइनस डी बाय टू, ओके सर। किन्हीं दो टर्म्स को जोड़ दो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, ओके, देन यहां पे इसे यूज करो, कुछ भी करके यूज करो, ठीक है, मैं इनका यूज कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी को साइन ऑफ पाई माइनस सी कह के साइन सी कह दूं, जैसे मर्जी यूज कर लो, हाँ कह दो, तुम जैसे ही उसे यूज करोगे ना, पूरे में से कुछ कॉमन आएगा ही आएगा। क्या तुम्हें दिख रहा है कॉमन आता हुआ? हाँ सर, अब दिख रहा है। पहला स्टेप है किन्हीं दो को जोड़ दो, फिर गिवन को यूज करके कर दो, पक्के से कुछ कॉमन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ओके सर। नाउ इसको फिर से जोड़ो, अब झूठ मत बोलना, तुम्हें सी लिखने में ज्यादा मजा आएगा या माइनस कॉस ए प्लस बी लिखने में ज्यादा मजा आएगा? सी इज पाई माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी में ज्यादा मजा आएगा ना, क्योंकि जब भी जोड़ते हैं नए एंगल्स क्या बनते हैं, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, तो यार इसमें अच्छा बन जाएगा ना, ये सी तंग करता, गंदा लगता, और सवाल खत्म। जोड़ दो, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 times sin C + D/2 साइन डी माइनस सी बाय टू, यही है तुम्हारी राइट हैंड साइड, देख लो, फिनिश्ड। ऐसे ही करना है, अगर आपको कीड़ा जाग जाए कभी प्रूफ का, सो कंडीशनल आइडेंटिटी का प्रूफ कोई नहीं कराता सर, हर जगह ऐसे दे देते हैं, भैया करवा दिया, ऐसे ही होना है, हर बार ऐसे ही होना है। दोबारा सुन लो, 2-3 स्टेप है स्टैंडर्ड, पहले तीनों का प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे सारे सेम तरीके से हुए, हमेशा सेम तरीके से प्रूफ होना है, ठीक है। टैन के लिए तरीका थोड़ा सा लग रहता है, उसमें टैन सीधे अप्लाई कर देते हैं, आज बिगिनिंग में सलाह है, टैन में रिलेशन निकालना है, एंगल्स में खूबसूरती है, टैन लगाओ सवाल खत्म, टैन लगाओ सवाल खत्म। और यहां पे बता दूं, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई के लिए भी ट्रू है, भी ठीक है जी, टैन वाला रिलेशन, पाई 2 pi 3 pi कुछ भी हो, एंड यहां कन्वर्स भी ट्रू है, भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर ये है ना, तो आप ए प्लस बी प्लस सी के बारे में भी बता सकते हो कि पक्के से एन पाई होगा, ये सिर्फ टैन के केस में बता रहा हूं, सिर्फ टैन के केस में, पिछलों में नहीं, टैन की इज्जत थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए एक टैन का सवाल भी कराता हूं, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना,
जब भी a प्लस बी प्लस सी एन पाई के बराबर होगा तो tan का सम और tan का प्रोडक्ट बराबर आएगा। सेम एज प्रीवियस, बिल्कुल सेम तरीके से प्रूव होना है। दोनों साइड पहले 2 से डिवाइड कर दो, a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू पाई बाई टू, अप्लाई tan, ठीक है, बिल्कुल सेम। और ये भी इन जनरल ट्रू है एन पाई के लिए, और यहां पे भी कन्वर्स ट्रू है, ठीक है जी, भले भले। अब बात आती है सवाल की, कंडीशनल आइडेंटिटी का सवाल आता कैसे है। एक सवाल देखो, ये कहता है x प्लस वाई प्लस जेड जो है एक्स वाई जेड के बराबर है, देन प्रूव दैट दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। सर ये ट्रिग्नो का सवाल कैसे हुआ, ये तो कुछ और ही लग रहा है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगर तुम्हें ये वाला अच्छे से याद है, अगर ये याद है, ठीक है ना, आ जाओ। तुम्हें लगता है यार ये तुम्हें tan 2 थीटा की याद नहीं दिला रहा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा की याद नहीं दिला रहा, ये tan 2 थीटा की याद नहीं दिला रहा। तो अगर मैं x को कह दूं tan ऑफ a, y को कह दूं tan ऑफ b और z को कह दूं tan ऑफ c, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये क्या कहती है, ये कहती है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। और ऐसा कब होता है, जब a प्लस b प्लस c जो है n पाई के बराबर होता है, बिल्कुल सर। पर आप ये x को tan a, y को tan b, z को tan c कैसे कह सकते हो सर। बेटा किसी भी नंबर को ना मैं साइन कॉस तब कह सकता हूं अगर वो नंबर माइनस वन वन के बीच में हो, बट किसी भी नंबर को टैन या कॉट मैं हमेशा कह सकता हूं, क्योंकि टैन और कॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी बन सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लव यू टू शेरा, गॉड ब्लेस यू रियांश। अब जैसे ये पता लगा मुझे यहां पे tan 2a दिख रहा है, या सुनो अगर ये tan a है तो ये tan 2a है, देखो जरा। हाँ सर बात तो सही लग रही है, tan 2a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो मुझे 2a 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 चाहिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई। भैया ये तीन ऐसे एंगल हैं जिनका सम जो है एम पाई के बराबर है, तो पक्की बात है इनका जो टैन होगा उसका सम जो है प्रोडक्ट के बराबर होगा। चको, एंड दैट्स व्हाट यू रिक्वायर्ड। ये कुछ और नहीं, यही टर्म है, देख लो। What is tan 2b? 2 tan b upon 1 minus tan square b. 2y upon 1 minus y square. This is nothing but tan 2c. Right hand side इन तीनों का product ही, तो ध्यान से देखो इन तीनों का product ही लिखा हुआ है। Understood sir. एक सवाल बहुत ही प्यारा और करवाना चाहूंगा। कहता ए बी सी जो है एक्यूट पॉजिटिव एंगल है, सजेट सम पाई है, ये पहले हिंट अच्छा मिल गया। कॉट ए कॉट बी कॉट सी के है, और के की मैक्स मिन वैल्यू पूछी गई है। बेसिकली कॉट ए कॉट बी कॉट सी की ही मैक्स या मिन वैल्यू पूछी गई है। इसका जो मेथड है शायद पहली बार में क्लिक ना करे, थोड़ा सा शायद आपने पढ़ा भी शायद ना हो, बट एक टाइम पे आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए देख लीजिए, एक ए एम जी एम होता है ना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जिसने नहीं पढ़ा है वो इस सवाल को छोड़ सकता है और पढ़ने के बाद देख ले, जिसने पढ़ा है वो देखो। क्योंकि पॉजिटिव एंगल थे, एक्यूट एंगल थे, तो मुझे पता टैन ए टैन बी टैन सी पॉजिटिव है,
और इसके चलते रहते मुझे पता था कि टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी जो है वो इन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर है, ऐसे प्रोडक्ट के बराबर भी है। मैक्स मिन वैल्यू पूछी हो, टर्म्स पॉजिटिव हो, सम और प्रोडक्ट अच्छे हो, तो ए एम जी एम हमेशा लगाया जाता है। तो मैंने ए एम जी एम लगाया टैन ए कॉमा टैन बी कॉमा टैन सी पर, तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू टैन ए टैन बी। ये थोड़ा सा आगे चला गया है, अभी जिस बच्चे ने ए एम जी एम नहीं पढ़ा इसको होल्ड पे रख सकता है, ठीक है, थोड़ा होल्ड पे रख सकता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट में था, मैंने इसे यूज किया और यहां पे भी प्रोडक्ट लिख दिया टैन ए टैन बी टैन सी। टैन ए टैन बी टैन सी की पावर 1 है, टैन ए टैन बी टैन सी की पावर 1/3 है, जब कैंसिल करूंगा तो टैन ए टैन बी टैन सी की पावर 2/3 रह जाएगी। हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ सर, इसी का उल्टा कर दो, सवाल खत्म। पहले तो इसको हटाओ, यहां पे करो 3/2, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, लेस देन इक्वल टू आ गया। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 1/3 raised to power 3/2। गॉड ब्लेस यू शेरा। यो सर, विद दैट आज का सेशन जो है वो खत्म होता है। 3.5 घंटे का मेरे को लगा था हो जाएगा, 4 घंटे चला गया, क्योंकि मेरे को था कि सारे टॉपिक का ट्रिग्नो के सारे करा दूं, कोई रह ना जाए। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इज डन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक सेपरेट चैप्टर अलग से करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इज डन। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छे से तैयारी करो, इन्हीं सवालों को रिपीट करो, और एक बार जब इसको दोबारा रिपीट करोगे आई विल सजेस्ट कि 2x पे रिपीट करना, जहाँ जहाँ मैंने बातें बोली होंगी स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सोचना है, इस पर यहाँ फोकस करना है, उसके एक शॉर्ट नोट बना लेना, उस चीज़ को 4-5 बार जब टाइम पे रिपीट करोगे ट्रिग्नोमेट्री डरा नहीं सकती तुमको, ठीक है। ओके सिमरन, सो विद दैट टाइम टू से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच, जल्दी मिलेंगे दोबारा से। Bye-bye.